हेलो 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 बेटा गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू आप सभी को मेरा नमस्कार आप ये बताओ प्रॉपर साउंड आ रही है या नहीं आ रही ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी परफेक्ट है या नहीं एक बार दिल से रिप्रेजेंट कर दो बस ऑडिबिलिटी विजिबिलिटी अगर परफेक्ट है तो एक बार दिल से रिप्रेजेंट कर दो बस कंटिन्यू करते हैं या आग लगा दो तब भी चलेगा थम से रिप्रेजेंट कर दो तब भी चलेगा नमस्कार बस ऑडिबिलिटी कंफर्म कर दो कंटिन्यू करते हैं गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून सारे के सारे ज्वाइन कर लो फटाफट अब कोशिश रहेगी मेरी लेक्चर को और शॉर्ट करने की कंप्लीट डेटा है स्लाइड पहले से प्रिपेयर है काफी ठीक है एकदम कंसाइज फॉर्म में कंप्लीट एनसीआरटी पूरा फ्लो डायग्राम डायग्राम आज का टारगेट हम ढाई घंटे का लेकर चल रहे हैं ठीक है ढाई घंटे का टारगेट है, देखते हैं कितना जाता है। पूरा रिवाइज कराएंगे पूरा याद कराएंगे तब आगे बढ़ेंगे बहुत बढ़िया सुपर 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 लग गई आग ठीक है अब आग लग चुकी है और स्टार्ट कर देते हैं डन बस 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 सुपर तो आज का टारगेट है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन अगर देखो पुराने चार साल से पहले देखते हो तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन से बहुत क्वेश्चन थे उसमें सेंसरी वाले पार्ट से सबसे ज्यादा क्वेश्चन थे सेंसरी वाले पार्ट से सिंगल ईयर में तक ठीक है तो यहां हमने डेटा दिया है पर ये डेटा ओनली न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर सेंसरी ऑर्गे इंक्लूड नहीं है सेंसरी ऑर्गेस में इंक्लूड नहीं है ठीक है तो नॉर्मल नर्वस सिस्टम से देखा जाए पास्ट फोर ईयर के अंदर तो एक एक और दो क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी मिली है जीरो भी आया हुआ है ठीक है मतलब इसका वेटेज अगर सेंसरी सिस्टम से करते हैं मतलब इसी में एक पार्ट है सेंसरी उसको मैं अलग लेक्चर में लूंगा एक घंटे का शॉर्ट डालूंगा उसमें हो जाएगा सेंसरी ऑर्गन ठीक है तो वो अलग कर दिया है हमने क्योंकि हौच पौच ना हो जाए वो एक अलग हमने लेके चल रहे हैं इसको अलग लेके चले तो इसके अंदर अगर हम न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में बात करते हैं तो एक से दो क्वेश्चन का वेटेज है और अकेले सेंसरी ऑर्गन का दो से तीन क्वेश्चन का वेटेज है ठीक तो तो है तो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए उसको अलग कर दिया है ठीक है थीके? तो आज का टारगेट कंप्लीट न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है जिसके अंदर हम ब्रेन को आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं क्लियर है बिल्कुल ब्रेन को आपके ब्रेन में सेट करने वाले हैं पक्का ठीक है तो कंटिन्यू करते हैं एनसीआरटी में साथ लेके चलूंगा

हाइड्रा की अगर बात करते हैं नाइडेरियंस के अंदर आते हैं ठीक है इनके पास होता है तो सबसे पहले सिंपल टाइप का सेंसरी सेल इनके पास बन गया था समझे बिल्कुल सबसे पहले सिंपल टाइप का सेंसरी सेल इनके पास बन गया था क्लियर बिल्कुल हाँ सिंपल टाइप का ठीक है कभी आपने देखा हो प्रैक्टिकल किया हो हाइड्रो को वाटर में डाल दो ठीक है फ्रेश डिस्टल वाटर के अंदर ठीक है तो कहीं ना कहीं वो सेंसिटिविटी दिखाता है ए पोलर टाइप्स ऑफ न्यूरोन यहां देखने को मिलते हैं ठीक है और अगर इनवर्टिव रेट में हम बात करते हैं सबसे वेल डेवलप नर्वस सिस्टम कहां देखने को मिलता है आप बोलोगे इंसेक्टा के अंदर या आप बोलोगे ऑर्थोपोडा के अंदर ट में हाँ वर्टिव रेट में अगर बात करते हैं तो वहां थोड़ा सा एडवांस टाइप का आ जाता है इनवर्टिव रेट की अगर बात करते हैं तो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं जबकि में आगे क्या हो गए थे माइलिनेटेड न्यूरॉन बन गए थे मालीनशीट से मतलब क्या है भाई मालीन शीट का मतलब है कंडक्शन कंडक्शन यानी उन वायर्स के अंदर स्पीड कंडक्शन स्पीड बढ़ गई थी जहां पर भी माइलिनेटेड न्यूरॉन होते हैं वहां कंडक्शन स्पीड फास्ट होती है जहां नॉन मालिनेटेड न्यूरोन होते हैं वह कंडक्शन स्पीड कंपेरेटिव स्लो होती है ठीक है तो अगर हम अपने खुद की बात करते हैं तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम टोटली माइलिनेटेड होता है ठीक है मोस्टली माइलिनेटेड होता है पर नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन भी मिल जाते हैं सीएनएस के अंदर पर पीएनएस के अंदर मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड दोनों ही होते हैं ठीक है समझ रहे ना मेरी बात इसमें भी अगर मैं ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं तो उसमें नॉन मालिनेटेड न्यूरोन देखने को मिलते हैं बट कहा जाता है कि आगे जाकर के एवोल्यूशन चल रहा है हो सकता है जहां हमारी बॉडी में नॉन मालिनेटेड न्यूरोन है वो धीरे धीरे मालिनेटेड और हो जाए पीएनएस के अंदर तो हमारी कंडक्शन स्पीड और बढ़ जाएगी यानी इट इज अवोल्यूशन जो चल रहा है ठीक है कभी रुका नहीं है तो इनवर्टिव रेट से वर्टिव रेट तक जाते जाते धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ ठीक है हाइड्रा सिलेंट्रेटा में सिंपल टाइप के ए पोलर न्यूरोन देखने को मिलते हैं इंसेक्टा यानी कह सकते हो ऑर्थोपोडा के अंदर इनवर्टिवेट में वेल डेवलप टाइप का नर्वस सिस्टम देखने को मिलता है जैसा एनसीआरटी में बोला गया है में और एडवांस टाइप का या कह सकते हो ठीक है आगे जाकर के एडवांस टाइप का नर्वस सिस्टम डेवलप हो गया था ठीक है तो लाइन न्यूरो सिस्टम ऑफ ऑल एनिमल कंपोस्ट ऑफ हाईली स्पेशलाइज सेल क्या बोलते हैं हाईली स्पेशलाइज सेल को इनको हम बोलते हैं न्यूरो स्पेशलाइज सेल क्या बोलते हैं इनको न्यूरोन जिसको मैं डिटेल में बताने वाला हूं विच कैन डायरेक्ट रिसीव एंड ट्रांसमिट डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्यमिलान ऑर्गेनाइजेशन इज वेरी सिंपल इन लोअर इनवर्टिवेट जैसे हम बात कर रहे हैं हाइड्रा ठीक है इट इज कंपोस्ट ऑफ अ नेटवर्क ऑफ न्यूरो न्यूरल सिस्टम इज बेटर ऑर्गेनाइज क्वेश्चन आता है बेटर ऑर्गेनाइज कहां था बेटर ऑर्गेनाइज इन इंसेक्ट मतलब ऑर्थोपोडा के अंदर वेर अ ब्रेन इज प्रेजेंट अलोंग विद नंबर ऑफ गैंग्लिया याद हो कॉक्रोच के अंदर ठीक है क्लास में कॉकरोच में वेंट्रल नर्व कॉड ठीक है गैंग्लिया गैंग्लिया इज अ कलेक्शन ऑफ साइटोन ठीक है तो भाई वेंट्रल साइड में आपको कलेक्शन ऑफ साइटोन गैंग्लिया देखने को मिलते हैं नाइन गैंग्लिया थे याद हो नर्व कॉर्ड में जबकि जो टेंथ नंबर का गेंग्लिया था जो उसको हम ब्रेन बोलते थे सुप्रा सुप्राइसोफेकल गेंग्लिया ठीक है कॉकरोच थी केस में यहां भी हम कराएंगे कॉकरोच ठीक है समझ रहे हो ना तो गैंग्लिया एंड न्यूरल टिश्यू द दर्टिवरेट है मोर सिस्टम, जो हम डिटेल में इस बार पढ़ने वाले हैं वर्टिवरेट के अंदर तो ये बेसिक एनसीईआरटी का पहला पैरा समझ में आया होगा एनसीईआरटी का दूसरा पेरा क्या बताता है एनसीईआरटी का दूसरा पैरा बताता है हमारे अंदर नर्वस सिस्टम किस तरीके से विकसित हुआ ठीक है उसमें टाइप्स क्या होते हैं उसको कैसे क्लासिफिकेशन करते हैं यानी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम समझो इस वाली बात को ठीक है समझाता हूं द ह्यूमन न्यूरल सिस्टम इज डिवाइडेड इंटू टू डिवाइडेड इंटू टू पार्ट किस किस के अंदर सीएनएस एंड पीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेडिफल नर्वस सिस्टम जैसे समझो समझने की कोशिश जरूर करना ठीक है मान लो ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है सीएनएस ठीक है ये क्या है हमारा सेंट्रल सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम सी एन एस किस किसके मिलने से बनना सीएनएस ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड मान लो उसके ऊपर ब्रेन है ब्रेन भी बिठा सकते हो आप ऊपर ठीक है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के मिलने से बनता है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड ये हो गया हमारा सीएनएस समझ रहे हैं? एक तरफ आप वॉलेंट्री ऑर्गन दिखा सकते हो एक तरफ इनवॉलेंट्री ऑर्गन दिखा सकते हो आप मान लो यहां पर वॉलेंट्री ऑर्गन है एक तरफ इन्वॉलेंट्री ऑर्गन दिखा सकते हो ठीक है वॉलेंट्री ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में होते हैं इन्वॉलेंट्री ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में नहीं होते अच्छा वॉलेंट्री ऑर्गन में क्या क्या आता है स्केलेटल मसल्स स्केलेटल मसल्स इनवॉलेंट्री ऑर्गन में क्या क्या आता है इनवॉलेंट्री ऑर्गन ठीक है इसमें तो स्मूथ मसल्स आ जाएंगे स्मूथ मसल्स आ जाएंगे इसके अंदर कार्डिक मसल्स आ जाएंगे ठीक है हार्ट आ जाएगा विसरल बॉडी ऑर्गन आ जाएंगे ऑर्गन एटसेट्रा हमारे कंट्रोल में नहीं है ठीक है तो सबसे पहले हम बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आ गया और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ने के लिए वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ने के लिए समझना ये दो टाइप के नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन होते हैं नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन ठीक है ऐसे ही ब्रेन और स्पाइनल समझना सेंट्रल नर्वस सिस्टम को हम इनवॉलेंट्री ऑर्गन से भी जोड़ते हैं हेल्प ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरोन विद्प ऑफ नेटवर्क ऑफ न्यूरो करना यह सब नेटवर्क ऑफ न्यूरोन है अगर मैं इस की बात करता हूं इस नेटवर्क की बात करता हूं तो इस नेटवर्क को ही हम बोलते हैं पीएनएस इस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं इस नेटवर्क को बोलते हैं पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम पीएनएस तो यह है पीएनएस पीएनएस का मतलब है वो सिस्टम समझ रहे हो जो हमारे सीएनएस को बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट करता है चाहे वो बॉडी ऑर्गन वॉलेंट्री हो या वो बॉडी ऑर्गन इनवॉलेंट्री हो उसको हम पीएनएस बोलते हैं पेरिफ़ेरल नर्वस सिस्टम इट इज अ नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन ये क्या है नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन क्या है ये नेटवर्क ऑफ न्यूरो विच कनेक्ट विच कनेक्ट सी एन एस सी एन एस टू बॉडी ऑर्गन बॉडी ऑर्गन भाई ऐसा सिस्टम ऐसा नेटवर्क जो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को बॉडी ऑर्गन वॉलेंट्रीओ या इनवॉलेंट्रियो उससे जोड़ने का काम करता है उस सिस्टम को हम पीएनएस बोलते हैं क्या बोलते हैं पेरिफोल नर्वस सिस्टम अच्छा मैं पूछूं पेरिफोल नर्वस सिस्टम में किस टाइप के न्यूरॉन पार्टिसिपेट करते हैं सिस्टम में टू टाइप के न्यूरॉन पार्टिसिपेट करते हैं एक तो क्रेनियल नर्व और एक स्पाइनल नर्व नर्व जो हमारे क्रेनियम से निकल रहे हैं स्पाइनल नर्व जो हमारी स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज हो रहे हैं फिर से बोल रहा हूं क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व तो आपको दिख रहा होगा यहां पर ठीक है तो ये तो आपको जो दिख रहे हैं ना ये क्रेनियल नर्व है क्या है ये नर्व जबकि यहां जो दिख रहे हैं ना आपको ये नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड से रिलीज हो रहे हैं ये स्पाइनल नर्व है स्पाइनल नर्व स्पाइनल नर्व यानी पीएनएस का जो फॉर्मेशन है वो क्रेनियल नर्व और स्पाइनल नर्व के मिलने से बनता है ये आपको पता होना चाहिए क्रेनियल नर्व कितने होते हैं हमारी बॉडी के अंदर ट्वेल्व पेयर ट्वेल्व पेयर क्रेनियल नर्व होते हैं स्पाइनल नर्व कितने होते हैं थर्टी वन पेयर थर्टी वन पेयर बस इतना याद रख लो काम हो जाएगा स्पाइनल नर्व पेयर होते हैं नर्व पेयर होते हैं जो क्रेनियम से निकल रहे हैं बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट हो रहे हैं वो नर्व है जो स्पाइनल कॉर्ड से निकल के बॉडी ऑर्गन से कनेक्ट हो रहे हैं वो मीन्स ट्वेल्व पेयर थर्टी वन पेयर टाइप्स के नर्व ही पीएनएस बनाते हैं पेरीफल नर्वस सिस्टम समझ रहे हो ना मेरी बात अब जो पेरीफल नर्वस सिस्टम टू टाइप का हो सकता है समझने की कोशिश करना टू टाइप का हो सकता है कैसे अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन वॉलेंट्री ऑर्गन से जो जोड़ रहा है समझ लो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो नर्व इन वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ रहे हैं यह है ऑटोनोमिक एन एस एन एस हमारे कंट्रोल में नहीं होता ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम समझ रहे हो और सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वॉलेंट्री ऑर्गन जो हमारे कंट्रोल में लाइक स्केलेटल मसल्स इसको क्या बोलते हैं एस एन एस सुमेटिक नर्वस सिस्टम जो हमारे कंट्रोल में है somatic हमारे हमारे कंट्रोल कंट्रोल में में होता है हमारे में नहीं होता यानी पीएनएस को भी टू पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को भी आप टू पार्ट में डिवाइड कर सकते हो एस एन एस और ए एन एस क्लियर बिल्कुल तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो तो ये भी टू पार्ट में डिवाइड हो सकता है एस एन एस नर्वस सिस्टम एंड ए एन एस नर्वस सिस्टम क्लियर बिल्कुल एस और ए अगर मैं पूछूं कि ए जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये भी टू टाइप से हो सकता है क्या सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक सिंपैथेटिक एंड पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कर दो डिवाइड ए एन को ठीक है पैरासिंपैथेटिक पैरा सिंपैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ये आप जानते हो सिंपैथेटिक कब वर्क करता है वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी ये इमरजेंसी में वर्क करेगा वर्क ड्यूरिंग इमरजेंसी ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है ये नॉर्मल कंडीशन में वर्क करता है तो ये चीज समझ में आई या नहीं आई बेटा यह बेसिक पूरा मैंने एक फ्लो डायग्राम के अंदर नर्वस सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिहल नर्वस सिस्टम सेंट्रल ब्रेन और स्पाइनल कोड के मिलने से बनता है पीएनएस इट इज नेटवर्क ऑफ न्यूरॉन विच कनेक्ट सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन ये ऑर्गन वॉलेंट्री भी हो सकते हैं और ये ऑर्गन इनवॉलेंट्री भी हो सकते हैं ठीक है वॉलेंट्री ऑर्गन के बीच में जो नेटवर्क है एस एन एस ऑर्गन के बीच में जो नेटवर्क है एएनएस ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम यहां पर जो नर्व क्रेनियल और स्पाइनल दोनों हो सकते हैं ऐसे यहां पर भी क्रेनियल और स्पाइनल दोनों हो सकते हैं एएनएस की अगर हम बात करते हैं तो सिंपेथेटिक और पैरासिंपैथेटिक में डिवाइड है एसएनएस तो वॉलंट्री है जो हमारे कंट्रोल में तो यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ ये क्लासिफिकेशन मैंने कोशिश की है नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन को करने की एनसीआर का ये यह पैरापा कंप्लीट होता है द द इंक्लूड ब्रेन एंड ए स्पाइनल साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ये किसकी साइट है इट इज अट इज अ साइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल ये वो जगह है जहां पर इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग होती है और कंट्रोल होता है समझ में आ गया होगा दी एन एस कंपेराइज ऑफ ऑल द नर्व ऑफ द बॉडी एसोसिएटेड विद द यानी वो सारे नर्व जो सीएनएस से एसोसिएटेड होते हैं ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से एसोसिएटेड होते हैं वो पीएनएस है द नर्व फाइबर ऑफ पीएनएस पीएनएस के नर्व फाइबर टू टाइप के हो सकते हैं वो कौन से हैं वो मैं बताता हूं पहले यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट है कोई डाउट शाउट है यहां तक कोई भी डाउट शाउट है अगर डाउट नहीं है तो एक बार आग लगा दो बस डाउट नहीं है तो एक बार आग लगा दो एक बार आग लगा दो अगर डाउट नहीं है तो नो चलो बहुत बढ़िया तो आगे बढ़ रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को वॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ते हैं इधर सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इनवॉलेंट्री ऑर्गन से जोड़ रहे हैं समझना है मेरी बात इनवॉलेंट्री ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं होते ठीक है इनवॉलेंट्री ऑर्गन हमारे कंट्रोल में नहीं होते ये बता चुका हूं मैं इनवॉलेंट्री ऑर्गन में क्या क्या आते हैं है आप जानते ही हो ठीक है आप समझे कोशिश करना अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्ट है रिले सेंटर यहां से सिग्नल जा रहा है कहां जा रहा है बॉडी ऑर्गन के पास किस ऑर्गन के पास वॉलेंट्री ऑर्गन के पास सिग्नल जा रहा है सिग्नल लेके जो जा रहा है फ्रंट e ई e मतलब एग्जॉस्ट बाहर लेकर के जा रहा है सिग्नल लेकर के आ रहा है सिग्नल लेकर के आ रहा है एफरेंट एफरेंट सिग्नल लेकर के आ रहा है एफरेंट सिग्नल लेकर के आ रहा है समझना मेरी बात सेंट्रल नर्वस सिस्टम इधर है voluntary organ, voluntary organ से सिग्नल आ रहा है एफरेंट जा रहा है ईफ्रेंट इंट मतलब एग्जॉस्ट से याद रखो एग्जॉस्ट ठीक है बाहर निकाल रहा है एग्जॉस्ट समझ रहे हो ना मेरी बात तो ये दो टाइप के होते हैं जो न्यूरो और इनवॉलेंट्री ऑर्गन से कनेक्टेड होते हैं ठीक है तो ध्यान रखना है आपको इफरेंट सिग्नल जा रहा है एफरेंट सिग्नल ला रहा है लेके जाने वाले को मोटर बोलते हैं और सिग्नल लाने वाले को सेंसरी बोलते हैं समझ रहे हो ऐसे ही न्यूरॉन टू टाइप के न्यूरॉन इन ऑर्गन से भी जुड़े होते हैं सिग्नल जा रहा है मोटर आ रहा है समझ रहे हो क्या सेंसरी जैसे मैं वॉलेंट्री ऑर्गन की बात करता हूं तो वॉल्ट्री ऑर्गन के अंदर मोस्टली जो डायरेक्टली सिग्नल भेजते हैं वो कौन से न्यूरोन होते हैं मोटर न्यूरोन होते हैं हम पढ़ा चुके हैं न्यूरो मस्कुलर जंक्शन में पर मसल्स के अंदर टोपीरो रिसेप्टर्स या सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं जो सिग्नल को लेकर के आते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो सिग्नल को लाएगा एफरेंट लेके जाएगा ठीक है मतलब जाना क्लियर बिल्कुल यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए ठीक है तो यहां पर बीच में सिस्टम बन रहा है ऑटोनोम और ऑटोनोमी ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है आपके बॉडी ऑर्गन से जुड़ा हुआ होता है और ऑर्गन को विसरल ऑर्गन बोलते हैं क्लियर बिल्कुल अब एनसीआर पर आता हूं वापस एनसीआर टी वापस आ रहे हैं ठीक है तो टू टाइप के रिरोन होंगे एफरेंट एफरेंट और द फाइबर ट्रांसमिट इंपल्स फ्रॉम टिश्यू टू समझ रहे हो एफरेंट जो सिग्नल को लेकर के आएगा किसके टू बर्ड सी एन एस टिश्यू ऑर्गन टू सी एन एस क्लियर है बिल्कुल द इफरेंट फाइबर ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल्स फ्रॉम सी एन एस टू सी एन एस टू कहां जाएगा सीएनएस से सीएनएस टू ठीक है आप बोलोगे बॉडी ऑर्गन ट्रांसमिट रेगुलेटरी इंपल फ्रॉम सी एन एस टू कंसर्न पेरिफोर टिश्यू या ऑर्गन जो जाएगा ठीक है वो है efferent, जो आएगा वो है एफरेंट ठीक है पीएनएस डिवाइडेड इनटू टू डिवीजन सोमेटिक न्यूरल सिस्टम और ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम यह बताई चुका हूं मैं आपको सिस्टम रिले इंपस फ्रॉम सी टू स्केटल मसल अगर मैं सुमेटिक न्यूरल सिस्टम की बात करता हूं तो रिले इंपल्स कहां रिले इंपल्स कहां से रिले कर रहा है भाई नर्वस सिस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री ऑर्गन रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू वॉलेंट्री ऑर्गन ठीक है और एएनएस की बात करता हूं रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन सीएनएस टू इन वॉलेंट्री ऑर्गन ये एनसीईआरटी की लाइन है ठीक है द सुमेटिक न्यूरोस्टम रिले इंपल्स फ्रॉम सीएनएस टू स्केटल मसल वाइल द ऑटोनॉमिक न्यूरो सिस्टम रिले इंपल्स

दैट कंपेराइज द होल कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉव जो किससे मिलके बना है नॉव से मिलके बना है ठीक है फाइबर से मिलके बना है गैंगलिया से मिलके बना है गैंगलिया ना तो गैंगलिया गैंगलिया बता देता हूं मैं गैंगलिया क्या होते हैं गैंगलिया इज अ कलेक्शन ऑफ कलेक्शन ऑफ साइटॉन साइटोन साइटोन का कलेक्शन है वो गैंग्लिया है ये गैंगलिया सीएनएस और पीएनएस दोनों में होते हैं ये गैंगलिया सीएनएस और पीएनएस सीएनएस और पीएनएस दोनों में ही ये गैंगलिया देखने को मिलते हैं क्लियर है बिल्कुल अब सीएनएस के अंदर जो तो गैंगलिया होते हैं समझ है मेरी बात इसके लिए आप टर्म यूज करोगे गैंग्लिया मतलब कलेक्शन ऑफ साइटोन अच्छा मैं से लिख दू सही है ठीक है सीएनएस के अंदर इनको आप बोल सकते हो न्यूक्लिया और पीएनएस के अंदर इनके टर्म यूज करोगे गैंग्लिया गैंगलिया तो गैंगलिया टर्म स्पेशली हम पीएनएस के लिए लगाते हैं कलेक्शन ऑफ साइटोन अगर सीएनएस के अंदर है तो न्यूक्लिया पीएनएस के अंदर है तो गैंगलिया ठीक है

यहां तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए जैसे एक क्वेश्चन है कॉमनली मैं यूज कर लेता हूं इसको मेजर पार्ट ऑफ पेरीफर नर्वस सिस्टम इज सुमेटिक न्यूरोसिस्टम भाई सुमेटिक न्यूरो सिस्टम पेरीफर नर्वस सिस्टम का मेजर पार्ट है ठीक है ऑटोनोमिक थोड़ा कम है माइनर में विच रिले इंपर्स फ्रॉम ऑस्मैटिक नर्वस सिस्टम की बात करता हूं रिले इंपल्स फ्रॉम अभी बताया था स्वामैटिक न्यूरल सिस्टम इंपल्स को रिले करता है सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन ठीक है सीएनएस टू बॉडी ऑर्गन में कौन से आ जाएंगे स्केलेटल मसल्स सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स समझे यहां तक कोई डाउट्स आउट ये पार्ट समझ में आया नहीं आया बस ऐसे ही एनसीईआरटी एकदम टसटल क्लियर करते हुए चलेंगे ओके बस आग लगाते रहो तुम ठीक है तुम्हारी आग अंदर आग पैदा करती है। अब आ जाओ। structure of neuron की बात करते हैं। क्ल एंड फंक्शनल यूनिट ठीक है अगर नर्वस टिश्यू में पढ़ाऊंगा नर्वस टिश्यू में नर्वस टिश्यू न्यूरॉन के मिलने से भी बनते हैं और सपोर्टिंग सेल्स न्यूरोग्लियल सेल्स होते हैं उनके मिलने से भी बनते हैं ठीक है जिनमें अगर न्यूरोग्लियल सेल की मैं बात करता हूं तो न्यूरॉन से भी ज्यादा वॉल्यूम में समझ रहे हो तो सबसे ज्यादा कौन कौन होते हैं न्यूरोग्लियल सेल वॉल्यूम का मोर देन वॉल्यूमेंट ग्लियल सेल होते हैं पर वो वो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट नहीं है ओनली सपोर्ट के लिए रिस्पॉन्बल होते हैं किसके लिए सपोर्ट के लिए क्लियर है बिल्कुल जो न्यूरॉन को खिलाते हैं पिलाते हैं नहलाते हैं समझ रहे हो ना उनको कपड़े पहनाते हैं वो सपोर्टिंग सेल्स होते हैं क्लियर है जैसे याद हो आपको ऑलिगोडेंट्रोसाइड स्वान सेल आप समझ रहे हो एस्ट्रोसाइट्स, ठीक है इस ऑल आर ऑल ऑल सेल ठीक है जो हम नर्वस टिश्यू में डिस्कस करते हैं इसके बारे में ठीक है आगे बढ़ते हैं तो अगर मैं न्यूरॉन की बात करता हूं न्यूरॉन की बात करता हूं इसको आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो या नर्व सेल भी बोल सकते हो नर्व सेल अच्छा नर्व और न्यूरोन में अंदर समझते हो नर्व और न्यूरोन के अंदर न्यूरोन का मतलब एक सिंगल सेल है या नर्व सेल एक सिंगल सेल है जबकि अगर नर्व टर्म लगा दू नर्व इज अ बंडल ऑफ नर्व सेल नर्व इज अ बंडल ऑफ न्यूरोन जिसमें सारे न्यूरोन सेंसरी भी हो सकते हैं जिसमें सारे न्यूरोन मोटर भी हो सकते हैं जिसमें सारे न्यूरोन ठीक है दोनों टाइप के भी हो सकते हैं सेंसरी और मोटर वो मिक्स टाइप की नर्व होते हैं तो नर्व और नर्व सेल में अंतर होता है जानते हो ये वाली बात जानते हो बेटा ये वाली बात अरे या ना जी सर ओके थोड़ा सा एक्टिव रहो और कुछ नहीं तेजी से यार तेजी से तेजी से आपके एकदम मतलब आग लगती रहनी चाहिए यार वो आग ही आग लगाती है ठीक है आग ही आग लगाती है बस आपका हाथ आग पे लगा रहे और दिमाग इधर लगा रहे तो बस मेरे अंदर आग लगती रहेगी और आग लगती रहेगी तो बस एनर्जी निकलती रहेगी ठीक है बस पूरा लेकिन फोकस रिवीजन पर पूरा फोकस करोगे ठीक है और यही आज नर्वस सिस्टम ब्रेन में सेट करके निकलोगे यहां से ढाई घंटे लूंगा मैं नहीं लूंगा ढाई हार्डली मतलब तीन घंटे से कम मैं खत्म करूंगा आज टारगेट है मेरा ठीक है सोच के आया हूं ढाई हार्डली मतलब ऊपर निकलेगा ढाई तक मैं लेके चलूंगा ठीक है पर एकदम कंसेप्चन लेके चलूंगा न्यूरोन और नर्व सेल तो न्यूरोन को दो पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हो सेल बॉडी भी बोल सकते हो सेल बॉडी ठीक है या प्रोसेस भी बोल सकते हो सेल बॉडी को सोमा भी बोल सकते हो सोमा को आप पैरी कैरी भी बोल सकते हो पैरी कैरियॉन एटसेट्रा ये उप सेल वाला पार्ट है इनके प्रोसेस जो होते हैं ना इन प्रोसेस को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हो ब्रांच्ड अनब्रांच जितने भी ब्रांच प्रोसेस होते हैं उनको हम डेंड्राइट्स बोलते हैं डेंड्राइट जितने भी ब्रांच प्रोसेस होते हैं डेंड्राइट्स और जितने भी अनब्रांच प्रोसेस होते हैं उनको हम एक्सॉन बोलते हैं एक्सॉन अनब्रांच प्रोसेस को एक्सॉन बोलते हैं ब्रांच प्रोसेस को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं समझ रहे हो ना ब्रांच और अनब्रांच ठीक है ब्रांस और अनब्रांस समझ रहे ना मेरी बात जो डेंड्राइट्स होते हैं वो सिक्स टू सेवन तक हो सकते हैं जबकि एक्सॉन सिंगल होता है डेंड्राइट सिग्नल लाने का काम करते हैं टूवर्ड साइटोन तो ये किस नेचर के हो गए सिग्नल ला रहे हैं यानी मोटर सॉरी ला रहे हैं सेंसरी लेके जा रहे हैं मोटर लेके जा रहे हैं मोटर जो सिग्नल लेकर के जाता है वो मोटर है जैसे मान लो ये साइटोन है ये साइटोन है इसमें न्यूक्लियस है समझ रहे हो ये डेंड्राइट्स हैं ब्रांच वाले पार्ट डेंड्राइट्स हैं ये एग्जोन है ठीक है तो सिग्नल कहां से कहां आएगा? सिग्नल डेंड्राइट से साइटोन में आएगा, फिर साइटोन से से होता हुआ दूसरे न्यूरॉन में ट्रांसफर करेगा तो जो सिग्नल साइटोन के तरफ आ रहा है ला रहा है सेंसरी ले जा रहा है अवे फ्रॉम साइटोन वो एक्सोन होता है ठीक है तो ये एक बेसिक क्लासिफिकेशन है किसका नर्वस टिश्यू का नर्व का न्यूरॉन का ठीक है अब टी ने एक डायग्राम भी दे रखा है न्यूरोन का अगर डायग्राम देखोगे तो डायग्राम में समझने की कोशिश करना ये तो डेंड्राइट दे रखें टोटल ऑन डायग्राम पार्ट होते हैं ठीक है अब डेंड्राइट्स के अलावा ये साइटोन वाला पार्ट दिख रहा है इसको साइटोन या सेल बॉडी बोल सकते हो साइटोन या सेल बॉडी बोल सकते हो जिसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है इसकी जो नेक होती है इसको एक्सॉन हिल ऑक बोलते हैं एक्सॉन की नेक मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ नव सेल एक्जॉन हिलऑक एक्जॉन हिलऑक ठीक है एक्जॉन हिलऑक जो है इट मोस्ट सेंसिटिव पार्ट ऑफ एक्जॉन ठीक है समझने की कोशिश करना बाद बाकी का ये आपको दिख रहा है ना ये है एग्जॉन ये साइटोन डेंड्रॉन अनब्रांच पार्ट एक्सॉन अगर मैं साइटोन की बात करता हूं और डेंड्रॉन की बात करता हूं तो यहां पर कुछ ग्रेन्यूल्स देखने को मिलते हैं इनको बोलते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल क्या बोलते हैं नेजल्स ग्रेन्यूल इट इज अ साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस अगर मैं कहूं कि इस न्यूरॉन की प्रोटीन कहां बनती है तो आप बोलोगे निजल ग्रेन्यूल के अंदर ठीक है क्योंकि तो निजल ग्रेन्यूल की अगर बात की जाए ना ठीक है तो ये एक्चुअल में राइबोसोम और एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम के मिलने से बनते हैं ठीक है ये तो ईआर आर हो गई ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये राइबोसोम हो गए राइबोसोम ribosome. तो राइबोसोम्स और ईआर ER के कॉम्बिनेशन से जो ग्रेन्यूल बनते हैं वो हैं जो डेंड्रॉन और साइटोन दोनों जगह मिलते हैं एक्सोन हिलऑक और एक्सॉन में नहीं होते क्लियर है बिल्कुल अब आगे बढ़ते हैं आगे एक्सॉन को कवर करने के लिए कुछ सेल्स होते हैं सेल्स को क्या बोलते हैं स्वान सेल्स क्या बोलते हैं इनको स्वान सेल्स ये स्वान्ल्स है अगर मैं स्वान्न सेल्स की बात करता हूं तो क्या करते हैं स्वान सेल्स ये माइलिन शीट बनाते हैं के अराउंड क्या बनाते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ माइलिन शीट ठीक है अराउंड एक्सोन में मालीन शीट बनाते हैं नो है? for है? हर, है? no. हर किसी एक्जोन में मालीन शीट नहीं बनाते ये सिर्फ उन एक्सोन में मालीन शीट बनाते हैं जो पीएनएस के अंदर होते हैं क्योंकि सीएनएस के अंदर स्वान्न सेल नहीं मिलते ठीक है तो आप कह सकते हो अगर मैं बात करता हूं ठीक है किसकी स्वान सेल की स्वान सेल स्वान सेल कहां होते हैं और कहा नहीं होते ये प्रेजेंट होते हैं प्रेजेंट इन प्रसरिफल नर्वस सिस्टम एबसेंट इन सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम में स्वान सेल नहीं मिलेंगे समझ रहे हो स्वान सेल माली शीट बनाते हैं एक इंसुलेटेड लेयर बनाते हैं एक के अराउंड पर कहां बनाते हैं पीएनएस के अंदर क्योंकि तो सीएनएस के अंदर ये नहीं मिलते ठीक है आगे आ जाते हैं इस इंसुलेटेड लेयर को हम क्या बोलते हैं जो बनाते हैं आप बोलोगे माली शीट बोलते हैं सर ठीक है ये ये कैसी लेयर लेयर है है एक इंसुलेटेड सर ये कहा मिलती है बेटा ये सी में भी मिलती है ये पी में भी मिलती है पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इस इंसुलेटेड लेयर को बनाने के लिए एक डिफरेंट टाइप के सेल रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको बोलते हैं ओलीगो सेल क्या बोलते हैं ओलीगो सेल एक नहीं लगातार एग्जाम में क्वेश्चन आया है जितने भी इंडिया के एग्जाम होते थे सब पूछा क्या क्या में पूछा गया क्वेश्चन है ठीक है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में शीट का फॉर्मेशन कौन करता है आप बोलोगे सेल पीएनएस के अंदर शीट का फॉर्मेशन कौन करता है आप बोलोगे स्वान सेल ठीक है तो लिख दिया इन सीएनएस ठीक है फॉर्म बाय शीट का बात ऑलिगोडेंड्रोसाइड सेल और शीट इन मालिनीस फॉर्म बाय स्वान सेल ये आपको याद रखना है ठीक है अब इस मालिंग शीट के बीच में कुछ नॉन मालिनेटेड एरिया देखने को मिल रहा है इसको बोलते हैं नोट्स ऑफ रैनवीयर नोट्स ऑफ इज अ नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालीन शीट टू माली शीट के बीच में नॉन मालिनेटेड एरिया टू शीट के बीच में नॉन मालिनेटेड एरिया समझ रहे हो ना मेरी बात टू शीट के बीच में नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालिंग शीट नॉन मालिनेटेड एरिया बिटवीन टू मालीन शीट क्या बोलते हैं इसको नोट्स ऑफ रैनबियर क्या बोलते हैं इसको नोट्स ऑफ रैनबियर क्लियर बिल्कुल चलो एकदम क्लियर है जहां तक क्लियर है नोट्स ऑफ रैनबियर तक आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं न्यूरीलेमा कवरिंग ऑफ स्वान सेल न्यूरीलेमा इज अ कवरिंग ऑफ स्वान सेल ये क्वेश्चन आता है अगर स्वान सेल की कवरिंग को बोलेंगे तो न्यूरिलेमा एक्सोन की कवरिंग को बोलेंगे तो एक्सोलेमा अगर आपसे पूछे क्यों न्यूरिलेमा प्रेजेंट इन पीएनएस या सीएनएस तो आप बोलोगे न्यूरिलेमा प्रेजेंट इन पीएनएस क्योंकि स्वान सेल कहा होते हैं पीएनएस सीएनएस के अंदर स्वान सेल नहीं होते इसलिए न्यूरिलैमा भी वहां पर एबसेंट होगी ठीक है तो न्यूरीलेमा क्या है इट इज अ कवरिंग ऑफ स्वान्न सेल ट इन पी एन एस एबसेंट इन सी एन एस क्योंकि सी एन एस के अंदर स्वान्ल नहीं होते वहां पर ऑलिगोडेंटेंट पॉइंट है जो तो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं तो अब बताओ यहां तक कोई डाउट और ये लास्ट में टर्मिनल एक्सोन होता है जिसमें सेनेप्टिक नोब बने होते हैं छोटे छोटे सेनेप्टिक नोव no, जिनमें कौन होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरो, न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो न्यूरो ट्रांसमीटर्स कहां देखने को मिल रहे हैं इन इनसेनेप्टिक नोव के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर्स देखने को मिल रहे हैं ठीक है तो अब बताओ यहां तक किसी को कोई डाउट शाउट कोई भी डाउट शाउट स्ट्रक्चर रिलेटेड नहीं है तो एक बार बस लगा दो लगा दो एक बार ठीक है अगर डाउट नहीं है तो डाउट है तो रिस्पॉन्स दो हाँ बेटा नीरो ट्रांसमीटर सर केमिस्ट्री प्लानर अपलोड कर दो अपलोड नहीं हुआ आज हो जाएगा टेंशन मत करो आज ही अपलोड करा देते हैं केमिस्ट्री वाला प्लानर ठीक है सारे प्लानर बन चुके हैं आपको प्रॉपर तरीके से इंस्टाग्राम पर हम नोटिफाई करते जाएंगे ठीक है आपको पूरा शेड्यूल मिलता जाएगा ठीक है बायो का प्लानर हमने प्रॉपर तरीके से अपडेट कर दिया है ब्रह्मास्त्र का भी और रूटीन क्लास का भी जिससे कि आपको पता होगा कि आज ये क्लास आने वाली है जिस टॉपिक में आपको डाउट होता है उसको आप टू एक्स में देख लो ठीक है बस थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए एक लाइव आ जाया करो थोड़ा मोटिवेट हो जाएंगे ठीक है पांच दस मिनट देख करके अगर आपको लगता है कि यार ठीक है आता है तो आप अपना पढ़ाई पर फोकस हो जाओ बस एक बार आकर के ठीक है प्रेजेंट लगा जाओ ठीक है और कुछ भी नहीं ठीक है हाँ रिपीट प्लीज कोई नहीं एक बार रिपीट कर देंगे ठीक है पर आग बता रही है समझ में आ गया क्या पूछ रहा है बच्चा सर मालीन शीट बताता हूं अभी ठीक है हाँ ड्रॉपर का बैच हम लॉन्च करने वाले हैं बहुत जल्दी ठीक है ड्रॉपर बैच लॉन्च करने वाले हैं ठीक है लक्ष्य बैच का भी लॉन्चिंग अभी हो जाएगा ठीक है आपको समझ में आ जाएगा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है ठीक है हाँ बिल्कुल ठीक है ट्वेल्थ का बैच हाँ बिल्कुल ट्वेल्थ का बैच अभी लॉन्च करने वाले हैं डेट मतलब प्रॉपर लॉन्चिंग हो जाएगी कौन टीचर्स होंगे उसके अंदर ठीक है ठीक है उसका प्लानर क्या होगा कब कोर्स खत्म होगा कब समझ लो स्टार्ट होगा पूरा मतलब उसमें इलेवेंथ भी हम रिवीजन कराने वाले हैं पूरा का पूरा ट्वेल्थ में भी ठीक है तो तरीके से कराएंगे बहुत तरीके से ठीक है वापस आओ यही जो क्वेश्चन आज पूछ रहे हो ये अपडेटेड है ओके okay. अब मुझे ये बताओ यहां से कोई डाउट है यहां से यहां से ठीक है साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस समझ में आया होगा ठीक है स्वान सेल समझ में आया होगा इंसुलेटेड लेयर माली शीट समझ में आया होगा नॉन टेड एरिया प्रेजेंट बिटवीन मालिन मालीनशीट नोट्स ऑफ रेनबियर न्यूरिलैमा कवरिंग ऑफ स्वाम सेल और एक्सोलेमा कवरिंग ऑफ एक्सोन एक तो एक्जॉन की कवरिंग होगी और एक्सोन पे कौन अटैच है स्वांग सेल तो उनकी भी कवरिंग होगी उनकी जो कवरिंग होगी हो उसको न्यूरीलेमा बोलेंगे और एक्जोन की जो कवरिंग होगी उसको एक्सोलेमा बोलेंगे समझे या नहीं समझे न्यूरीलेमा प्लीज सर अभी बताया ना न्यूरीलेमा अब समझो मेरी बात

नहीं बेटा प्लैनर में देखो आज प्लैनर में नर्वस सिस्टम दे रखा है प्लैनर में शायद नर्वस सिस्टम दे रखा है आज एक बार चेक करो ठीक है मुझे जो याद है नर्वस सिस्टम है प्लैनर के अंदर ठीक है अगर कुछ ऐसा होगा हम एक बार देख लेंगे क्योंकि प्लैनर मेरे पास जो आई जो हमने बनाया है उसमें नर्वस सिस्टम है ठीक है बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन भी करा दूंगा मैं एक काम करते हैं नर्वस सिस्टम कर लो एंडोक्राइन कर लो उसके बाद बॉडी फ्लूड एंड सर्कुलेशन करा देता हूं मैं ठीक है ये तीनों चैप्टर कराने के बाद हम एनिमल किंगडम ठीक है हाँ एनिमल किंगडम इसके बाद लेंगे बिल्कुल बिल्कुल एनिमल किंगडम इसके बाद लेंगे और एनिमल किंगडम के बाद इवोल्यूशन और बायोटेक्नोलॉजी लेंगे ठीक है फिर जो छोटे छोटे चैप्टर बचेंगे ना वो लास्ट में ले लेंगे ये मेन चैप्टर यही ठीक है, है फिर जो छोटे छोटे चैप्टर बचे क्या बचा एक कॉक्रोच बच्चा टिश्यू बचा जिसका पॉडकास्ट भी देने वाला हूं मैं कॉकरोच का पॉडकास्ट अलग होगा टिश्यू का पॉडकास्ट अलग होगा ठीक है और एक बचेगा आपका स्ट्रेटेजी फॉर एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन ठीक है और एक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का थोड़ा सही चैप्टर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ छोटा है तो ये भी लास्ट में लेंगे छोटे वाले चैप्टर लास्ट में ले लिए हैं जिनका वेटेज कम है बड़े चैप्टर जिनका वेटेज ज्यादा है जो हाईली कंफ्यूजिंग है उनको पहले ले लिया है ठीक है नहीं आज तो बेटा जुलॉजी ही थी बॉटनी नहीं थी आज जोलॉजी का टर्न है एक बार चेक करो प्लैनर में चेक करो लेटेस्ट प्लैनर ठीक है देखो तो बिल्कुल प्लैनर के अकॉर्डिंग चलेंगे टेंशन मत करो बॉटनी का कल हो चुका होगा आपका लेक्चर मुझे लग रहा है व्हाट नोब जो टर्मिनल वाला पार्ट होता ना, वो हो जाता है में छोटे छोटे बल्ब ठीक है एम्पुल जिसमें भरे होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर इनको बोलते हैं एक ऐसे जो दूसरे न्यूरॉन के संग पेयरिंग करते हैं और पेयरिंग को बोलते हैं synaps, synaps. तो जो पेयर करने के लिए बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल

रफ एंडोप्लास्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम के मिलने से बनते हैं और इनका कलर जो होता है ना वो ग्रे कलर होता है तो जहां जहां ग्रेन्यूल होंगे वहां पर ग्रे अपीरियंस आएगी ग्रे अपीरियंस ठीक है तो कहां होते हैं नेजल्स ठीक है ध्यान रखने ये डेंड्रॉन में होते हैं साइटोन में होते हैं ठीक है किस कलर के होते हैं बताता हूं ग्रे कलर ग्रे कलर तो जहां पर ये होंगे वहां ग्रे कलर होगा और जहां पर मालिनेटेड एक्सोन होंगे वहां व्हाइट कलर होगा क्योंकि मालिन शीट का कलर वाइट होता है और का कलर ग्रे होता है तो ग्रे ग्रेरियंस मतलब ग्रे मैटर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ या कलेक्शन ऑफ साइटोन व्हाइट मैटर कलेक्शन ऑफ मालिनेटेड एक्सॉन क्लियर है बिल्कुल चलो डेंड्रोन में होते हैं साइटोन में होते हैं एक्सॉन हिल ऑक और एक्सॉन में ये नहीं होते ठीक है अच्छा कंडक्शन का डायरेक्शन क्या होगा ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल कैसे ऐसे देखो मान लो ये साइटोन है साइटोन में ये डेंड्रोन है ब्रांच डेंड्रोन ब्रांच डेंड्रोन और इनसे निकलेगा एक एक्सॉन एक क्या एक एक निकलेगा इनसे एक्सॉन समझने की कोशिश करना ये एक्सॉन ऐसे और ये एक्सॉन आगे जाकर के छोटे छोटे ब्रांच पार्ट बनाएगा और इसको बोलते हैं सनेप्टिक नोव क्या बोलते हैं सनेप्टिक नोव जो दूसरे न्यूरॉन मान लो ये दूसरा कोई न्यूरॉन है इसका ये डेंड्रॉन है ये डेंड्रॉन है ब्रांच डेंड्रॉन ये ब्रांच डेंड्रॉन जो दूसरे न्यूरॉन के साथ जो दूसरे न्यूरोन के साथ पेयरिंग करता है ये साइटोन हो गया ठीक है इसका इसका ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। फिर इसका ये हो गया, ये ऐसे 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 डेंड्रोन 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 हो 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 गया फिर एक्सोन तो अगर मैं डायरेक्शन की बात करता हूं तो यूनी डायरेक्शनल कैसे भाई डेंड्रोन से सिग्नल कहां आएगा साइटोन साइटोन के पास साइटोन से कहां जाएगा एक्सोन 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 अब यहां क्या भरे होंगे न्यूरो ट्रांसमीटर्स

ऑलवेज यूनि डायरेक्शनल होता है ठीक है अब डायरेक्शन में क्या होगा आप बोलोगे सर साइटोन टू एक्सॉन टू डेंड्रॉन टू साइटोन समझ रहे हो टू एक्सॉन टू डेंड्रॉन ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल क्यों क्योंकि प्री में न्यूरो के पास रिसेप्टर होते हैं फिर यहां गया न्यूरो के पास रिसेप्टर होते हैं इसलिए इसलिए ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल होगा बाई डायरेक्शनल पॉसिबल ही नहीं है बिल्कुल आज शाम तक केमिस्ट्री का प्लानर हंड्रेड परसेंट आ जाएगा पक्की बात है ठीक है बस क्लास खत्म होते ही ठीक है मान के चलो केमिस्ट्री का प्लानर अपलोड हो जाएगा ठीक है क्लियर है बिल्कुल वीटी सर कौन से लेक्चर लेने वाले हैं समझ रहे हो और सर्विस सर कौन से लेक्चर लेने वाले हैं और एक खतरनाक फैकल्टी केमिस्ट्री के ठीक है? जो है आपके लिए वो कौन से लेक्चर लेने वाले हैं तीनों का एकदम परफेक्ट प्लानर मिल जाएगा आपको वीटी सर का और सर्विस सर का प्लेजनर तो मिल ही जाएगा ठीक है जो थर्ड आपका लिए सरप्राइज है उसका प्लेनर आपको अभी आके मिल जाएगा ठीक है कौन कौन से टॉपिक कौन कवर करेगा जो स्पेशलिस्ट चीज़ें होंगी एकदम बेहतरीन तो होंगी समझ लो केमिस्ट्री फोड़ देंगे मतलब मान के चलो ठीक है टेंशन मत करो बिल्कुल समझ गए तो प्लानर अपलोड कर देंगे सर आपका नेम अरे मेरा नाम तो सभी जानते हैं यार लोगों ने इतना बदनाम कर दिया है <laughs> नाम ही नाम हो गया बस क्या बताएं यार ऐसे ऐसे एलिगेशन क्या बताएं ठीक है कोई नहीं ठीक है ऊपर वाले पे छोड़ते हैं सारी चीजें कर्म पर काम करते हैं और कर्म फल सिद्धांत बहुत तगड़ा काम करता है कर्म फल सिद्धांत कभी बेकार नहीं है ध्यान रखना क्योंकि काफी कुछ मुझे एस्ट्रोलॉजी के बारे में ही पता है काफी चीजें मतलब आध्यात्मिक चीजें पता भी है कर्म फल सिद्धांत बहुत पावरफुल होता है आप नहीं जानते हो इस चीज को तभी तो कहते हैं जैसा हम कर्म करेंगे उसका रिजल्ट वैसा मिलेगा ही मिलेगा ठीक है ये पक्का बात तभी कहता हूं आपने अगर अपनी तरफ से एफर्ट किया है कोई भी एक्शन किया है तो रिएक्शन जरूर होगी मतलब उसका आउटपुट जरूर मिलेगा तभी तो कहते हैं मुझे पता नहीं सिलेक्शन सब बच्चों का सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है अभी 18 19 लाख बच्चा अगर फॉर्म डाल रहा है तो सीटें तो नहीं है पर ये मुझे बहुत बिलीफ है जिस बच्चे ने वाकई में कर्म फल सिद्धांत को फॉलो किया है जिसने सच सही माने में प्रयत्न किया है उसके भाग्य में हो सकता है डॉक्टर बनना हो या ना बनना हो पर कुछ बहुत बड़ी चीज बनना जरूर होगा कुछ ना कुछ बेहतर करेगा वो हंड्रेड परसेंट तो इसलिए पॉजिटिव पढ़ाई करो कह रहा हूं ये मैंने बहुत देखा है लाइफ में बहुत लोगों के संग देखा है जो सच्चे मन से मेहनत करता है वो मेहनत बेकार नहीं जाती ये गारंटी है हाँ हो सकता है आप कर ये रहे थे कहीं और पहुंच गए बहुत सारे बच्चे मैंने देखे हैं जो मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं और आज सिविल में आई एस पीसीएस बने बैठे हैं आप समझ रहे हो पता ही नहीं किस डायरेक्शन में जाना है पर हां अगर आपने एक्शन किया है तो रिएक्शन जरूर होगी समझ रहे हो इसे कहते हैं कर्म फल सिद्धांत जरूर होगा तो इसलिए पॉजिटिव रहो एकदम ठीक है ऊपर वाले पे जरा भी विश्वास करते हो और अपने ऊपर बिलीव करते हो अपने ऊपर बिलीव बहुत जरूरी है ठीक है और आपका अपने ऊपर ही बिलीव नहीं है तो मामला बिगड़ जाएगा सारा का सारा तो यार बेकार मेहनत नहीं जाएगी ये पक्की बात है ये पक्की बात है आउटपुट बहुत बेहतरीन मिलेगा बस ये सोच के करो कि हमें क्या बनना है क्या करना है ये ऊपर वाला डिसाइड करेगा पर हम जो कोशिश कर रहे हैं उसमें कमी नहीं छोड़ेंगे एक परसेंट भी ठीक है एक परसेंट कमी नहीं छोड़ेंगे जिससे दिमाग में ये मन में ये ना रह जाए काश थोड़ा इतना और कर लिए होते अपना हंड्रेड परसेंट दो तो बाद बाकी ऊपर वाले पे छोड़ो ठीक है लाइफ में ये चीजें बहुत आएंगी बहुत उतार चढ़ाव आएंगे आप कभी डिप्रेस भी हो गए तो भी कहता हूं डिप्रेस मत होना एकदम पॉजिटिव रहना ऊपर वाले पे जरा मतलब मतलब भी विश्वास करते होता हूं करते हो तो यार आउटपुट जरूर आएगा बस आप लग जाओ ठीक है लास्ट का जो वन मंथ है ना बस डोनेट कर दो बस ठीक है आ जाओ किसको डोनेट करोगे संकल्प को डोनेट कर दो बस एक महीना आप संकल्प को डोनेट कर दो रिजल्ट जो होगा देखेंगे क्या आएगा ठीक है ड्रेड परसेंट दे डालो अपना हंड्रेड परसेंट कुछ ना कुछ बेटर होने वाला है ठीक है तो प्रेजेंट इन डेंड्रोन और साइटोन कहां एबसेंट होते हैं क्लियर हाँ क्लियर हो गया यहां तक तो कोई डाउट नहीं होगा आगे बढ़ते हैं अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोन क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोन ठीक है समझ में आई सर बता दो केमिस्ट्री टीचर ना इतना आसानी थोड़ी ना बताए बताएंगे दो टीचर तो तुम्हारे बस पता ही है ना दो टीचर तुम्हें बताएं बताए सर और सर्वेश सर तीसरे टीचर को सरप्राइज है वो सरप्राइज सरप्राइज का मतलब मजा तभी है ना सरप्राइज आपको मिलना चाहिए पर खतरनाक मतलब मुझे पता है ठीक है क्योंकि मैं वो हीरा ढूंढ के लेके आया हूँ दो हीरे हमारे पास थे एक हीरा मैं खुद लेके आया हूँ वो मेरे साथ थे ठीक है उन्होंने मेरे साथ पढ़ा है इसलिए मुझे पता है कि बच्चों का फेत बहुत तगड़ा है उनके पास ठीक है अभी नहीं है वो प्योर ऑफलाइन के खतरनाक टीचर है ठीक है ऑनलाइन के टीचर नहीं है प्योर ऑफलाइन के खतरनाक टीचर हैं ये मैं पहले ही बोल दे रहा हूँ इतना मैं आपको मतलब डिवेल कर दे रहा हूँ सरप्राइज पर सुपर क्योंकि हम लोग भी प्योर ऑफलाइन किए थे ठीक है मेरे साथ ही थे इसलिए ठीक है वापस आते हैं पर केमिस्ट्री बायोलॉजी और फिजिक्स इन तीनों के अंदर मैं सच कह रहा हूं यार एक ही चीज सोची है यार बच्चों को इतना भी दिक्कत मत आने दो इतनी भी दिक्कत मत आने दो ठीक है उस पर हम काम कर रहे हैं तो बायो आपकी एकदम सॉल्व है केमिस्ट्री एकदम सॉल्व है ठीक है मतलब तीनों तीनों ब्रांच हमें चाहिए थी तीनों के में परफेक्शन मिल गए ठीक है फिजिक्स बेहतरीन काम चल रहा है बेहतरीन ठीक है जो आगे जाकर के मतलब कोशिश करेंगे और बेटर करने की ठीक है समझ में आ रहा है बायोमोलिक्यूल भी आ जाएगा बेटा बायोमोलिक्यूल जहां तक है तरुण सर देंगे जो मुझे लग रहा है सर ने डिस्कशन हुआ था सर ने कहा सर बायोमोलिक्यूल मैं दूंगा तो मैंने इट्स ओके कोई नहीं हम दोनों बायो ही पढ़ा रहे हैं ठीक है कोई भी कोई ले सकता है ठीक है तो मिलकर के आप बस आप बस हैप्पी रहो ठीक है और कुछ भी नहीं चाहिए वापस में आ जाओ दुनिया कुछ भी बोले आप हैप्पी रहो ठीक है अब बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोन की किसकी बात कर रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरोन की समझना सबसे पहले अभी मैंने बताया हाइड्रा में सबसे पहले न्यूरॉन्स आए आए थे कहां थे हाइड्रा में सबसे पहले हाइड्रा में किस टाइप के न्यूरॉन थे ए पोलर जिनमें कोई पोलरिटी नहीं थी आप उनके हेड और टेल को आइडेंटिफाई ही नहीं कर सकते ए पोलर नो पोलरिटी कोई पोलरिटी है ही नहीं उनके अंदर समझ रहे हो ए पोलर नो पोलरिटी समझ रहे हो ना यस या नो सेल साइकिल सेल डिवीजन ओके ठीक है सब चीजें होंगी बट डिवीजन का भी लेक्चर आएगा अभी ऐप कब लॉन्च होगा सात और आठ तारीख को ऐप लॉन्च होने वाला है मैं डेट डिक्लेयर कर दे रहा हूं ठीक है जो मुझे प्रॉमिस किया गया है ऐप का सेवन और एट को कंप्लीट होगा ठीक है सेवन और एट को वो हमें ऐप दे देंगे और हम हम ऐप लॉन्च कर देंगे खतरनाक तरीके से ठीक है समझ रहे हो ऐप लॉन्च होते ही हम कोर्स लॉन्च कर देंगे ठीक है सारी चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी तब तक टीचर भी रिवेल हो जाएंगे आपके काफ़ी ठीक है और आपका कॉन्फिडेंस भी लेवल बिल्डअप हो जाएगा पर अभी हमारी प्रायोरिटी है इस नीट ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री के अंदर मैक्सिमम बच्चों के सिलेक्शन निकालने की जो यार आपको एफर्ट लगाना पड़ेगा पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा ठीक है वापस आते हैं तो हम बात कर रहे हैं किसकी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन अगर न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो सबसे पहले ए पोलर जिसमें कोई ही नहीं है मतलब ना तो है, ना है. है. तो है 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 एक्सोन ओनली ओनली और साइटोन सबसे सिंपल टाइप के न्यूरॉन थे हाइड्रा में देखने को मिलते हैं सिलेंट्रेट नाइडेरियंस के अंदर सिंपल टाइप के नो डेंड्रॉन नो एक्सोन बस इतना ध्यान रखना है ठीक है डेंड्रॉन और एक्सोन दोनों ही यहां पर एब्सेंट है हा... हाइड्रा में मिलते हैं सिर्फ साइटोन देखने को मिलता है फिर उसके बाद हमें देखने को मिलते हैं यूनिपोल <coughs> सॉरी <स्वारी. coughs> उसके बाद देखने को मिलते हैं हमें यूनिपोलर जिसकी पोलरिटी समझना यूनिपोलर अर्ली एम्ब्रियो में देखने को मिलते हैं जिसमें डेंड्रोन नहीं होते साइटोन में एक एक्सोन होता है साइटोन में सिर्फ एक एक्सोन होता है यूनिपोलर बोलते हैं पोलैरिटी यूनिपोलर बोलते हैं साइटोन में सिर्फ एक एक्सोन होगा अर्ली जब एम्ब्रियो बन रहा होता है ना उस समय यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलते हैं तो मैं लिख दिया है एक्सोन प्रेजेंट होगा

बताऊंगा डायग्राम बना करके स्पाइनल कॉर्ड में सुडो यूनिपोलर सुडो मतलब फॉल्स यूनिपोलर देखने में लगते हैं यूनिपोलर समझ रहे हो सुडो देखने में लगते हैं यूनिपोलर पर एक्चुअल में यूनिपोलर नहीं होते इसलिए इनको सुडो यूनिपोलर बोलते हैं समझो ये तो साइटोन है इनके अंदर साइटोन है अब साइटोन में एक ब्रांच होती है लग रहा है यूनिपोलर है पर ये आगे जाके बाइफरकेट हो जाती है एक तो आपके कह सकते हो बॉडी ऑर्गन से या स्किन से जुड़ती है दूसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जुड़ जाती है एक ब्रांच के पास रिसेप्टर्स होते हैं तो वो डेंड्रोन की तरह बिहेव करती है एक के पास न्यूरोट्रांसमीटरस होते हैं तो वो एक्सोन की तरह बिहेव करती है यानी जो दो ब्रांच बाइफर्केट हुई एक के पास रिसेप्टर लाइक डेंड्रोन एक के पास न्यूरोट्रांसमीटर लाइक एक्सोन तो एक्चुअल में ये यूनिपोलर नहीं है पर लगते हैं यूनिपोलर सोडिस इज कॉल सूडो यूनिपोलर सेंसरी नेचर के होते हैं सिग्नल को लाने का काम करते हैं हमारी डोर्सल रूट ऑफ गैंगलिया स्पाइनल कॉर्ड के डोर्सल गैंगलिया होते हैं ना वहां देखने को मिलते हैं तो एग्जांपल एक, एक ही है डोर्सल रूट गैंगलिया ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सेंसरी नेचर के होते हैं क्योंकि सिग्नल लाने का काम कर रहे हैं सीएनएस के पास सेंसरी नेचर के हैं एक साइटोन और उसकी ब्रांच है एक प्रोसेस की दो ब्रांच है एक काम कर रही है डेंड्रोन की तरह तो एक काम कर रही है की तरह समझ में आया नहीं आया हाँ एवोल्यूशन फिजियो के जस्ट बाद एवोल्यूशन सिस्टमेटिक वे में चल रहे हैं फिजियो के जस्ट बाद एवोल्यूशन ठीक है और एवोल्यूशन के जस्ट बाद हम चालू कर देंगे ट्वेल्थ क्लियर है बिल्कुल हाँ ट्वेल्थ मतलब एवोल्यूशन ही है एवोल्यूशन ट्वेल्थ चालू हो गया ठीक है सॉरी फिजियो के बाद एनिमल किंगडम और एनिमल किंगडम के बाद इवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी इस तरीके से चलेगा प्लानर अपलोड कर दिया यार उस प्लानर को ही फॉलो करने वाले हैं ठीक है थीके? आगे आ जाओ तो ये पोलरिटी समझ में आया यही यहां हमने समझा रखा है पूरा का पूरा का ठीक है नोब नोब समझा दिया में कौन होते हैं नीरो ट्रांसमीटर मैंने डायग्राम में बता चुका हूं मैं अभी क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन की बात करते हैं तो अभी बताया मल्टीपोलर मैंने बता दिया आपको बाइपोलर मैंने बता दिया आपको यूनिपोलर मैंने बता दिया आपको ठीक है मालिनेटेड और नॉन मालिनेटेड देर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सोन एक्सोन दो टाइप के होते हैं मालिनेटेड एक्सॉन भी होते हैं और नॉन मालिनेटेड एक्सॉन भी होते हैं क्लियर है ये मैं समझा चुका हूं और मालिनेटेड नर्व फाइबर आर

सॉरी उनमें स्वान सेल तो होती है पर शीट नहीं होती ध्यान रखना है आपको मालिनेटेड के अंदर स्वान सेल भी है और वो स्वान सेल शीट बना रहे हैं पर जो नॉन मालिनेटेड फाइबर होते हैं ना उनमें आज की डेट में स्वान सेल चिपके हुए हैं पर वो स्वान सेल फंक्शनल नहीं है वो स्वान सेल शीट नहीं बनाते हां फ्यूचर में हो सकता है वो शीट बना दे तब वो नॉन मालिनेटेड फाइबर भी मालीनेटेड फाइबर में कन्वर्ट हो जाएंगे और जब नॉन मालीनेटेड नरफाइबर मालिनेटेड फाइबर में कन्वर्ट होंगे तो कंडक्शन स्पीड फास्ट हो जाएगी समझे तो जिसको भी लाएंगे बहुत बेहतरीन लेकर के आएंगे ये पक्का है ठीक है बच्चे हमें कुछ भी कहते रहे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं समझ रहे हो दुनिया मुझसे क्या कहती है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे पता है कि मैं क्या कर रहा हूं ठीक है मुझे पता है कि मेरा टारगेट क्या है मेरा एम क्या है ठीक है मेरा अलाइनमेंट क्या है ठीक है क्योंकि इंसानों ने भगवान श्री कृष्ण को भी नहीं छोड़ा इंसानों ने भगवान राम को भी नहीं छोड़ा मैं उनसे कंपैरिजन नहीं कर रहा ठीक है मैं ये कह रहा हूं कि दुनिया में कोई किसी को मतलब कुछ भी कह सकता है खुली छूटा लोगों को ठीक है आप समझ रहे हो लोग लाइव लेते हैं वहां लोग गालियां लिखना चालू कर देते हैं आप उससे ज्यादा के क्या होगा उनको ये नहीं पता टीचर तो बस मैं तो इतना ही जानता हूं कि जो मुझे मेरे पेरेंट्स ने सिखाया ठीक है कि टीचर सबसे वैल्यूबल होता है कि अगर वो टीचर है अगर वाकई में आपको शिक्षा दे रहा है ठीक है समझ रहे हो ना तो बस वो मैं वो चीज समझता हूं वो चीज मैंने फॉलो की है वो मैं आज भी फॉलो कर रहा हूँ करता रहूंगा ठीक है मुझे फर्क नहीं पड़ता दुनिया क्या बोल रही है मुझे फर्क नहीं पड़ता कि बच्चे क्या बोल रहे हैं मुझे ये फर्क पड़ता है कि एक बच्चा भी अगर मुझे फॉलो कर रहा है एक बच्चा भी सीरियस है तो मेरी वजह से उसका नुकसान नहीं होना चाहिए ये मेरी बस प्रायोरिटी है और उस पर मैं काम कर रहा हूँ बस और कुछ नहीं ठीक है फालतू बात करेंगे नहीं ठीक है कोई कंट्रोवर्सी में ना आज तक मैं इन्वॉल्व था पुराने टाइम पर ना कभी होऊंगा हाँ अगर कोई उंगली उठाएगा तो एक बोलना हक बनता है इतना तो चीज़ें बताना तो हक बनता है तो उसके लिए एक बोला ठीक है वो भी ठीक है मैं अक्सर अगर जो भी है बस पर मैं आपको कभी भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता इन चीज़ों के अंदर बस इतना मुझे पता है आपका सिर्फ एक ही टारगेट है मम्मा पापा के सपने को पूरा करना क्योंकि वो आपके लाइफ का एम है आप समझ रहे हो दुनिया में ऐसी छुटपुट चीजें होती रहती हैं होती रहेंगी अपने एम को डाइवर्ट मत होना आपके मम्मा पापा ने जो सपना देखा है उसको डाइवर्ट मत होने देना ठीक है असली में वही चीज़ है और बात बाकी का तो कुछ भी नहीं है समझ रहे हो और कुछ भी नहीं है चलो खैर वापस आओ यहां तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट है अब कंसेप्ट पर कहानी आएगी कंसेप्ट जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ हार्ट बीट सॉरी जनरेशन ऑफ कंडक्शन जनरेशन या ना बोलोगे जनरेशन नहीं बोल सकते हो एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स कि नर्व इंपल्स का जनरेशन कैसे होता है और कंडक्शन कैसे होता है किस चीज को रिपीट करना है बताओ इस समय चार पांच घंटे नहीं बेटा इस समय पूरा टाइम पढ़ाई को दो रिविजन को दो ठीक है पूरा टाइम रिविजन को दो जो मैं इतना बोलूंगा बच्चों से टेंशन लेने की जरूरत नहीं है जितना कोर्स हो चुका है वो तो आपका परफेक्ट है उसका टाइम बना लो ठीक है पहला तरीका ये ध्यान रखना है आपको अभी लास्ट टाइम की जो स्टडी है बिल्कुल फैक्ट मैं तो फालतू बातें नहीं करूंगा बिल्कुल फैक्ट बताऊंगा अगर आपका 80 परसेंट कोर्स हो चुका है 70 हो चुका है 90 हो चुका है जितना हो चुका है उसका रिवीजन का शेड्यूल बना लो पहला जो नहीं हुआ करंट चल रहा है ठीक है उसको जितना कवर सकते हो कवर कर सकते हो करो नहीं कर सकते हो तो उसमें हाई वेटेज टॉपिक को सेलेक्ट कर लो जो हाई वेटेज टॉपिक है उनको पहले कवर करो लो वेटेज टॉपिक को बाद में टाइम मिलेगा तो कवर करेंगे इससे आपका कॉन्फिडेंस भी मेंटेन रहेगा इससे आप मैक्सिमम पेपर को अटेम्प्ट करने में कैपेबल होगे और पॉजिटिविटी आएगी और सारा खेल यहां से होता है ठीक है अगर यहां से पॉजिटिव हो तो आप खेल जाओगे और यहां से आप गए तो दुनिया में कोई बचाने वाला पता नहीं हुआ ठीक है तो यहां से स्ट्रांग होना है आपको ठीक है फालतू बातों में और फालतू बातें स्ट्रांग होना प्लीज सर ठीक है बच्चा एक बार बता दू मैं उसको एक तो रूटीन क्लास के अंदर मैंने मालिन शीट बताई थी उतना नहीं पढ़ना आपको वो तो आप रूटीन क्लास की बात है ठीक है रूटीन क्लास में मैंने पूरा शीट का क्लासिफिकेशन किया था उतना क्लासिफिकेशन अभी रिवीजन नहीं कराएंगे ठीक है क्योंकि उसकी जरूरत नहीं है अभी एनसीआरटी में दे रखा ना जरूरत है ठीक है बस इतना याद रखना है इतना याद रखना है मालीन शीट के केस में इतना याद रखना है कि ये मालिन शीट सीएनएस में भी होती है और पीएनएस में भी होती है सी एन एस में भी होती है और पी एन एस में भी होती है समझना मेरी बात ठीक है दोनों में होती है माली शीट और माली शीट कहां होती है माइलीनेटेड न्यूरॉन्स के अंदर ठीक है समझना मेरी बात सीएनएस के अंदर माली शीट को कौन बनाता है यह बनाता है ओलीगो ओलिगो डेंड्रो साइट्स जबकि पीएनएस में मालिक शीट कौन बनाता है पीएनएस के अंदर शीट कौन बना स्वान सेल स्वान सेल्स बनाते हैं और एक बात और ध्यान रखना स्वान सेल आल्सो प्रेजेंट इन स्वान सेल स्वान सेल्स आल्सो प्रेजेंट इन नॉन मालिनेटेड नॉन मालिनेटेड न्यूरो बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि एक इंसुलेटेड लेयर होती है जो कंडक्शन और स्पीड को फास्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सीएनएस में ये सेल बनाते हैं पीएनएस में स्वान सेल मालीन मालिनेटेड न्यूरॉन में तो होते ही है पर इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन नॉन मालिनेटेड न्यूरोन ठीक है हाँ बेटा नॉन मालिनेटेड न्यूरॉन में भी स्वान सेल होते हैं स्वान सेल और ऑलिगोडेंड्रोसाइड सेल बोथ आर ग्लियल सेल बोथ आर GLIAL सेल cell. GLIAL सेल्स बोथ आर GLIAL सेल्स ठीक है बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है आपको और ज्यादा कुछ नहीं आगे बढ़ते हैं ठीक है जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स अब समझना इसको जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ इंपल्स नीट 2024 के लिए बैच कब आएगा बेटा अभी बस ऐप लॉन्च करते ही सारे बैच लॉन्च कर देंगे टेंशन मत करो ठीक है सात आठ तारीख तक ऐप लॉन्च कर देंगे उसके बाद हम बैच लॉन्च कर देंगे ठीक है फिर आपको क्लियरिटी रहेगी एकदम ठीक है डिसीजन आपको लेना है क्या करना है हम बस क्या ना हम तो बस चल पड़े हैं रास्ते पर ठीक है हमें क्या करना है हमें पता है आपको क्या करना है वो आपको पता है ठीक है अपनी तरफ से हम बेस्ट से बेस्ट देंगे ये मुझे पता है बाद डिसीजन तो आपको लेना है ठीक है चलो ठीक है आगे चलते हैं पहले मैं इसको समझाऊंगा एनसीईआरटी पर बाद में आऊंगा पहले समझाऊंगा पहले आ जाओ पहले मैं फेज बताऊंगा कुछ चीजें बताऊंगा उसके बाद मैं एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन भी कराऊंगा टेंशन मत करना कंडक्शन की अगर बात करते हैं ना तो कंडक्शन के अंदर कुछ फेज होती है जैसे अभी न्यूरोन रेस्टिंग कंडीशन में कोई नहीं दिया रेस्टिंग स्टेज है समझना न्यूरोन की स्टेज कैसी रेस्टिंग फेज है इसको पोलराइज फेज बोलते हैं जब तक कोई स्टिमुलेशन नहीं दिया जाए इसको रेस्टिंग कंडीशन में अगर मैं कहूं कि जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन में होता है तो इसके ऊपर चैनल्स ओपन होते हैं क्लोज होते हैं अगर ओपन होते हैं तो कौन से चैनल ओपन होते हैं क्लोज होते हैं तो कौन से चैनल क्लोज होते हैं इसकी मेमब्रेन पर एक सोडियम पोटेशियम पंप होता है वो रेस्टिंग कंडीशन में चल रहा है या बंद है और ये पंप होता है तो किस लिए होता है समझ रहे हो तो बेसिक बातें रेस्टिंग कंडीशन में बात हूं तो पहले फेस को इसको रेस्टिंग फेज तो की अगर मैं बात करूं रेस्टिंग फेज की बात करूं पोलराइज फेज भी बोलते हैं ठीक है पोलराइज फेज रेस्टिंग फेज अगर मैं इस फेज की बात करूं रेस्टिंग पोलराइज अभी भूल एकदम हटा देता हूं हटा रहा हूं मैं ठीक है अभी यहां फोकस करो अगर मैं रेस्टिंग फेज की बात करता हूं पोलराइज फेज की बात करता हूं ये न्यूरॉन है ये न्यूरॉन है न्यूरॉन ठीक है इस न्यूरॉन में बाहर के फ्लूड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूर फ्लूड अंदर के फ्लूड को बोलते हैं इंट्रा सेल्युअर फ्लूड बाहर वाले फ्लूड के अंदर सोडियम आयन की कंसेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है जबकि अंदर वाले फ्लूड में पोटेशियम आयन की कंसेंट्रेशन ज्यादा होती है सर समझ में आ गया पर इस न्यूरॉन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूरॉन के अंदर नेगेटिव चार्ज होता है सर ऐसा क्यों भाई बाहर भी पॉजिटिव आइन ज्यादा है अंदर भी पॉजिटिव आइन ज्यादा है तो बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों ये बच्चा पहला क्वेश्चन पूछता है तो एक्चुअल में जो अंदर नेगेटिव चार्ज होता है वो ड्यू टू अंदर कुछ प्रोटीन्स होते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोटीन ये कौन होते हैं नेगेटिव चार्ज प्रोटीन

पोटेंशियल डिफरेंस निकल गया कितना 70 हो? होगा माइनस सेवेंटी मिली बोल्ट जो पोटेंशियल डिफरेंस निकल रेस्टिंग कंडीशन पर रेस्टिंग मेंवेंटी मिली बोल्ट होता है समझ रहे हो और जब रेस्टिंग कंडीशन होती है दूसरा क्वेश्चन बनता है मेम्ब्रिन किस आइन के लिए ज्यादा परमिएबल होती है वो मैं समझाऊंगा एक बात समझ में आई जब न्यूरॉन रेस्टिंग कंडीशन पे होते हैं तो नॉर्मल केस में बाहर के फ्लूड को बोलते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड अंदर के फ्लू को बोलते हैं इंट्रा सेलुलर फ्लू बाहर के फ्लूड में ऑटोमेटिकली सोडियम आयन ज्यादा होता है अंदर के फ्लूड में पोटेशियम आयन ज्यादा होता है ठीक है फिर भी मेमब्रेन के बाहर पॉजिटिव अंदर निगेटिव क्यों होता है आप बोलोगे अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जो पोटेशियम आयन के ऊपर डोमिनेंट होते हैं इन नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन की वजह से अंदर नेगेटिव चार्ज और बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है क्लियर बिल्कुल क्लियर बिल्कुल एक बात क्लियर ठीक है अब आगे और मैं बात करूंगा अब मैं चैनल्स की बात करता हूं चैनल्स का मतलब है गेट रेस्टिंग कंडीशन पर मैम रेस्टिंग कंडीशन क्या मैं न्यूरॉन की मेम्ब्रेन पर लीकेज चैनल होते हैं लीकेज देखा होगा नल लीक कर रहा है बंद कर दो या खोल दो तब भी निकलता रहेगा पानी यानी लीकेज चैनल वो चैनल होते हैं जो ऑलवेज ओपन रहते हैं ऑलवेज ओपन तो ये दिख रहे हैं ये लीकेज चैनल है जो ऑलवेज क्या है ओपन ऑलवेज ओपन रहते हैं जो तो लीकेज चैनल है ऑलवेज ओपन रहते हैं तो अंदर पोटेशियम आइन ज्यादा होते हैं तो पोटेशियम आइन क्या करते रहेंगे बाहर डिफ्यूज होते रहेंगे ठीक है इनमें पोटेशियम के साथ साथ सोडियम के लीकेज चैनल भी होते हैं पोटेशियम के साथ साथ सोडियम के लीकेज चैनल भी होते हैं पर बहुत कम होते हैं इतने सारे एक बहुत कम कंपैरिजन बहुत कम ठीक है तो सोडियम भी बाहर से अंदर आ सकता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन पर बहुत सारे पोटेशियम बाहर जाएंगे हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन यानी इनका डिफ्यूजन हर समय चलता रहता है यानी रेस्टिंग कंडीशन में मेम्ब्रेन की परमिएबिलिटी पोटेशियम के लिए बहुत ज्यादा होती है कंपेरेटिव सोडियम ये क्वेश्चन पूछा जाता है एनसीआरटी की लाइन है ठीक है रेस्टिंग कंडीशन में पोलराइज फेज में मोर परमिएबल होती है किसके लिए पोटेशियम के लिए कंपेरेटिव सोडियम क्यों कोई पूछेगा को क्यों ऐसा क्यों होता है आप बोलोगे रेस्टिंग लीकेज चैनल होते हैं पोटेशियम के लीकेज चैनल बहुत ज्यादा होते हैं कंपेरेटिव सोडियम के सोडियम के लीकेज चैनल एक तो पोटेशियम के बहुत सारे इसीलिए सोडियम के लिए परमेबिलिटी कम है रेस्टिंग कंडीशन में पोटेशियम के लिए परमेबिलिटी ज्यादा है रेस्टिंग कंडीशन में तो भाई समझ में आ गया ये समझ में आ रहा है हमें ठीक है पर इससे क्या हो रहा है भाई पोटेशियम बाहर भाग रहा है सोडियम अंदर आ रहा है यानी आयोनिक कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बिगड़ रहा है सोडियम को बाहर होना चाहिए वो अंदर भागने की कोशिश कर रहा है पोटेशियम को अंदर होना चाहिए वो बाहर भागने की कोशिश कर रहा है यानी मेम्ब्रेन का जो पोटेंशियल डिफरेंस है या कह सकते हो आयोनिक ग्रेडियंट है वो बिगड़ रहा है इसलिए भगवान ने एक पंप बनाया क्या बनाया पंप इसको बोलते हैं सोडियम पोटेशियम पंप और कहीं पर भी पंप टर्म आ गया तो वो एटीपी को यूज करेगा पंप का मतलब जो एटीपी को यूज करता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम करता है वो पंप होता है कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में जो काम करता है वो चैनल होते हैं आप समझना है मेरी बात चैनल एटीपी कभी यूज नहीं करते तो ये पंप क्या काम करेगा भाई जो सोडियम अंदर आ रहे थे उनको बाहर फेंकेगा जो पोटेशियम बाहर जा रहे थे उनको अंदर भेजेगा भाई वापस अंदर आओ यानी इन आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन ग्रेडियंट, इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करने का काम करेगा सोडियम पोटेशियम पंप अब बच्चा पूछेगा सर अंदर से बाहर तीन सोडियम बाहर से अंदर दो, दो पोटेशियम ऐसा क्यों तीन ही सोडियम क्यों बाहर जा रहे हैं दो ही पोटेशियम अंदर क्यों आ रहे हैं तब हम बोलेंगे बेटा अंदर सोडियम बाइंडिंग साइट तीन होती है बाहर पोटेशियम सिर्फ दो ही होती है मजबूरी है दो ही पोटेशियम बैठ पाते हैं अपनी सीट पर अंदर तीन सोडियम बैठ जाते हैं अपनी सीट पर और जब इसमें एक्सचेंज होता है एटीपी के थ्रू तो, तो तीन सोडियम बाहर दो पोटेशियम अपने आप अंदर चले जाते हैं तो ये पंप ऑलवेज एक्टिव रहता है ऑलवेज एक्टिव रहता है और इस आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करके रखता है यानी अंदर पोटेशियम और बाहर सोडियम को मेंटेन करके रहता है ठीक है इसको सोडियम पोटेशियम पंप बोलते हैं एनसीआरटी ने बोल फंक्शन भी दे रखा है क्या काम करता है मेंटेन आयोनिक ग्रेडियंट समझ में आया नहीं आया तो ये रेस्टिंग कंडीशन में क्या क्या हो रहा है रेस्टिंग फेज पोलराइज फेज पोटेंशियल कितना होता है माइनस सेवनटी मिली क्वेश्चन पूछा जाता है किसके लिए परमेबिलिटी ज्यादा होती है पोटेशियम के लिए क्यों क्योंकि पोटेशियम के लीकेज चैनल ज्यादा सोडियम रेस्टिंग कंडीशन में बाहर पॉजिटिव अंदर नेगेटिव क्यों क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं जो पोटेशियम आयन के ऊपर डोमिनेंट होते हैं इसलिए अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है ठीक है पोटेशियम बहुत ज्यादा बाहर निकल रहे हैं सोडियम कम अंदर आ रहे हैं यानी मेमब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा कंपरेटिव सोडियम इससे आयोनिक ग्रेडियंट बिगड़ता है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप ऑलवेज एक्टिव रहता है जो अंदर से बाहर तीन सोडियम बाहर से अंदर दो पोटेशियम कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डायरेक्शन में काम कर रहा है मीस एटीपी यूज कर रहा है समझ में आया है? नहीं आया ये रेस्टिंग कंडीशन में चल रहा है वो आपके सामने यहां तक समझ में आया तो एक बार आग लगा दो एक बार आग लगाओ अगर यहां तक समझ में आया तीन बार रिपीट किया कुछ है नहीं इसके अंदर बेटा ये एक न्यूरॉन है रेस्टिंग कंडीशन है न्यूरॉन के ऊपर कोई भी हमने स्टूमुलेशन नहीं दिया कोई भी स्टूमुलेशन न्यूरॉन को हमने नहीं दिया आप समझ रहे हो जरा बताओ अभी कितने लोग लाइव देख रहे हैं लाइव लाइव मुझे समझ में नहीं आ रहा लाइव कहां पर सान है लाइव की काउंटिंग बढ़ाओ यार लाइव से मोटिवेशन मिल जाएगा एकदम खतरनाक मोटिवेशन लाइव लिख के दो कितने लोग लाइव हैं और जिनको ये समझ में आ गया वो आग लगा दो बस जिनके समझ में आ गया वो आग लगा दो एक बार ओके okay, ठीक है ठीक है ठीक है बहुत बढ़िया सुपर, सुपर 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 समझ में आ गया आप रेस्टिंग फेज पर थोड़ा मैंने कहा लाइव में आकर के थोड़ा आग लगा के जाया करो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है आओ और आग लगा के जाओ ठीक है तो रेस्टिंग फेज पोलराइज फेज रेस्टिंग फेज का जो पोटेंशियल होता है जैसे आप इलेक्ट्रोड लगाओगे ना तो आप इस मेम्बरी के चार्ज को विभव को पोटेंशियल को मेजर कर पाओगे माइनस में होता है ठीक है माइनस में होता है और इस समय मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा होती है तो पहले बताऊंगा माइनस में क्यों होता है माइनस में इसलिए होता है क्योंकि अंदर नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन होते हैं और और पोटेशियम के ऊपर डोमिनेंट होते हैं इसलिए अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है पहली बात मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी पोटेशियम के लिए ज्यादा क्यों होती है क्योंकि लीकेज चैनल पोटेशियम के ज्यादा होते हैं कंपरेटिव सोडियम समझ रहे हो इसलिए पोटेशियम ज्यादा बाहर भागता है सोडियम कम अंदर आता है इनकी वजह से बिगड़ जाता है उसको मेंटेन करने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप हर समय चलता है जो अंदर से बाहर तीन सोडियम बाहर से अंदर दो पोटेशियम को हर समय भेजता रहता है ऑलवेज तीन सोडियम इनर टू आउटर टू पोटेशियम आउटर टू इनर आप कहोगे तीन ही क्यों सर दो ही क्यों पोटेशियम क्योंकि सोडियम बाइंडिंग साइड अंदर तीन होती है पोटेशियम बाइंडिंग साइट बाहर दो ही होती है समझ रहे हो इसलिए जो हर समय आयोनिक ग्रेडियंट को मेंटेन करता है हो गया एनसीआर का एक पैरा पूरा कंप्लीट रेस्टिंग कंडीशन आ गई पूरी की पूरी अब रेस्टिंग के बाद आगे बढ़ते हैं अब आएगा डीपोलराइजेशन लगा दो तो आगे एक बार अगर वाकई में समझ में आ गया हो तो यस फ्यूचर डॉक्टर्स बिल्कुल ठीक है कुछ ना कुछ तो बनोगे यार ठीक है मेहनत कर रहे हो डॉक्टर बनोगे साइंटिस्ट बनोगे नेता बनोगे अभिनेता बनोगे कुछ तो बनोगे सच्चे मन से मेहनत कर रहे हो तो नेचर प्रकृति सब 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 पूरा एकदम सबको रिजल्ट देती है कुछ ना कुछ तो बनोगे ठीक है तो रेस्टिंग कंडीशन में न्यूरॉन था अब मैंने क्या किया इसको स्ट्यूमलेट किया ये टच किया ये स्टूमुलेशन ये स्ट्यूमुलेशन जैसे मेरा हाथ है मैंने इसको टच किया ये टच किया टच, किया। टच करने पर मुझे पता चला किसी ने टच किया कैसे पता चला मुझे कैसे पता चला किसी ने मुझे टच किया मुझे पता चला टच किया क्योंकि यहां पर क्या हुआ डीपोलराइजेशन तो जो डीपोलराइजेशन होगा कैसे होगा एक्शन पोटेंशियल जनरेट कैसे होगा मुझे कैसे पता चलेगा किसी ने मुझे टच किया सिग्नल सीधा मेरा कहा जाएगा ब्रेन के अंदर ठीक है कैसे जाएगा टच करते ही टच करते ही क्या होगा आप देखो ठीक है जैसे ही मैंने अपने न्यूरॉन को स्टूमुलेट किया स्टूमुलेट करते ही सोडियम चैनल्स होते हैं जो बंद होते थे रेस्टिंग कंडीशन में टच करते ही खुल जाते हैं इनके खुलते सोडियम अंदर सोडियम अंदर पोटेशियम पहले था सोडियम भी आ गया सोडियम और पोटेशियम दोनों भाई मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे पोटेशियम पहले अंदर था सोडियम और आ गया क्योंकि सोडियम चैनल्स खुल पड़े भर भर के सोडियम अंदर आया और सोडियम और पोटेशियम दोनों मिलकर के नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन पर डोमिनेंट हो जाएंगे तो अंदर का चार्ज पॉजिटिव बार का चार्ज निगेटिव तो जैसे-जैसे सोडियम आते जाएंगे सोडियम आते जाएंगे ये चार्ज -70 से जीरो होगा फिर जीरो से +1 +2 +3 और +30 पर होते ही +30 होते ही सिग्नल ट्रांसफर हो जाएगा इसको बोलते हैं एक्शन पोटेंशियल ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन एक्शन पोटेंशियल वो पोटेंशियल जिस पर इंपल्स जनरेट होता है +30 मिलीवोल्ट ठीक है और इस समय मेम्ब्रेन किसके लिए ज्यादा परमिएबल है सोडियम आयन के लिए ज्यादा परमिएबल है क्यों क्योंकि सोडियम चैनल्स खुल गए हैं स्टूमुलेशन मिलते ही सोडियम चैनल्स ओपन हो गए हैं ठीक है तो बस ये काम हुआ ओपन होते ही सिग्नल गया काम से समझ में आया नहीं आया आगे चलते हैं आगे चलते हैं ठीक है तो ये वाली बात कंप्लीट हो जाती है आगे चलते हैं तो सोडियम चैनल खुल गए अंदर चार्ज कितना आया प्लस थर्टी जैसे ही चार्ज प्लस ट्वेंटी प्लस ट्वेंटी पहुंचेगा सिग्नल गया सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएंगे प्लस थर्टी चार्ज आते ही सोडियम चैनल इनएक्टिवेट हो जाएंगे और पोटेशियम चैनल ओपन हो जाएंगे इनएक्टिवेट होने का मतलब है क्लोज होना नहीं इनएक्टिवेट होने का मतलब पहले इनएक्टिवेट होते हैं बाद में क्लोज होते हैं ठीक है

हर पे में आएगी, कैसे आएगी? इसको हैं, बापस अपनी नॉर्मल स्टेज में आना वो कैसे होगा प्लस थर्टी मिली बोल्ट आते ही सोडियम चैनल ओपनिंग चैनल जैसे ही पोटेशियम चैनल खुलेंगे पोटेशियम अंदर से बाहर पोटेशियम अंदर से बाहर तो जैसे पोटेशियम बाहर भागेंगे भाई कोई भी पॉजिटिव आप अंदर से बाहर भेज दो सोडियम को तो आप अंदर से बाहर डिफ्यूजन से नहीं भेज सकते क्योंकि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अपोजिट डिफ्यूजन नहीं होता कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की डायरेक्शन में डिफ्यूजन होता है ठीक है तो पोटेशियम चैनल खुल जाएंगे पोटेशियम बाहर भागेंगे जब पोटेशियम बाहर भागेंगे तो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन फिर से डोमिनेंट होगी और धीरे-धीरे धीरे-धीरे ये चार्ज 0 से -1 -2 और -70 पहुंचेगा ठीक है तो क्या होगा ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल मोर परमेबल फॉर पोटेशियम ठीक है और रिपोलेशन के टाइम पर जो एक्शन पोटेंशियल होता है कितना आएगा माइनस सेवनटी मिली बोल्ट माइनस ये रिपोलराइजेशन के टाइम पर पोटेंशियल होता है, में आना, है? तो डीपोलराइजेशन के लिए ओपनिंग ऑफ सोडियम चैनल होगा रिपोलन के लिए ओपनिंग ऑफ पोटेशियम चैनल होगा समझ रहे हो ठीक है फिर क्या होगा हाइपर क्योंकि जब रिपोर्डेशन होता है ना तो एग्जैक्ट माइनस सेवन पर पोटेशियम चैनल बंद नहीं हो पाते नहीं हो पाते वो थोड़े देर में बंद हो पाते हैं। इतनी देर में ये चार्ज माइनस सेवनटी से माइनस एट्टी और नाइनटी तक पहुंच जाता है ठीक है जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल से अगर ऊपर नेगेटिव हो जाए तो उसको हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं तो हाइपर मोर देन माइनस सेवेंटी मिली बोल्ट मोर देन माइनस सेवेंटी मिली बोल्ट माइनस नाइनटी तक हो सकता है ड्यू टू लेट क्लोजिंग ऑफ पोटेशियम चैनल इसकी वजह से ज्यादा पॉजिटिव भाग चला जाता है ठीक है और इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइशन मेमरिन पोटेंशियल माइनस सेवेंटी मिली बोल्ट से ज्यादा हो जाता है माइनस नाइनटी तक इसको हाइपर पोलराइशन बोलते हैं तो टोटल कंडक्शन के अंदर चार फेज होती है एक रेस्टिंग फेज एक डीपोलराइजेशन एक रीपोलराइजेशन और एक हाइपर पोलराइजेशन ये चारों फेस समझ में आई होंगी बेटा हां प्लस थर्टी प्लस थर्टी एक्शन पोटेंशियल होता है ड्यूरिंग डीपोलराइजेशन रेस्टिंग कंडीशन में माइनस सेवनटी रीपोलशन माइनस सेवेंटी वापस आने के लिए पर वो माइनस सेवनटी से ज्यादा हो जाता है उसको हाइपर पोलरेशन बोलते हैं फिर धीरे धीरे सोडियम पोटेशियम पंप चलता रहता है उसको वापस मेंटेन करता है और वापस माइनस सेवेंटी पर स्टेबल हो जाता है आकर के ठीक है हाँ, less than 70 कुछ भी नहीं होता ठीक है resting membrane potential से ऊपर होना चाहिए, उसको या ठीक है? उससे नीचे तो फिर प्लस 30 action membrane potential होगा। आगे चलते हैं अब मैकेनिज्म समझाऊंगा ये चारों फेज समझ में आ गई हो तो एक बार आग लगा दो एक गुट पानी पी लेता हूं मैं इन चारों फेज तक अगर समझ में आ गया हो, तो एक बार आग लगा दो बस एक गुट पानी पी लू बेटा बहुत बढ़िया ओके okay, बिल्कुल बढ़िया सुपर ये आग बता रही है कि एकदम परफेक्टली ब्रेन में सेट है आगे चलते हैं अब मैकेनिज्म की बात कर रहा हूं एनसीआरटी के डायग्राम की बात कर रहा हूं कि एक्चुअल में होता क्या है अब समझो पूरा मैकेनिज्म समझाता हूं मान लो ये साइटॉन है ये एक्सॉन है ठीक है और ये है डेंड्रॉन और डेंड्रॉन में यहां लगे होते हैं सोडियम चैनल्स लिगैन गेटेड सोडियम चैनल्स एल जी सी सोडियम चैनल्स समझना तो आपको क्या लगता है किसी भी में टच किया जैसे आपने मैंने परफ्यूम खोला पर परफ्यूम खोला परफ्यूम की स्मेल गई होगी आपकी नोज में परफ्यूम के पार्टिकल सबसे पहले क्या करेंगे कैसे स्टूमुलेशन मिलेगा समझो अभी अंदर चार्ज कैसा है नेगेटिव बाहर चार्ज कैसा है पॉजिटिव रेस्टिंग कंडीशन है ठीक है कितना चार्ज है अंदर न्यूक्लियस हटाता हूं मैं जरा अभी कितना चार्ज है अंदर अंदर जो चार्ज होगा माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट है क्या इस चार्ज पर मैमब्रेन के सोडियम चैनल्स ओपन होंगे नहीं यह भी क्लोज होंगे ये सोडियम चैनल्स यहां पर होंगे ये तो कैसे सोडियम चैनल्स हैं गेटेड है इनका खुलना बंद होना किस पर डिपेंड करता है लिगेंट की बाइंडिंग पर जबकि एक्जोन के पास जो, जो सोडियम चैनल्स होते हैं वो वोल्टेज गेटेड होते हैं यानी इनका खुलना और बंद होना मैमब्रेन के वोल्टेज या पोटेंशियल पर निर्भर करता है समझने की कोशिश करना मेम्ब्रेन के पोटेंशियल पर डिपेंड करता है समझने की कोशिश करना ठीक है तो हुआ क्या जैसे ही आपने परफ्यूम खोला तो परफ्यूम पार्टिकल सीधे जाकर के इससे बाइंड करेंगे इससे बाइंड करते ही ये लिगेन गेटेड है तो यहां पर सोडियम चैनल्स के ओपन होते ही सोडियम आइन एंटर करेंगे कौन एंटर करेगा अंदर सोडियम आइन बहुत ज्यादा तो नहीं पर थोड़े से पॉजिटिव आइन अंदर एंटर कर जाएंगे कौन पॉजिटिव आइन सोडियम आइन तो ये सोडियम क्या काम करेंगे ये सोडियम आइन इस माइनस सेवनटी को थोड़ा सा कम करेंगे पॉजिटिव चार्ज अंदर जा रहा है ना तो माइनस से अगर टेन मिली वोल्ट कम हो गया लाइक माइनस सिक्सटी माइनस सिक्सटी मिली वोल्ट माइनस सिक्सटी मिली बोल्ट चार्ज हो गया माइनस सेवेंटी से माइनस सिक्सटी मिली बोल्ट चार्ज हो गया माइनस सेवेंटी से माइनस सिक्सटी मिली बोल्ट चार्ज अगर हो गया यहां पर माइनस सेवेंटी से माइनस सिक्सटी मिली बोल्ट चार्ज अगर यहां पर हो गया तो इसकी वजह से क्या होगा बस टेन मिली बोल्ट ठीक है इसको थ्रिशोल्ड वैल्यू बोलते हैं थ्रिशोल्ड वैल्यू थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होती है इट इज अ इट इज अ अल्ड वैल्यू इट इज अ मिनिमम मिनिमम वो वैल्यू जो इन सोडियम चैनल्स को कौन से सोडियम चैनल्स ये सोडियम चैनल्स हैं वोल्टेज गेटेड चैनल्स वोल्टेज गेटेड चैनल इनकी खुलना और बंद होना मेमब्रेन के वोल्टेज या पोटेंशियल पर डिपेंड करता है जब तक पोटेंशियल -70 है ये बंद रहेंगे ये पोटेंशियल -60 या -55 और कम हो जाए तुरंत खुल जाएंगे वो कौन करेगा वो ये बाइंडिंग हुई खुला कुछ सोडियम अंदर गए चार्ज कम किया इनकी ओपनिंग स्टार्ट और इनकी ओपनिंग होते ही भर भर के, अंदर आएंगे, भर भर के अंदर आएंगे। क्यों? सोडियम के सोडियम चैनल आएंगे तो धीरे धीरे अंदर क्या चार्ज हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज होगा अंदर चार्ज कैसा होगा पॉजिटिव चार्ज होगा पॉजिटिव, हो पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब है बाहर पॉजिटिव था अंदर नेगेटिव तब उल्टा होगा अंदर पॉजिटिव होगा हो अंदर पॉजिटिव होगा बाहर नेगेटिव होगा अंदर पॉजिटिव होगा बाहर नेगेटिव होगा आप समझ रहे हो क्योंकि सोडियम आयन अंदर आ रहे सोडियम आयन के अंदर आते ये स्टार्ट हो जाएगा सोडियम आयन के अंदर आते मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाएगा क्लियर बिल्कुल ये चल रहा है यानी यहां वाला पार्ट कैसा हो जाएगा डी इज डीपोलराइज डी पोलराइज हो गया क्या हो गया डी पोलराइज हो गया ये वाला पार्ट क्या हो गया डी पोलराइज समझने की कोशिश करना ठीक है ये हमने स्टूमुलेशन दिया लिगेन गेटेड सोडियम चैनल ओपन हो गए और इनके ओपन होते ही सोडियम एंटर करेगा जो मिनिमम वैल्यू थ्रिशअल वैल्यू होती है उतनी जनरेट करनी है माइनस सेवेंटी से माइनस सिक्सटी चार्ज होते ही वो इन्होंने कर दिया ये खुल जाएंगे खुलते सोडियम अंदर आएगा अंदर पॉजिटिव बाहर नेगेटिव और मेम्ब्रेन बिकम डीपोलराइज ठीक है पर आगे की अभी स्थिति क्या है आगे की नॉर्मल स्थिति है बाहर पॉजिटिव है बाहर अभी पॉजिटिव है अंदर अभी नेगेटिव है वैसी स्थिति है बाहर पॉजिटिव है अंदर अभी नेगेटिव है अंदर यहां कोई चेंज नहीं आया यानी इस कंडीशन क्या बोलेंगे पोलराइज्ड अभी जो पोलराइज्ड कंडीशन है इसमें कोई चेंज नहीं आया डी पोलराइज होगी ये पोलराइज है इसको आप ए बोल सकते हो इसको आप ए बोल सकते हो तो इसको आप बी बोल सकते हो इधर वाले को अगर मैं पूछूं कंडक्शन की डायरेक्शन क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव क्यों क्योंकि बेटा जो ये समझना ये जो पॉजिटिव बन रहा है ना ये पॉजिटिव इन सोडियम चैनल को खोलेगा ये पॉजिटिव इन सोडियम चैनल को खोलेगा यहां जो पॉजिटिव आएगा वो आगे के सोडियम चैनल को खोलेगा समझ रहे हो तो कंडक्शन कहा होगा ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव तो ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव ऐसा नहीं हो जाएगा ऐसा पॉजिटिव नेगेटिव आपको चार्ज उल्टा जा रहा है ना सर्किट बन रहा है ये सर्किट इस फॉर्म में मूवमेंट होगा समझ रहे हो इस फॉर्म में मूवमेंट होगा तो कंडक्शन की डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी यूनिडायरेक्शनल डायरेक्शनल ठीक है पॉजिटिव टू नेगेटिव ठीक है डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन क्या होगी ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव, ऑलवेज पॉजिटिव टू नेगेटिव समझ रहे हो डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन कहा होगी पॉजिटिव टू नेगेटिव तो अगर मैं आपसे पूछू जो पूछा जाता है नीट में इनर मैमब्रेन इनर मैमब्रेन और आउटर मैमब्रेन इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन में डिफरेंस पूछने की कोशिश कर रहे हैं ठीक है तो इनर मेम्ब्रेन पर अंदर की साइड डायरेक्शन कहा होगी ऑलवेज ए टू बी ए टू बी तो आउटर मेम्ब्रेन कहां डायरेक्शन होगी बी टू ए बी टू ए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ठीक है तो समझने की कोशिश करना जब ये सोडियम चैनल खुलेंगे सोडियम की एंट्री होगी थ्रेशोल्ड वैल्यू जनरेट होगी इससे ये सोडियम खुल जाएंगे यहां का पार्ट क्या डीपोलराइज अब ये सोडियम अगले के ढक्कन खोलेंगे सोडियम चैनल खोलेंगे ठीक है तो ये सोडियम चैनल खोलेंगे तो पीछे पोटेशियम खुल जाएंगे यानी अब ये क्या होगा डीपोलराइज तो पीछे वाला क्या होगा रीपोलराइज्ड जब ये डीपोलराइज हो जाएगा तो आगे के सोडियम चैनल खुलेगा पीछे क्या होगा रीपोलराइज यानी जैसे-जैसे इम्पल्स आगे बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे इंपल्स आगे बढ़ता जाएगा जैसे-जैसे इंपल्स आगे जैसे बढ़ता जाएगा समझ लो पीछे री, पीछे री आगे डी पीछे री आगे डी पीछे री आगे डी कैसे समझाता हूं अभी मैं ठीक है तो डायरेक्शन समझ में आ गया इनर मेम्ब्रेन पर ए टू बी तो आउटर मेम्ब्रेन पर बी टू ए ये क्वेश्चन आएगा जैसे आप समझो ऐसे समझो अब तीनों स्टेज दिखाता हूं मैं यहां आके एकदम क्लियरिटी आ जाती है ये न्यूरॉन है एकदम क्लियरिटी आएगी मान लो ए था तो ये बी था तो मान लो एक और बनाते हैं सी ठीक है अभी ए वाला पार्ट ए वाले पार्ट में सोडियम चैनल खुल चुके थे समझ रहा ए वाले पार्ट में सोडियम चैनल खुल चुके थे समझने कोशिश करना यहां सोडियम चैनल खुल गए थे तो इन सोडियम ने क्या किया इनको खोल दिया तो यहां पर क्या हो गया सोडियम चैनल की ओपनिंग हुई तो सोडियम आयन अंदर एंटर करेंगे ये सोडियम आयन की की एंट्री हो रही है ये सोडियम सोडियम पहले कौन से एंटर किए थे ए वाले पार्ट के सोडियम चैनल खुले थे ठीक है बी रेस्टिंग कंडीशन थी इन सोडियम ने क्या कर दिया आगे के सोडियम खोल दिए तो अब सोडियम जब आगे खुल जाएंगे तो अंदर कौन आ जाएंगे सोडियम आयन की एंट्री हो जाएगी अंदर सोडियम आयन की सोडियम एंट्री अंदर चार्ज कैसा हो गया पॉजिटिव पहले ए में एक बी में हो, गई. बार कैसा हो गया निगेटिवराइज हुआ था तो अब क्या होगा ये वाला पार्ट डी होगा डी पोलराइज यानी अब ये डीपोलराइज कहा जाएगा आगे जाएगा ये सोडियम इनके ढक्कन खोलेंगे ठीक है फिर जब ये डीपोलराइज होगा ये आगे जाएगा फिर ये सोडियम आगे कनेक्न खोलेंगे तो इस तरीके से ये इंपल्स इम्पल्स ये डिपोडेशन का मतलब है इंपल्स इंपल्स हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ बढ़ती चली जाती है तो पीछे क्या हो जाता है पीछे पोटेशियम चैनल खुल जाते हैं और पोटेशियम आइन अंदर से बाहर भागना चालू कर देते हैं पोटेशियम आयन अंदर से बाहर भागना चालू कर देते हैं तो आगे सोडियम खुलेंगे तो पीछे पोटेशियम तो पीछे क्या हो गया रीपोलराइजेशन री पोलराइजेशन तो आगे अभी क्या है कुछ भी नहीं है आगे तो नॉर्मल कंडीशन है रिपोलराइजेशन का मतलब है वापस वापस अंदर नेगेटिव आना वापस अंदर नेगेटिव आना वापस बाहर पॉजिटिव आ जाना यह भी रेस्टिंग कंडीशन है रेस्टिंग का मतलब है अभी बाहर पॉजिटिव है बाहर पॉजिटिव है अंदर नेगेटिव है समझ रहे हो इसको क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे पोलराइजेशन अब डायरेक्शन क्या होगा डायरेक्शन क्या होगा अब हमें वही पॉजिटिव टू नेगेटिव पॉजिटिव टू नेगेटिव यानी अब क्या होगा बी से सी की तरफ कहां पर इनर साइड समझ में आ गया तो पहले ए से बी पर था फिर बी से सी फिर इंपल्स इम्पल्स सी से डी आगे बढ़ती चली जाएगी ठीक है यानी मानो मैं इंपल्स हूं मैं इंपल्स हूं तो मैं यहां बैठा हुआ हूं जहां बैठा हुआ हूं यहां पर सोडियम चैनल खोलूंगा ठीक है फिर जब मैं मैं एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा ना तो मैं आगे के सोडियम रक्न खोल दूंगा और आगे बढ़ जाऊंगा पीछे के 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 पोटेशियम पोटेशियम खोल खोल दूंगा आगे खोल दूंगा आगे सोडियम पीछे तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता जाऊंगा आप समझ रहे हो तरुण सर कम बिल्कुल बेटा लक्ष्य मैं मैं और तरुण सर तो आ ही रहे हैं ठीक है ये तो बता ही दिया मैंने आपको ठीक है लक्ष्य का मतलब ट्वेल्थ के अंदर ट्वेल्थ में बायो में हम दो फिक्स रहेंगे ठीक है मैं और तरुण सर बायो चाहे वो ड्रॉपर हो चाहे वो इलेवेंथ हो चाहे वो ट्वेल्थ हो ठीक है केमिस्ट्री में तीन फैकल्टी मिलने वाले हैं खतरनाक लेवल के तीनों ही बैच के अंदर समझ रहे हो ऐसे ही फिजिक्स में आपको दो से तीन फैकल्टी मिलने वाले हैं लगभग तीनों बैचों के अंदर ठीक है वहां ऑप्शनल भी रखेंगे ठीक है तो कोशिश करेंगे कि ठीक है कोशिश करेंगे कि कोई मतलब आपके लिए सेकंड थॉट ही ना हो मतलब कहीं भी आपको दिक्कत ही हो आपको ये फील ना आए कि कहीं कोई गड़बड़ हो गया ठीक है कुछ भी नहीं होने देंगे पक्की बात है। बेटा, नर्वस सिस्टम पूरा कराऊंगा कंडक्शन खत्म होने वाला है ठीक है कंडक्शन के बाद पूरा ब्रेन कराऊंगा स्पाइनल एनसीआरटी पूरी फिनिश करा करके एंड कर दूंगा ठीक है टाइम क्या हो रहा है ठीक है लगभग छह बजे तक आपकी क्लास चलेगी मुझे लगता है छह बजे खत्म हो जाएगी ठीक है हाँ केमिस्ट्री प्लेनर आज अपलोड कर देंगे पक्का चलो वापस आ जाओ ये बताओ ये समझ में आया नहीं आया ये कंडक्शन का मैकेनिज्म समझ में आया नहीं आया तो यार आ गया तो एक बार आग लगाओ यार एक बार आग लगाओ यार इतना मुझे मेरा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप कराओ लव यू टू ठीक है यहां तक बताओ ब्रह्मास्त्र का टाइमिंग फिक्स कर तो दिया प्लानर तुम मिल तो बिल्कुल फिक्स कर दिया है सुबह सेवन थर्टी टू एट थर्टी बायो और नाइन टू इलेवन केमिस्ट्री रहेगा समझ रहे हो ये रहेगा ब्रह्मास्त्र का टाइमिंग प्लानर दे दिया है हमने ठीक है और यहां हमने ऑलरेडी और ब्रह्मास्त्र लेकिन टू पॉइंट ऊपर रहेगा आपका ब्रह्मास्त्र कल से टू पॉइंट ओ पर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि वन पॉइंट ओ एक ही चैनल था ना एक चैनल पर लोड ज्यादा आ रहा है तो वो चीजें फंक्शनल प्रॉपर नहीं हो पा रही टू पॉइंट ओ पर हम क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ब्रह्मास्त्र पॉइंट ओ पर हम मतलब लक्ष्य जो अपना संकल्प वन पॉइंट ओ है उस पर हम नॉर्मल लेक्चर लेंगे ठीक है बिल्कुल टेंशन मत करो किसी भी चीज के लिए एकदम ओके रहो बिंदास रहो ठीक है बस डन आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं तो डायरेक्शन समझ में आ गया मुझे नहीं लगता यहां तक तो कोई डाउट है आगे बढ़ते हैं एनसीआरटी का एक डायग्राम है इस पर क्वेश्चन आता है एनसीआरटी का एक डायग्राम है इस पर एक क्वेश्चन आता है जो आपको समझना पड़ेगा बेटा तुम ऐसे हरकतें मतलब सुनो मेरे देखो आप बार बार मत रिपीट करो एक बार समझने की कोशिश किया करो ठीक है ड्रॉपर बैच हम लॉन्च करेंगे आप ऐसे ऐसे रो रो के दिखाते हो ठीक है ड्रॉपर बैच सात आठ को हम ऐप लॉन्च करेंगे ठीक है ऐप लॉन्च होने के बाद जब हमारा ऐप तैयार हो जाएगा हमें लगता है कि हाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी आठ को मान लो उसको हम लॉन्च कर देंगे सारे बैच ड्रॉपर भी लॉन्च कर देंगे डेट बता देंगे आपको ट्वेल्थ भी लॉन्च कर देंगे और इलेवंथ भी लॉन्च कर देंगे ठीक है तो आपको टेंशन नहीं लेनी है किसी भी चीज के लिए बस आप अभी जो चल रहा है ना अभी जिनका टारगेट इस साल ट्वेंटी है वो डाइवर्ट मत हो वो सेकेंड थॉट मत लेके आओ इसी साल मेडिकल कॉलेज में निकलने की पूरी दम लगा दो यार इस साल मेडिकल कॉलेज में एंटर करेंगे समझ रहे हो कोई और सपने दिख रहा है आपके लिए ठीक है पूछो मम्मा से पापा से जाकर के सपने देख रहे हैं तो उनके सपने पूरे करने हैं ठीक है अपने लिए मत करो उनके लिए करो दम लगा दो इस बार पूरी की पूरी रिजल्ट अच्छा ठीक है वापस वापस आते आते हैं हैं एनसीआरटी का डायग्राम क्या बता रहा है एनसीआरटी का डायग्राम बताने की कोशिश कर रहा है सोडियम आइन अंदर आ रहे हैं और जो सोडियम आइन अंदर आ रहे हैं तो यहां क्या हो रहा है डीपोलराइजेशन डी डीपोलराइजेशन ठीक है अब यहां डीपोलेशन हो चुका है तो अब ये सोडियम क्या करेंगे आगे के सोडियम चैनल्स के ढक्कन खोलेंगे तो कंडक्शन उल्टा नहीं हो गया उल्टा हो गया यानी अंदर जो कंडक्शन हो रहा है वो ए टू बी हो रहा है बाहर बी टू ए हो रहा है तो एनसीआर यही बताना चाह रही है ठीक है ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स अब ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स बिटवीन बिटवीन न्यूरॉन तो जो न्यूरॉन के बीच में कंडक्शन जो होता है वो एक केमिकल प्रोसेस है और विद इन न्यूरोन इलेक्ट्रिकल प्रोसेस है क्योंकि चार्ज के बेस पर हो रहा है तो आपसे पूछा जाए कंडक्शन ऑफ इंपल्स इज अ इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस इलेक्ट्रिकल विद इन न्यूरोन केमिकल बिटवीन न्यूरोन दो न्यूरोन के बीच में केमिकल प्रोसेस होगी ठीक है हाँ बिल्कुल टाइमिंग मैंने बताया ना ब्रह्मास्त्र का टाइमिंग सुबह रहेगा सेवन थर्टी टू एट थर्टी बायो और टू केमिस्ट्री सॉरी नाइन टू टेन थर्टी केमिस्ट्री ठीक है और इलेवन से लेकर के टू पी तक आपका टू थर्टी तक आपका रहेगा फिजिक्स थ्री से लेकर के सिक्स थर्टी तक रहेगा आपका बायो और सेवन से लेकर के टेन थर्टी तक रहेगा आपका केमिस्ट्री ये रूटीन क्लास का टाइम रहेगा ठीक है थीके? सिंगल शॉट का क्लियर है परिवर्तन का ये टाइम रहेगा आपका ऑलरेडी हमने टेलीग्राम पर भी डाल दिया है ठीक है तो आपको अपडेशन मिलता रहेगा ठीक है, है ये रूटीन में आपका चलना ही चलना है ठीक है पहला ये डाउट जो आप पूछ रहे हो बता दिया मैंने बॉटनी की टाइमिंग अल्टरनेटिव क्लास चलेंगे एक दिन ज्योलॉजी एक दिन बॉटनी एक दिन ज्योलॉजी एक दिन बॉटनी ठीक है कल बॉटनी की थी तो आज मेरी क्लास है और कल फिर बॉटनी की होगी फिर मेरी होगी फिर बॉटनी की होगी इस तरीके से रेगुलरली चलेगी हम संडे को भी नहीं बैठेंगे मैं सच कह रहा हूं रेस्ट लेस कंडीशन हम बैठने वालों में से नहीं है ठीक है नेचर ने इतनी पावर दे दी है ठीक है हम बैठेंगे नहीं ठीक है बिल्कुल नहीं बैठेंगे और ना आपको बैठने देंगे ठीक है रेस्टलेस कंडीशन नीट का जब तक एग्जाम नहीं हो रहा ना हम रुकेंगे ना आपको रुकने देंगे पक्की बात है ठीक है सब बता दिया मैंने एक तरीके से ठीक है अब बार बार इन क्वेश्चंस को रिपीट मत करना ठीक है वापस मैं स्टार्ट कर रहा हूं अब मैंने बताया कंडक्शन ऑफ़ इलेक्ट्रोकेमिकल केमिकल इलेक्ट्रिकल समझ में आ गया आप केमिकल की बात करते हैं ठीक मतलब है अब आ जाओ सनेप्स दो टाइप के हो सकते हैं केमिकल्स भी हो सकता है और इलेक्ट्रिकल्स भी हो सकता है समझाता हूं अभी टाइप्स ऑफ सनेप्स दो टाइप के हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल एंड केमिकल ये दो टाइप के हो सकते हैं इलेक्ट्रिकल भी हो सकता है और केमिकल भी हो सकता है क्या अंतर होता है इलेक्ट्रिकल और केमिकल के अंदर समझो अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं अगर मैं इलेक्ट्रिकल की बात करता हूं तो इलेक्ट्रिकल मानो ये एक एक्साइटेबल सेल है ये दूसरी एक्साइटेबल सेल है अगर दो एक्साइटेबल सेल दो एक्साइटेबल सेल के बीच की दूरी बहुत कम है दो एक्साइटेबल सेल के बीच की दूरी बहुत कम है तो नेचर कहती है कि यार यहां पर एक ब्रिज बना दो ये ब्रिज बना दो और इसके बीच में ये, ये ब्रिज बन गया ठीक है इनको गैप जंक्शन बोलते हैं गैप जंक्शन और जो गैप दिख रहा है ना गैप जो गैप दिख रहा है नीचे इस गैप को हम बोलते हैं सनेप्टिक क्लिफ्ट सेनेप्टिक क्लिफ्ट इसका जो दूरी होती है जीरो पॉइंट टू नैनोमीटर होती है बहुत कम डिस्टेंस की वजह से यहां पर कंडक्शन सोडियम चैनल्स ऐसे भी मूव कर सकते हैं और सोडियम चैनल्स ऐसे भी मूव कर जाते हैं तो सोडियम चैनल्स का मूवमेंट बोथ डायरेक्शन में हो जाता है दो एक्साइटेबल सेल के बीच में इसको सनाप्स बोलते हैं जब दो सेल आपस में पेयरिंग करते हैं इसको सनाप्स बोलते हैं आप समझ में आया जबकि केमिकल सेनेप्सिस की अगर मैं बात करूं ना केमिकल सेनेप्सिस की तो केमिकल में समझना ये एक सेल है ये दूसरी सेल है एक सेल है ये दूसरी सेल है ठीक है और अगर मैं इन दोनों सेल्स की बात करता हूं बेटा तो पता है ना यहां पर यहां पर होते हैं नीरो ट्रांसमीटर्स एक्चुअल में दोनों सेल के बीच का जो डिस्टेंस होता है ना बहुत ज्यादा होता है इसको बोलोगे जो बहुत ज्यादा होता है ठीक है 20 से लेके 50 नैनोमीटर का दूरी होती है तो यहां पर प्रोटीन के ब्रिज से काम नहीं चलेगा तो यहां जरूरत पड़ती है कुछ न्यूरो की केमिकल सबिस्टेंस नीरो ट्रांसमीटर जहां दो एक्साइटेबल सेल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा हो सेनेप्टिक क्लिफ्ट ज्यादा हो तो वहां नीरो ट्रांसमीटर केमिकल के थ्रू सिग्नलिंग होती है जहां केमिकल के थ्रू सिग्नलिंग होती है उसको केमिकल सेनेप्सिस बोलते हैं जिनके बीच की दूरी कम होती है

यहां डिले और फटीक होगा डिले मतलब देरी फटीक मतलब थकावट जब आप थक जाते हो आपको नींद आती है तो ये नीरो निकलना बंद हो जाते हैं मानो एक तरीके से ठीक है तो डिले भी हो सकता है फटीक भी हो सकता है, है क्योंकि नीरो डिपेंडेंट है यहां नीरो नहीं है तो डिले और फटीक नहीं होगा कंडक्शन स्पीड से होगा ठीक है बिना थके होगा समझ रहे विदाउट डिले होगा आए या नहीं आई यहां तक बताओ कोई डाउट शाउट कोई डाउट शाउट फटाफट फड़, एकदम तेजी से तेजी से बताओ कोई डाउट शाउट है किसी को देखो इस समय जो आपका टाइम होता है ना भाई दोपहर वाला टाइम इसमें आपको सबसे ज्यादा एक्टिव होना है नीट के लिए क्योंकि नीट का जो टाइम होगा वो दोपहर वाला टाइम होगा इस समय आपकी एक्टिविटी सबसे फास्ट होनी चाहिए ठीक है आपके ब्रेन की कैपेसिटी फास्ट फास्ट होनी चाहिए ये आदत अभी से डालो अगर ये आदत नहीं डालोगे ना तो एग्जाम टाइम पर आपको बड़ा मतलब नुकसान होगा इस चीज का इस समय आपकी एक्टिविटी आपका जोश आपका रिप्रेजेंटेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए तभी मैं लाइफ का टाइम वो चूज किया है जो मतलब एग्जाम का टाइम होता है ठीक है जिससे आप एक्टिव रहो आपके अंदर हैबिट पड़ जाए ठीक है तभी मैं कहता हूं कि इस समय लाइव आ जाया करो ठीक है जिससे कि आपकी एक्टिवनेस एक्टिव हो ठीक है आपको नींद आना बंद हो जाए नहीं तो उसका असर वहां एग्जाम टाइम पे बड़ा गंदा होगा ठीक है मैं सच कह रहा हूं बहुत गंदा होगा चलो तो ये समझ में आ गया अब हम बात करेंगे आपके जो सिलेबस में डिटेल में वो केमिकल है तो इस केमिकल सेनेप्सिस को हम डिटेल्ड में पढ़ना चाह रहे हैं बताने वाले हैं डिटेल्ड में तो यहां तक कोई डाउट नहीं है बार बार रिपीट करवाओगे तो मजा नहीं आएगा इसका मतलब आप ध्यान ही नहीं दे रहे इलेक्ट्रिकल का मतलब है इनके बीच की डिस्टेंस कम है तो गैप जंक्शन से काम चल जाएगा हर्ट मसल्स में देखने को मिलते हैं इनकी बीच की दूरी 0.2 नैनोमीटर होती है यहां दोनों डायरेक्शन में इम्पल्स मूव कर सकती है नीरो नहीं होते यहां इम्पल्स का मूवमेंट फास्ट होगा क्यों फास्ट नहीं फास्ट टेस्ट होगा क्यों क्योंकि यहां कोई भी नीरो नहीं है यहां डिले नहीं हो सकता इम्पल्स थकावट नहीं होगी फटीक नहीं होगा जबकि यहां डिले हो सकता है क्योंकि न्यूरो खाली हो जाएंगे तो डिले हो जाएगा ठीक है और ये फास्ट होगा पर फास्ट नहीं होगा ऑलवेज डायरेक्शन होगा इसी को डिटेल में पढ़ा रहा हूं एकदम फोकस्ड दो न्यूरॉन के बीच में यानी एक न्यूरॉन का डेंड्रॉन तो एक न्यूरॉन का एक्सोन समझ रहे हो डेंड्रॉन और एक्सोन के बीच में सनेप्सिस होती है एक्सोन के पास ट्रांसमीटर्स होते हैं तो डेंड्रोन के पास रिसेप्टर्स होते हैं तो जहां रिसेप्टर्स होंगे वो डेंड्रोन होगा जो डीरो ट्रांसमीटर रिलीज करेगा वो एक्सोन होगा टर्मिनल एक्सोन ठीक है यूनिडायरेक्शनल होता है ऑलवेज एक्जोन टू डेंड्रोन एक्जोन टू डेंड्रोन ठीक है एनी ड्रग दैट प्रिवेंट दिस फटीक समझ रहे हो इस फटीक को प्रिवेंट करने के लिए जोश चाहिए समझ रहे हो क्या चाहिए जोश पागलपन जुनून हट चाहिए हट यार ये करना है मुझे ये पाना है मुझे समझ रहे हो तो ये फटीक नहीं होगा नहीं तो समझ रहे हो फटीक थकावट आप थके थके रहोगे इसलिए हल्का खाना खाओ प्रॉपर ब्रीथिंग एक्सरसाइज करो ठीक है पांच दस मिनट अनुलोम लोम भी किया करो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आपकी एनर्जी लेवल बढ़ाती है आपका टी शर्ट कब लॉन्च होगा बस कल या परसों छप गया है टी शर्ट ठीक है कल या परसों मैंने आज ठीक है बोला है उसको यार आज दे दो एक दो दिन में छाप छुप करके ठीक है तो वो छाप छुप करके दे रहा है वो ठीक है लो वो लगा करके छाप करके ठीक है तो कोशिश करेंगे कल या परसों की क्लास जो मेरी परसों क्लास होगी वो टी शर्ट में ही होगी ठीक है मुझे भी नहीं अच्छा लगता है रंग बिरंगी टी शर्ट शर्ट्स पहन के आना ठीक है शुरू से ड्रेस में रहे हैं तो वही एक आदत है तो एक टी शर्ट छप वाली है ठीक है अब सभी लोग टी शर्ट में ही आएंगे हाँ बिल्कुल अब टी शर्ट में आएंगे बेटा बिल्कुल आप आदेश करते जाओ हम चलते जाएंगे, ठीक है आप बताते जाओ आप क्या कमी है चलते जाएंगे कोई नहीं ठीक है टेंशन मत करो बस पढ़ाई पर फोकस करना है आपका बस एक ही काम है पढ़ाई सर रिपोलराइशन में जो सोडियम निकल गया ठीक है करा चुका हूं मैं राज्य में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए आपको ठीक है डीपोलेशन सोडियम आयन की वजह से होता है सोडियम चल की वजह से होता है रीपोलड्रेशन पोटेशियम की वजह से होता है हाइपर पोल्ड्रेशन भी पोटेशियम की वजह से होता है और जब पोल स्टेज होती है तो उसमें ना कोई भी चैनल ओपन नहीं होता बस लीकेज चैनल ओपन रहते हैं ऐसे याद रखो ठीक है अब हम बात कर रहे हैं कंडक्शन ऑफ इंपल्स बिटवीन न्यूरोन न्यूरोन के बीच में केमिकल सनासिस डिटेल में दे रखा है अब समझना सिग्नल डेंड्रोन से साइटोन के पास गया साइटोन से एक्सोन के अंदर गया एक्सोन के अंदर एक्सोन के अंदर तो सिग्नल कहां पहुंचेगा टर्मिनल एक्सोन पर पहुंचेगा जब से सिग्नल मतलब नंबर ध्यान रखना जब ये टर्मिनल एक्सोन में पहुंचेगा तो यहां पर कैल्शियम चैनल होते हैं क्या होते हैं कैल्शियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स होते हैं ये ओपन कर जाएंगे तो जैसे ही डीपोलराइजेशन कैल्शियम चैनल से टकराएगा नंबर सेकंड क्या होगा ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल कैल्शियम चैनल की ओपनिंग होती क्या होगा एंट्री ऑफ कैल्शियम चैनल इन सेनेप्टिक नोब जब कैल्शियम अंदर आएगा तो क्या काम करेगा ये कैल्शियम कराएगा एक्सोसाइटोसिस। एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर नंबर थर्ड क्या हो रहा है एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरो ट्रांसमीटर न्यूरोट्रांसमीटर न्यूरो ट्रांसमीटर बाहर आ जाएंगे न्यूरो ट्रांसमीटर लाइक एसिटाइल कोलिन बाहर आ जाएगा ये एसिटाइल कोलिन जब बाहर आएगा तो रिसेप्टर से बाइंड करेगा ठीक है रिसेप्टर से बाइंड करते ही तुरंत ये चैनल खुल जाएंगे सोडियम की एंट्री होगी

एक्साइटेड पोस्ट पोस्टिक पोटेंशियल जनरेट होना ईपीएसपी एक्साइटेड पोस्ट पी पोटेंशियल जनरेट हो गया और सिग्नल चला गया इसमें कोई डाउट नंबर से पढ़ोगे नंबर नंबर डीपोलराइजेशन टकराएगा कैल्शियम चैनल से कैल्शियम से टकराते कैल्शियम चैनल खुल जाएंगे कैल्शियम की एंट्री होगी कैल्शियम की एंट्री होगी ओपनिंग ऑफ कैल्शियम चैनल अंदर आते ही कैल्शियम क्या काम करेंगे एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर की एक्सोसाइटोसिस होगी और ये बाहर करेंगे, से, हो यहां तक कोई डाउट सिग्नल चला गया अब सिग्नल रोकना भी तो है तो सिग्नल रोकने के लिए नंबर सेवन पर क्या होगा यहां एंजाइम्स लगे होते हैं इनको बोलते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेस जो इस एसिटाइल कोलिन को तोड़ेंगे एसिटेट और कोलिन के अंदर डेंड्रोन पर एंजाइम्स लगे होते हैं एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज ए सी एच ई -E, जो इस एसिटाइल कोलिन को ब्रेक करेगा एसिटेट और कोलिन के अंदर किसमें ब्रेक करेगा एसिटेट और कोलिन के अंदर फुल फॉर्म लिखो सर प्लीज शिवराज बेटा ठीक है थोड़ा तो यार समझ रहे हो समझो इस चीज को लिख भी सकते हो इतना भी लिखोगे तो नीट कैसे क्वालिफाई करोगे ठीक है एक्साइटेटरी सिनेप्टिक पोटेंशियल या, फिर तो तुम बिल्कुल गड़बड़ गड़ कर दोगे मामला एक्साइटेटरी पोस्टिक पोटेंशियल एक्साइटेटरी पोस्टिक पोटेंशियल ठीक है वो जनरेट होगा सिग्नल चला गया अब इस एसिडाइल कोलिन को हटाना सिग्नल जाता रहेगा तो ये नेस्ट्रेज एंजाइम तोड़ देगा इसमें एसिटेट तो खत्म कोलिन वापस चला जाएगा रीअपटेक हो जाएगा अंदर कोलिन वापस आएगा इन ट्रांसपोर्टर प्रोटीन के थ्रू जब कोलिन अंदर आएगा जब कोलिन अंदर आएगा तो ये कोलिन किसके साथ मिलेगा को ए, जो किसका पार्ट है माइटोकॉन्ड्रिया का माइटोकॉन्ड्रिया को का, बनाने काम करता है एसिटाइल को एंजाइम ए इससे मिलकर के एक एंजाइम होगा सीएटी कैट कैट माने बिल्ली समझ रहे हो मतलब कोलिन एसीटेट ट्रांसफरेज सॉरी कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज कहीं लिखें सीएटी कैट की फुल फॉर्म यहां लिख देते हैं कोलिन एसिटे एसिटाइल ट्रांसफरेज कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज कैट कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज कैट ये कैट क्या काम करेगा तुरंत इसकी वजह से क्या बनाएगा को एंजाइम ए सॉरी को एंजाइम वापस एसिटाल आ जाएगा वापस इन इनकल को रिफिल कर देगा ये रिएक्शन है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया का इन्वॉल्वमेंट होता है क्वेश्चन आया हुआ है कि फॉर्मेशन ऑफ एसिटाल किस साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनिज के थ्रू होता है माइटोकॉन्ड्रिया के थ्रू समझ रहे हो क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ये एंजाइम होता है सीएटी कैट जो स्कोलिन कोलिन और एसिडल को मिलकर के एसिटल को के साथ मिलकर के ठीक है एसिडल कोलिन और को वापस अंदर आ जाएगा और एसिडल कोलिन की रिफिलिंग हो जाएगी यानी रिएक्शन वापस स्टार्ट हो जाएगी ठीक है अब यहां तक बताओ कोई डाउट यहां तक कोई डाउट डाउट नहीं है तो बस सी एटी कैट कोलिन एसिटाइल ट्रांसफरेज यहां तक कोई डाउट नहीं तो एक बार आग लगा दो एक गुट पानी पी लूं, कोई डाउट नहीं तो एक बार आग लगा दूं। तो। सर लोको हाँ लोकोमोशन वाले कॉन्सेप्ट है वही क्योंकि वहां भी तो भाई न्यूरो थे सेम यहां पर मैकेजमड्रॉन है तो वहां पर मसल थे से, सेम वही ठीक है वापस आते हैं तो यहां तक एकदम क्लियर है मान के चलता हूं दीपक सर ट्वेंटी फोर बैच कब आएगा ऐसे बच्चे भी होते हैं जो एक बार बताने के बाद भी बार 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 बोलते रहते हैं चलो खैर बोलते रहो एक बार मैं अपनी तरफ से पूरा तरीके से बता देता हूँ एनिमल किंगडम कब स्टार्ट होगा होगा अरे मेरे भाइयों मेरे बेटा देख लो एक बार प्लानर भी देख लिया करो ठीक है प्लानर अपलोड कर दिया है उस प्लानर के अकॉर्डिंग ह्यूमन फिजियो के तीन चैप्टर बचे हैं इसके बाद एनिमल किंगडम हो जाएगा है ना चलो वापस आते हैं अब मान लो ये तो एक्साइटेडरीप्टिक पोटेंशियल है ऐसे एक होता है इनिबिट्रीप्टिक पोटेंशियल ठीक है सिग्नल को रोकना हो तो क्या करोगे तो क्या होता है कैसे काम करते हैं ठीक है जैसे मान लो सब कुछ वैसे मैकेटर है।, है जैसे गावा डोपामाइन स्टेरो ग्लाइसिन ये क्या काम करते हैं ये सीधे समझना ये क्या करते हैं है। ये सोडियम चैनल 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 से से बाइंड बाइंड नहीं करते, ये करते ये ये क्लोराइड क्लोराइड हैं। तब ये चार्ज प्रोटीन तो पहले थी ये भी अंदर आ गए और निगेटिव निगेटिव मिलकर के क्या कर देंगे हाइपर पोलराइजेशन डीपोलशन नहीं होगा हाइपर पोलराइजेशन और हाइपर पोलशन होने का मतलब कंडक्शन नहीं होगा

क्लोराइड लिकेन गेटेड चैनल से बाइंड होते हैं ये डीपोल करते हैं तो ये सारे सारे हाइपर पोलराइजेशन करते हैं ये खत्म हुआ आपका पूरा का पूरा कंडक्शन ऑफ नर्व इंपल्स यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ कोई भी डाउट है तो यहां तक मुझे बताओ हां नीरज बेटा टेंशन मत करो बिल्कुल अवॉइड मैं वैसे भी अवॉइड करता हूं आंखें खराब हो चुकी है नहीं दिखता पर फिर भी देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा रो ट्रांसमीटर पर क्वेश्चन आया है पीवाई क्यू में यस आया है यहां तक तो कोई भी डाउट साउट है तो बताओ मुझे नहीं आगे बढ़ते हैं एनसीआरटी का डायग्राम आप समझ ही रहे होंगे एक्सॉन एक्जोन टर्मिनल एक्सॉन सेनेप्टिक वेसाइकल्स प्री सेनेप्टिक मेम्ब्रेन तो ये वाली क्या होगी पोस्ट पोस्टनेप्टिक मेम्ब्रेन ये पोस्ट पोस्टनेप्टिक मेम्ब्रेन और दोनों के बीच में जो गैप होता है इसको बोलते हैं और तीनों के मिलने से का फॉर्मेशन होता है पोस्ट मेम्ब्रेन पर रिसेप्टर्स लगे होते हैं ठीक है और दोनों के बीच में जो भरा हुआ मेटेरियल दिख रहा है ना इसको न्यूरो ट्रांसमीटर्स बोलते हैं मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा इसके अंदर अब आ जाओ सेंट्रल न्यूरो सिस्टम ठीक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो पहला पैरा दे रखा है एनसीआरटी ने इसने सिर्फ कवरिंग ऑफ न्यूरॉन के बारे में बात किया है कवरिंग ऑफ न्यूरॉन के बारे में देख लें एक बार फिर आगे बढ़ते हैं आप पढ़ाइए सर बेटा पढ़ाई तो रहे हैं <laughs> सर व्हाट इज द सनेप्टिक क्लिफ्ट सनेप्टिक क्लिफ्ट का मतलब होता है गैप बिटवीन टू एक्साइटेबल सेल दो एक्साप्टेबल सेल के बीच का जो गैप होता है उसको इसको स्नेप्टिकलफ्ट बोलते हैं जो स्नेप्सिस करता है स्नेप्सिस का मतलब है पेयरिंग ठीक है सर ये इंपॉर्टेंट है यस वेरी इंपॉर्टेंट है ठीक है मैं फालतू की चीजें नहीं कराऊंगा इस समय ठीक है इस समय मेरी प्रायोरिटी यही है कि आपको वो चीज मिले जो काम की है कचरा मैं बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा ठीक है ये ध्यान रखना बिल्कुल इंपॉर्टेंट है दिमाग में छप गया बस यही चाहिए मुझे दिमाग में ही छापना है तो सबसे पहले हम करते हैं बात कवरिंग ऑफ ब्रेन तो ब्रेन हम सेंट्रल सिस्टम पर आ रहे हैं ठीक है शायद उससे पहले ही छह बजे करेंगे समझाऊंगा पूरा याद कराऊंगा एकदम दिमाग में छापना है ठीक है अगर बच्चे ने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा मैं उसका बैकलॉग भी कवर कराना चाहता हूं ठीक है तो पूरी दम इसलिए लगाता हूं कि जिसको रिविजन करना है रिविजन हो जाए जिसका बैकलॉग आ गया वो पूरा कवर हो जाए ठीक है अब हर चैप्टर हार्डली ढाई से तीन घंटे से ऊपर नहीं जाएगा हार्डली ठीक है चाहे वो कितना भी बड़ा चैप्टर उससे ऊपर क्लास नहीं जाएगी क्लास टाइम फिक्स कर दिया है हमने ठीक है तीन घंटा से साढ़े तीन घंटा मैक्सिमम ठीक है समझे आ जाओ चलो कवरिंग की बात कर रहे हैं सबसे ऊपर जो एक लेयर दिख रही है ना इसको स्कैल बोलते हैं स्किन जिस पर आपके बाल होते हैं ठीक है दिख रहे हैं आपको फिर एक वाइट कलर की लेयर दिख रही है वाइट कलर की वो स्कल बोन है बोन बोन वो है ठीक है हड्डी क्रेनियम ब्रेन बॉक्स अब उसके नीचे जा रहे हैं हम नीचे अब आपको ब्रेन की लेयर्स दिखेंगी ग्रीन कलर से दिखा रहा हूं मैं सबसे पहले ग्रीन कलर भी यूज कर रहा हूं वही ग्रीन इसके बाद आपकी एक येलो कलर की लेयर आएगी येलो फिर एक व्हाइट कलर की लेयर आएगी आपकी व्हाइट कलर की लेयर ये व्हाइट लेयर तो तीन लेयर होती हैं जिसको हम कवरिंग ऑफ ब्रेन बोलते हैं जो ग्रीन कलर की लेयर दिख रही है डबल लेयर उसको ड्यूरा ड्यूरा मैटर बोलते हैं जो येलो कलर की लेयर दिख रही है येलो कलर की उसको इड अरिखनोइड लेयर बोलते हैं जो सबसे नीचे व्हाइट कलर की लेयर दिख रही है उसको पिया मैटर बोलते हैं तीन लेयर होती हैं अगर ड्यूरा मैटर की बात करता हूं तो समझना इट इज अ आउटर आउटर लेयर है फाइब्रस होती है वेस्कुलर होती है ए वेस्कुलर हार्ड होती है फाइब्रस ए वेस्कुलर अरेकोनॉइड येलो की लेयर की बात करता हूं ठीक है तो अरेकोनॉइड है जो मिडिल लेयर है मिडिल ठीक है हाईली वेस्कुलर होती है वेस्कुलर होती है प्रेजेंट ओनली इन मैमल्स ओनली मैमल्स में देखने को मिलती है सबसे नीचे की जो लेयर दिख रही है ना इसपे एक ही क्वेश्चन बनता है सबसे थिन होती है अटैच विथ अटैच विथ किससे अटैच होती है ब्रेन सरीभ्रम ये सबसे अंदर की है इनर है ठीक है कैसी लेयर है इनर लेयर है इनर इनर लेयर है जो थिन होती है अटैच विथ सेरिब्रम सेरिब्रम से जुड़ी हुई होती है नीचे सेरिब्रम है सेरिब्रम समझ में आया नहीं आया तो यह तीन लेयर पे आपको ध्यान रखना है एक बात तो ध्यान रखनी है यहां इन दोनों लेयर के बीच में जो ब्लड वेसल दिख रहे हाइली वेस्कुलर है इस स्पेस को क्या बोलते हैं जो अरेक्नॉइड के ठीक नीचे होता है सब अरेक्नॉइड स्पेस सब अरेक्नॉइड अरेक्नॉइड के नीचे किसी भी चीज के नीचे की वाली जगह को हम सब अरेक्नॉइड बोलते हैं सब अरेक्नॉइड स्पेस अरेक्नॉइड के ठीक नीचे सब अरेक्नॉइड स्पेस प्रेजेंट बिटवीन किस, किस के बीच में होता है सब अरेकनॉइड अरेक्नोइट एंड पीएम एटर इसके अंदर वो क्या होता है होता क्या इसके अंदर प्रेजेंट सी एस एफ क्वेश्चन पूछे जाता है कि सीएसएफ कहां भरा हुआ होता है जो डॉट डॉट से दिखा रखा है ना ये सी एस एफ है सी एस एफ कहां भरा हुआ होता है सी एस एफ सैरिब्रोस्पाइनल फ्लू आप बोलोगे सब अरिक्नोइड स्पेस या कह सकते हो बिटवीन अरिक्नॉइड और पिया मैटर ठीक है ये क्वेश्चन बनता है ये ध्यान रखना है तीनों लेयर मैंने बता ही दिए ड्यूरा अरिक्नॉयड पिया ड्यूरा मैटर मेमस में मिलता है पिया मैटर अटैच विद सेब्रम ये दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ए कौन सा होता है ड्यूरा मैटर ऐसे याद रख सकते हो ऐसे याद रख सकते हो ब्रेन के जो दूर है ब्रेन से जो दूर है ड्यूरा ब्रेन के जो पास है पिया ठीक है ब्रेन के जो पास है वो पिया मैटर है और ब्रेन के जो दूर है वो ड्यूरा मैटर है समझे आई या नहीं आई हां बेटा सी एस एफ सेपाइनल फ्लूड ड्यूरा ब्रेन के दूर ड्यूरा ब्रेन के पास पिया बीच में अरिखनोइट आई या नहीं आई हां बेटा आप कोई यहां तक क्लियर है तो एक बार लगा दो एक बार लगा दो यहां तक क्लियर है तो लगा दो स्पाइनल फ्लूड सर क्वेश्चन बीच बीच में आ जाएंगे क्वेश्चन एक्चुअल में मैं सेशन को शॉर्ट करना चाह रहा हूं छोटा वो तब होगा क्वेश्चन सीरीज ब्रह्मास्त्र में स्टार्ट कर दिए हमने यहां कुछ टॉपिक्स रिलेटेड क्वेश्चन हम साथ में डालेंगे डिटेल्ड क्वेश्चन हम ब्रह्मास्त्र में लेंगे ठीक है चलो बहुत सही बहुत सही सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही करा रहे हैं ब्रह्मास्त्र में सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही मिलेंगे आपको एनसीआर लाइन टू लाइन फोकस्ड कर रहे हैं ठीक है एनसीआरटी लाइन टू लाइन चलो ठीक है बहुत बढ़िया सुपर 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 आगे बढ़ते हैं अब ये समरी और ब्रेन है जो अक्सर कर मैं कराता हूं पूरे ब्रेन को समराइज कर दिया एक बार में यही याद कराऊंगा पूरा ब्रेन अब ध्यान से देखो पूरा ब्रेन यही याद कराएंगे एक बार में समरी है पूरी ब्रेन की ब्रेन को तीन पार्टों में डिवाइड किया है फोर ब्रेन मिड ब्रेन फोर ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन समझना ब्रेन मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन समझ समझो मेरी बात ये मैं नॉर्मल रूटीन क्लास में कराता ओरिजिन मतलब किस से प्रोजिन सिफिलॉन मिड ब्रेन मीजन सिफिलोन हाइंड ब्रेन रोमबिन सिफ्लॉन आगे वाला फोर ब्रेन होता है फिर उसके नीचे होता है मिड ब्रेन और सबसे नीचे अंदर जो होता है वो हाइंड ब्रेन होता है हाइंड ब्रेन तो फोर ब्रेन और, ब्रेन, मीजन और ब्रेन, जब का फॉर्मेशन होता है तो ब्रेन में तीन लोब्स बनते हैं प्रोजिन सिफ्लॉन से फोर ब्रेन बनता है, मीजन से से बनता है और रोमबिन से, से हाइंड ब्रेन बनता है इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट शाउट है तो मुझे बताओ यहां तक कोई डाउट नहीं, क्रिस्टल क्लियर चलो आगे बात करते हैं आगे बात करते हैं अब मैं बात करूंगा कि फोर ब्रेन से भी दो लोब बनते हैं आगे जाकर के समझना फोर ब्रेन सॉरी प्रोमिन से फलोन से दो लोब बनते हैं एक ऊपर एक नीचे एक को बोलते हैं टीलन से फलोन एक को बोलते हैं डाइन से फलोन ऐसे मिड ब्रेन से कोई लोब नहीं बनता मैं समझा दूं, ऐसे इस तरीके से समझो जब एम्ब्रे होता है एम्ब्रोनिक स्टेज एम्ब्रियो एम्ब्रो नेक्स्ट स्टेज में यह आपका ब्रेन का एक लोब होता है इससे तीन लोब बनेंगे प्रोजिन सिफ्लॉन मीजन सिफलॉन रोमबिनिफलॉन प्रोजिन सिफ्लॉन मीजिन रोमिन सिफ्लॉन जब एम्ब्रियो बढ़ रहा है फिर मीजन सिफ्लॉन जैसा है वैसा ही रहेगा मीजन सिफ्लॉन में कोई चेंज नहीं आया पर प्रोजिन सिफलॉन से फिर दो लोब बन जाएंगे ऐसे ही रोमबिन सिफ्लॉन से भी दो लोब बन जाएंगे ऐसे ऐसे फॉर्मेशन होता है ठीक है एक टीलिन सिफ्लॉन बन गया और एक डाइन सिफिलोन बन गया ये प्रोजिन से दो बने मिजन में कोई चेंज नहीं हुआ समझ रहे हो ऐसे ही रोमिन सिफ्लॉन से भी दो लोग बने माइलिन सिफ्लॉन और से सिफ्लॉन माइलिन सिफलॉन और से सिफ्लॉन इससे भी दो लोग बन गए अब यहां से ब्रेन का फॉर्मेशन होगा कि टीलिन से क्या क्या बनता है क्या क्या बनता है डाइन से क्या क्या बनता है क्वेश्चन आएंगे से क्या क्या बनता है मालीन सिफ्लॉन से क्या बनता है और मैटिन से क्या बनता है ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है इस तरीके से ठीक है चलो वापस आ रहा हूं तो आपको क्या ध्यान रखना है टीलन सेफलॉन टीला सबसे ऊपर टीलन से सेरिब्रम बनता है इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन ऑल फैक्ट्री लोब्स बनते हैं स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं हिपो और एमेक बनते हैं चार चीजें याद रखनी है आपको

थैलेमस के ऊपर थैला एपिथैलेमस के नीचे थैला हाइपोथैलेमस तो थैलेमस एपिथैलेमस और हाइपोथैलेमस फिर से बोल रहा हूं थैलेमस के ऊपर एपिथैलेमस थैलेमस के नीचे हाइपोथैलेमस ये फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है समझ में आ गया डायनसेफेलोन तो डायनसेफेलोन एपिथैलेमस हाइपोथैलेमस और थैलेमस को बनाने के लिए रिस्पांसिबल होता है फिनिश ये चार बातें आपको याद रखनी है ठीक है वही मैंने लिख दिया अब इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है इन सब में वो कौन है जिसको इमोशनल ब्रेन बोलते हैं लिंबिक सिस्टम इमोशनल ब्रेन कौन है इमोशनल ब्रेन आपका लिंबिक सिस्टम समझ रहे हो तो आप बोलोगे सर हैट ऑफ हिप हिप्प की हेट एक्चुअल में आपका इमोशनल ब्रेन है क्लियर बिल्कुल हिप्पो की हैट एक्चुअल में आपका इमोशनल ब्रेन है जो आपकी इमोशन के लिए स्पॉन्सर होता है आपका फेयर आपका एंगर ठीक है आपका एक्साइटमेंट समझ रहे हो ना मेरी बात आपका प्लेजर आपका इमोशन इन सब के लिए कौन स्पॉन्सर होता है आपका लिम्बिक सिस्टम समझ रहे हो ना मेरी बात तो सारे लिम्बिक सिस्टम लिम्बिक सिस्टम मतलब इमोशनल ब्रेन हिप्पो कैंपस एमेक्डेला थैलेमस और हाइपोथैलेमस इन चारों के मिलने से बनता है आपका लिंबिक सिस्टम ऐसे याद रखो हेट ऑफ हिप्पो एच ए टीट ऑफ हिप्पो हिप्पो यानी हाइपोथैलेमस इन चारों के मिलने से क्या बनता है आपका लिंबिक सिस्टम ठीक है चलो ये वाली बात क्लियर हो गई अब मिड ब्रेन के अंदर कॉर्पोरा क्वाड्री क्वाड्री चार डॉर्सल साइड पर होते हैं NCRT में दे रखा है क्वेश्चन आता है। दो ऊपर होते हैं सुपीरियर कॉलिकुली दो नीचे होते हैं कॉलिकुली चार होंगे ऑडिटरी टू टू रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स समझ रहे हो विजुअल का मतलब जैसे आप जा रहे हो अचानक से लाइट आई तो मूवमेंट ऑफ नेक मसल अचानक से आपने मुड़के देखा कहां से लाइट आई बिना सोचे समझे मुड़के देखा कहां से लाइट आई ठीक है तो मूवमेंट ऑफ नेट नेक मसल फॉर विजन अचानक से जो नेक मसल्स का मूवमेंट कर रहे हो देखने के लिए वो विजुअल रिफ्लेक्स है सुनने के लिए जो अचानक से आपने मूवमेंट किया वो ऑडिटरी रिफ्लेक्स है ठीक है तो विजुअल रिफ्लेक्स इज अ मूवमेंट ऑफ नेक मसल फॉर विजन मूवमेंट ऑफ नेक मसल फॉर ऑडिटरी इसको ऑडिटरी रिफ्लेक्स बोलते हैं क्लियर है बिल्कुल विजुअल रिफ्लेक्स ऑडिटरी रिफ्लेक्स क्लियर है बिल्कुल हाइंड ब्रेन रोमबिन से इसमें दो बात मालिन और मैटिन मालिन में एक ध्यान रखना है आपको एमओ और मैटिन में आती है दो चीजें पोन्स और सैरी बैलम यह पूरा ब्रेन आपका आपके ब्रेन में सेट होना चाहिए यस या नो <laughs> यहां तक कोई डाउट है तो बताओ बेटा पूरी कोशिश एक ही है बस एक ही कोशिश है आपके चारों सब्जेक्ट खतरनाक लेवल के हो चाहे वो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो जूलॉजी हो या बॉटनी हो चारों में सेकंड थॉट क्रिएट ही ना हो आपको समझ रहे हो ना चारों में कहीं कोई दिक्कत नहीं आने देंगे कहीं कोई दिक्कत मतलब ही नहीं है यार मतलब ही नहीं है समझ रहे हो ना सेकंड थॉट क्रिएट ही नहीं होगा चाहे आप कुछ भी करो मतलब आने नहीं देंगे पक्की बात है हाँ बिल्कुल यहां तक कोई डाउट सर आप टाइट लग रहे हो और टाइट थोड़ा बहुत लगातार लेक्चर हो जाते हैं ना एक सुबह लेक्चर फिर शाम को लेक्चर फिर और चीजें पर टेंशन मत करो धीरे धीरे टाइटनेस में कम कर रहा हूं ठीक है एक्चुअल में वो टाइटनेस का एक ही कारण होता है नेगेटिव कमेंट्स मैसे, नेगेटिव मैसेज नेगेटिविटी जो इतनी क्रिएट कर दी लोगों ने ठीक है उसकी वजह से टाइडनेस आ जाती है उसकी वजह से कहीं ना कहीं बहुत क्योंकि लाइफ में पहली बार ऐसा केस हुआ ठीक है इतनी नेगेटिविटी इतनी चीज़ें क्योंकि और भी जगह से कभी आकाश में भी था एक समय पे मैं ठीक है आकाश से मूव करके मैं आ, कोटा आया था कोई दिक्कत नहीं थी किसी को भी सब चीज़ें सही थी इतनी तो फ्रीडम इंसान को होती है ना ठीक है तरीके से आप जाओ तरीके चीज़ें करो फिर निगेटिविटी किस बात की किसी का नुकसान नहीं किया समझ रहे हो किसी को नुकसान नहीं पहुंचा किसी का एक पैसा नहीं मारा ना बच्चों का ना किसी सिस्टम का सबके अपना दे करके छोड़ रहे हैं फिर निगेटिविटी किस बात की मैं समझ ही नहीं पाता बच्चे तो चलो नहीं समझते हैं भोले होते हैं ठीक है वही होती है ना वो पहले वो मैंने एक दिन सुन रहा था वो जर्नलिस्ट पूछ रहे थे लोग नारा लगा रहे थे बहुत सारे ठीक है कौन सा आंदोलन था कि ये आंदोलन आंदोलन इसके मतलब नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे थे कि इसको हटाओ ये हटाओ वो क्या था वो एक लागू किया था बीजेपी ने ठीक है तो जनष ने पूछा भाई क्या है आप किसको हटाने की बात कर रहे हो इसका मतलब समझते हो नहीं पता भाग गए वो पर पता ही नहीं है है क्या बस हम नारा लगाएंगे समझ रहे हो ना वही चीज होती है लोग इसे कहते हैं ना कि बस फॉलोअर्स हैं ठीक है मैंने कह दिया कि ऐसा वो गलत है वो सही है तो अपना दिमाग तो कोई लगाता नहीं है कि सही गलत का मतलब क्या हो क्या रहा ये नहीं पता लोगों को बस बस एक ने बोल दिया तो नारा लगाने में लग गई ठीक है पता ही नहीं है वो क्या रहा है मतलब चल रहा है ठीक है खैर मेरी खैर मेरा तो पहला लाइफ में पहला इस है एक्सपीरियंस या सब देख रहा हूँ मैं इसकी वजह से टाइडनेस लगेगी ठीक है वैसे टाइडनेस नहीं है आप लोगों को पढ़ाता रहूँगा टाइडनेस सारी खत्म हो जाएगी मेरी टाइडनेस सिर्फ पढ़ाने से जाती है जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगा वैसे वैसे शायद चीज़ें खत्म होंगी ठीक है यहाँ तक कोई डाउट नहीं है तो मुझे बस बता दो हाँ सर नो डाउट यस या नो यार नो no डाउट लिखो अगर कोई डाउट नहीं है तो नो no डाउट नहीं इग्नोर कर दिया मैंने सारा इग्नोर कर दिया ठीक है बस इतना जानता हूं कि इग्नोर नहीं करेंगे तो कब तक हम इन चीजों को लेते रहेंगे ठीक है दुनिया है कहती रहेगी चलो अब देखो दो तीन में एनसीआर ठीक है डायग्राम आपको रिप्रेजेंट कर रहा हूं ठीक है अभी तुम्हें राह पकड़ तू एक चला चल बस राह पकड़ो अपना चलते चलो ठीक है दुनिया है कौन क्या किस किस क्या कहेंगे वापस आओ ये डायग्राम आएगा इस तरीके से ठीक है और ऐसा डायग्राम आएगा तो आप कैसे रिप्रेजेंट करोगे कैसे रिप्रेजेंट करोगे जरा बताओ ठीक है क्वेश्चन कैसे आएगा समझने की कोशिश करने पड़ेगी ये जो दिख रहा है ना आपको गारे सलकस ये सेरी है ठीक है किसका पार्ट है फोर ब्रेन का पार्ट है अभी बताया फोर ब्रेन में सेरिब्रम आता है फोर ब्रेन में थैलेमस आता है और फोर ब्रेन में हाइपोथैलेमस भी आता है ये सारा पार्ट फोर ब्रेन का है ठीक है जिसमें ये टिलिन सेफलॉन का है ये डाइन सेफलॉन का पार्ट है अभी बताया मैंने ये ये मत भूल जाना ये तो थैलेमस हो गया और पीछे वाला मिड ब्रेन हो गया और बीच वाला ये हाइपोथैलेमस हो गया जिससे पिट्यूटरी हैंग कर रही है ठीक है ये वाला पार्ट मिड ब्रेन हो गया ये मिड ब्रेन हो गया और मिड ब्रेन के बाद कहानी चालू होगी हाइंड ब्रेन की ठीक है और दोनों को जोड़ने के लिए एक नर्वस टिश्यू होते हैं इसको कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं ऊपर हैमीस्फियर है सर हेमीस्फियर आप जानते ही हो ठीक है अब क्वेश्चन सारे बनते हैं हाइंड ब्रेन से हाइंड ब्रेन में ये जो दिख रहा है ना उठा हुआ पार्ट ये पोन्स है फिर नीचे वाला पार्ट दिख रहा है ये मेडुला ऑबलोंग गेटा है ठीक है और यो ये दिख रहे हैं ना बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर ये सैरी बैलम है और यहां पर एक डक्ट होती है एक्यूडक्ट ऑफ साल्वियस या एटर या acuduct, ये मिड ब्रेन का पार्ट है मिड ब्रेन ठीक है और क्लियर है और हाइंड ब्रेन ये मिड ब्रेन हो गया हाइंड ब्रेन की अगर बात करते हैं तो हाइंड ब्रेन में तीनों आ जाएंगे सेरिबेलम और मेडोलॉबलमेटा med फिर स्पाइनल कॉर्ड आगे नीचे स्पाइन कोड आगे तो डायग्राम आपको समझ में आना चाहिए फिर आप सारे क्वेश्चन कर पाओगे जैसे मैं क्वेश्चन भी देता हूँ आपको उससे आपको आइडिया लगेगा जैसे क्वेश्चन ऐसे आएगा इन अ गिविंग डायग्राम आइडेंटिफाई ए अब ए को आइडेंटिफाई करो क्या बताया था ए मैंने जो उठा हुआ पार्ट है वो क्या है जरा बताओ क्या है पोन्स उठा हुआ पार्ट है वो क्या है पोन्स ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको डायरेक्टली एनसीईआरटी बेस्ड समझ रहे हो आगे चलते हैं जैसे विच ऑफ द लेबिल्ड स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन नॉन मैमेलियन ब्रेन ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है जो मैमल्स में ही पाया जाता है नॉन मैमेलियन जो मैमल्स नहीं है उसमें देखने को नहीं मिलेगा समझने की बात करना तो अगर मैं बात करूं डायग्राम की तो कॉर्पस कैलोसम डायग्राम में दिखाता हूं कॉर्पस कैलोसम ओनली प्रेजेंट इन मैमिलियन ब्रेन प्रेजेंट इन मैमेलियन ब्रेन मैमिलियन ब्रेन तो कॉर्पस कैलोसम ढूंढो इसमें कहा है जो मेमिलियन ब्रेन में देखने को मिलता है तो यह रहा कॉर्पस कैलोसम बी वाला पार्ट बी ढूंढो बी है यस फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा कॉर्पस कैलोसम विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एबसेंट इन नॉन मेमिलियन ब्रेन तो यह नॉन मेमिलियन ब्रेन में एबसेंट होगा बी ये तो पार्ट खत्म हो गया ना ये ब्रेन का स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर से रिलेटेड जो भी पार्ट आएंगे ठीक है समझ रहे हो ना यहां तक समझ में आया नहीं आया आया तो एक बार आग लगा दो आ गया तो एक बार आग लगा दो स्पीड इंक्रीज हाँ वो तो हो ही रही है बेटा इतना तो देखो <laughs> दो तीन चीजें होती हैं ठीक है एक सिंगल बच्चे के हिसाब से चीज़ें नहीं चलती हैं ठीक है क्योंकि तो यहाँ कई बच्चे ऐसे भी हैं जिनका बैकलॉग आया हुआ है तो मैं उनको भी ध्यान में रख रहा हूँ ठीक है और जिनका रिवीजन है उनको भी ध्यान में रख रहा हूँ मुझे बैलेंस करके चलना पड़ेगा ठीक है तो मेरी प्रायोरिटी हर बच्चा है और बैलेंस करके चलना पड़ेगा ठीक है बिल्कुल सही बढ़िया अब हम बात करते हैं एक एक ब्रेन को लेकर चलेंगे पहला फोर ब्रेन लेंगे फिर मिड ब्रेन लेंगे फिर हाइंड ब्रेन जैसे तो जो आपको फ्लो डायग्राम कराया ना उसमें टोटल ब्रेन ऑलरेडी इंक्लूड है टोटल ब्रेन ऑलरेडी इंक्लूड है समझ रहे हो ना जो डायग्राम कराया है फ्लो डायग्राम उसमें सारा सीआरटी कवर कर दी है फिर भी हम एक बार बताएंगे ठीक है जैसे फोर ब्रेन किससे मिलके बना होता है ब्रेन में सेरिब्रम होता है थैलेमस होता है हाइपोथैलेमस होता है ठीक है हमने बता दिया सेरिब्रम फॉर्म द मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन भाई सबसे बड़ा पार्ट सेरिब्रम ही होता है डीप क्लफ डिवाइडेड द सेरिब्रम लोंगिट्यूडिनली इनटू टू हाफ भाई सेरिब्रम के अंदर देखोगे तो आधा सेरिब्रम ऐसे होगा और आधा सेरिब्रम ऐसे होगा ऐसे समझ रहे हो तो एक डीप ग्रूव होगी ठीक है दरार जो सेरिब्रम को दो पार्ट में डिवाइड करेगी और आधे पार्ट को बोलते हैं और दूसरे आधे को भी क्या बोलते हैं और दोनों को जोड़ने के लिए बीच में एक नर्वस टिश्यू होंगे उसको बोलते हैं कॉर्पस कैलोसम इट इज अ थिक बंडल ऑफ न्यूरोन विच कनेक्ट बोथ हेमी स्पेयर कनेक्ट भी करता है और इनके बीच में कोऑर्डिनेशन भी कराता है कनेक्शन एंड कोऑर्डिनेशन दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है द लेयर सेल विच द लेयर ऑफ द सेल विच कवर द सेरिब्रल हेमोस्फियर इज कॉल्ड सेरिबल कॉटेक्स बाहर जो फोल्डेड लेयर होती है ना इसको सेरिबल कॉटेक्स बोलते हैं सेरिब्रल कॉटेक्स बोलते हैं एंड थ्रो इन टू प्रोमिनेंट फोल्ड जिसमें प्रोमिनेंट फोल्ड बनते हैं द सेब्रल कॉटेक्स इज रेफर टू एस ग्रे मैटर ये ध्यान रखना पड़ेगा जो कॉटेक्स होती है हमारा बाहर वाला पार्ट क्या है कॉटेक्स है अंदर वाला पार्ट मेडुला है टेक्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहां पर साइटोन के गुच्छे होंगे जहां पर साइटोन के गुच्छे होंगे वो ग्रे मैटर है होंगे होंगे वो मैटर है तो अंदर वाला पार्ट व्हाइट बाहर वाला पार्ट ग्रे होगा ग्रे एंड व्हाइट व्हाइट क्यों क्योंकि यहां पर मालिनेटेड एक्सोन के बंडल्स होंगे यहां पर साइटोन के बंडल्स हैं तो ग्रे इसलिए ग्रे और व्हाइट तम में डिवाइड किया है द सेरिब्रल कॉर्टेक्स कंटेन मोटर अब आ जाओ उसको मैंने लिख दिया पूरा जैसे कॉर्पस कैलोसम थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन्स इस तरीके के स्ट्रक्चर बना रखा है हमने कॉर्पस कैलोसम का भी दिखाया बना करके ऐसा ऐसा ठीक है इस तरीके से बना हुआ है इसके तीन पार्ट होते हैं आगे वाले पार्ट को जिन्नू बोलते हैं पीछे वाले पार्ट को ियम बीच वाले पार्ट को बॉडी बोल दो ठीक है ये एंटीरियर है ये पोस्टीरियर है बस ये ध्यान रखो थिक बंडल ऑफ न्यूरॉन विच कोऑर्डिनेट बिटवीन बोथ हेमीस्पियर प्रेजेंट ओनली इन मेमिलियन ब्रेन इसी को कॉर्पस कैलोसम बोलते हैं अब आधे हेमिस की बात कर रहा हूं आधा हेमीस्फेयर आधा हेमीस्फेर इधर का है आधा इधर का है ठीक है दो हेमी माने आधा माने आधा आधा इधर का है और आधा आधाफियर इधर का है तो आधा आधाफेयर आधा तो फुल होगा समझने की कोशिश करना समझने की कोशिश करना ट्रंक भी बोल सकते हो बॉडी भी बोल सकते हो बिल्कुल एक ही बात है मिडिल वाले पार्ट को ट्रंक या बॉडी बोलते हैं बॉडी भी बोल सकते हो ट्रंक भी बोल सकते हो कहा गया भाई क्वेश्चन आता है ठीक है फ्रंटल पराइटल टेम्पोरल ऑस्पिटल समझ रहे हो तो एक हेमिसफेयर को निकाल लेते हैं ओनली सिंगल हेमीस्फेयर को निकालेंगे ठीक है सिंगल हेमीस्फेयर को निकाल के सामने रख दिया मैंने इसका एक पार्ट फ्रंटल है पराइटल टेम्पोरल ऑस्पिटल है समझ रहे हो अगर फ्रंटल लोब की बात करते हैं इसके फंक्शन क्या होंगे फ्रंटल सबसे इंपोर्टेंट लोब फ्रंटल होता है मैं के बच्चों से एक चीज समझाता हूं कि रात में प्रभु आपके ब्रेन मतलब स्वप्न में आए सपने में आए तो क्या मांगोगे पर टर्म्स एंड कंडीशन लगी हुई है कि आप सिर्फ अपने ब्रेन के एक पार्ट को एक्टिवेट करा सकते हो तो किसको एक्टिवेट कराओगे फ्रंटल लोब कोई फ्रंटल लोब आपको मैजिकल बना देगा या आपकी मेमोरी लर्निंग रीजनिंग क्रिएटिव आइडियाज एटसेट्रा इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल है यहां पर मोटर स्पीच एरिया होता है जिसको ब्रोकास एरिया बोलते हैं मोटर स्पीच एरिया ब्रोकास एरिया समझ रहे हो एक सेंसरी स्पीच एरिया होता है एक मोटर स्पीच एरिया होता है ठीक है मोटर का मतलब जो बोल रहे हो ऐसे याद रखो जो बकवास कर रहे हो वो ब्रोकास है बकवास ब्रोकास याद रहेगा आपको ठीक है टंग जो बकवास ब्रोकास बोट बोकास मतलब मोटर स्पीच एरिया टंग कैसी मसल से स्केलेटल ये मूव कर रही है और न्यूरो मसल जंक्शन में मोटर न्यूरोन होते हैं तो मोटर स्पीच एरिया मतलब ब्रोकास एरिया ठीक है ये तीन बात ध्यान रखनी है मेमोरी लर्निंग रीजनिंग क्रिएटिव आइडिया इन सब के लिए फ्रंटल लोब होता है प्रोकास एरिया है इट इज आल्सो कॉल्ड

लोगों के बीच में जी हो रही है ग्रुप डिस्कशन तो एक ग्रुप बोलता है दूसरा सुनता है फिर दूसरा बोलता है सुनता है तो इसमें कौन से लोग एक्टिवेट होंगे इनके ब्रोकास और वर्निकीज जब ये ग्रुप बोलेगा तो इसका मोटर स्पीच एरिया सुनेगा इसका सेंसरी स्पीच एरिया ये क्वेश्चन पूछा गया है फ्रंटल टेम्पोरल ऑसिपिटल पीछे होता है इसका एक ही काम है विजुअल एरिया क्या है विजुअल विजुअल एरिया तो विजुअल एरिया कौन से होते हैं ऑसिपिटल जबकि पैराइटल एरिया टोटली सेंसरी होता है टच हॉट कोल्ड पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो चारों एरिया के फंक्शन आपको ध्यान रखने हैं कोई तो फंक्शन नहीं है फिर से बोल रहा हूं फ्रंटल एरिया भगवान आएंगे तो क्या फ्रंटल लर्निंग रीजनिंग क्रिएटिव आइडिया इन लिए फ्रंटल ब्रोकाज स्पीच एरिया फ्रंटल टेम्पोरल की बात करते हैं वर्णीज सेंसरी स्पीच एरिया इसके अलावा ऑल फैक्शन और ऑडिटरी के लिए स्पॉन्सिल होता है पीछे वाला विजुअल एरिया एरिया किसके लिए सेंसरी, टच हॉट कोल्ड पेन टच टच हॉट भी हो सकता है टच कोल्ड भी हो सकता है, है. है यहां तक कोई डाउट चारों एरिया क्लियर हो गए अब असली डायग्राम यह है जो एनसीआरटी एकदम परफेक्टली समझाने की कोशिश करती है एनसीआरटी समझाने की कोशिश कर रही है सर कॉटेक्स में तीन टाइप के फंक्शनल एरिया होते हैं यह सेरिबल कॉटेक्स है यह सेरिबल कॉटेक्स है सेरिबल कॉटेक्स है तो सेरिबल कॉटेक्स में तीन फंक्शनल एरिया होते हैं सेंसरी एरिया एसोसिएशन एरिया मोटर एरिया अब समझने की कोशिश करना सेंसरी एरिया का मेन काम क्या होता है समझो मेरी बात ये तीन एरियाज़ हैं सेंसरी एसोसिएशन मोटर कहां पर में ठीक इसके नीचे क्या होता है डाइन सेफेलॉन वाला पार्ट क्या पूरा का पूरा डाइन लिख देता हूं मैं इसको क्या बोलेंगे डाइन सेफलॉन डाइन में तीन चीजें आती हैं क्या क्या आती हैं डाइन सेफेलॉन में एक तो हाइपोथैलेमस, ये तो थैलेमस हो गया थैलेमस एक तो थैलेमस आ गया डाइन में जो डंबल शेप दिख रहे हैं ठीक है इसके अलावा नीचे हाइपोथैलेमस आ गया नीचे हाइपोथैलेमस आ गया मस आ गया और ऊपर एपिथेलेमस आ गया एपीथेलेमस हाइपोथेलेमस और डंबल शेप थैलेमस इनके मिलने से बनता है आपका डाइनसेफलॉन क्या बन गया यहां पर डाइनसेफेलॉन तो डाइनसेफेलॉन का फॉर्मेशन तीनों के मिलने से होता है क्लियर है बिल्कुल तो डाइनसेफेलॉन में हाइपोथेलेमस थैलेमस और एपीथेलेमस होते हैं तो इसमें ध्यान रखना है आपको थैलेमस का आप समझो मेरी बात थैलेमस थैलेमस एक्चुअल में क्या है ज अ रिले सेंटर किसके लिए सेंटर है फॉर सेंसरी एंड मोटर सिग्नल्स सेंसरी और मोटर सिग्नल के लिए ये रिले सेंटर का काम करता है कौन काम करता है रिले सेंटर का काम आप बोलोगे थैलेमस अब समझो मेरी बात ये मेन एरिया क्या है सेरिबल कॉटेक्स सेरिबल कॉटेक्स में सेंसरी एरिया जो होता है ना सेंसरी एरिया ये यह किसते रिस्पॉन्सिबल होगा टच हॉट कोल्ड ठीक है टच हॉट कोल्ड पेन ये सब सेंसरी एरिया देखिए मोटर एरिया की अगर मैं बात करूं तो मोटर एरिया काम क्या होता है मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स जैसे लिम्स एंड टंग मसल्स समझना यह तीन टाइप के एरिया देखने को मिलते हैं हमारी कॉटेक्स में सेंसरी एरिया टच हॉट कोल्ड पेंग्ल्यू स्पॉन्सल होता है मोटर एरिया ठीक है मूवमेंट ऑफ वॉलेंट्री मसल्स लाइक लिम्स और टंग के मसल्स को मूव कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और बीच में होता है एसोसिएशन एरिया जो सबसे बड़ा एरिया है मैक्सिमम एरिया ऑफ कॉटेक्स एसोसिएशन एरिया जिसके मेन फंक्शन क्या है मेमोरी एसोसिएशन बिटवीन सेंसरी इनपुट्स और कम्युनिकेशन इन सबके लिए यही पार्ट है मेन पार्ट यही है और यह पार्ट सेंसरी के संग भी कम्युनिकेट करता है मोटर के संग भी कम्युनिकेट करता है मेन एरिया यही है ठीक है अब इस एरिया के अंदर कोई भी सिग्नल जाएगा या यहां से कोई भी सिग्नल बाहर आएगा इन सब के लिए नीचे बैठा है गेट कीपर रिले सेंटर गेट कीपर कौन गेट कीपर है थैलेमस थैलेमस वा गेट कीपर है ये डिसाइड करेंगे किस सेंसरी एरिया को यहाँ अंदर भेजना है फिर इनके बीच में एसोसिएशन होगा किस मोटर एरिया को वापस बॉडी में भेजना है ये डिसीजन ये गेट कीपर करता है थैलेमस करता है थैलेमस इज अ लार्जेस्ट पार्ट ऑफ डाइनसेफेलॉन जो डंबल शेप होता है जो गेट कीपर रिले सेंटर का काम करता है फॉर सेंसरी एंड मोटर इनपुट्स समझ में आया है, नहीं आया यानी ब्रेन के अंदर कोई भी सिग्नल जाएगा तो सेंसरी सिग्नल परमिशन लेगा इस गेटकीपर से जो डाइन सेफेलॉन का पार्ट है थैलेमस फिर सेंसरी एसोसिएशन एसोसिएशन मेमोरी सब में काम आएगा फाइनल मोटर या कोई भी सिग्नल आएगा मोटर नीरोन के थ्रू तो यही डिसाइड करेगा किसको भेजना है जो हाइपोथैलेमस है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड की तरह भी बिहेव करता है आप जानते हो ठीक है और ब्रेन का पार्ट भी है इनवॉल एक्शन को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस कंट्रोल एक्शन इनवॉलेंट्री एक्शन को कंट्रोल करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है समझ में आया नहीं आया का कोई एस सच रोल नहीं होता बस एपिथैलमस एक ग्लैंड से जुड़ा होता है इसको बोलते हैं पीनियल ग्लैंड जो मैं हॉर्मोन वाले चैप्टर में कराने वाला हूं ठीक है हाँ ऑर्गन में आएगा यहां तक कोई डाउट आज बॉटनी कैसे बॉटनी क्या लग गया क्या रिकॉर्डेड बॉटनी नहीं बेटा जोलॉजी होगी या हो सकता है सर ने रिकॉर्डेड एक डाल दिया हो मेटा थैलेमस में का खो हो गए यार तुम तीन ही याद रख लो कब सफिशेंट है तुम्हारे लिए यहाँ तक कोई डाउट शाउट है डाउट नहीं है तो लगा दो एक तेजी से आग डाउट नहीं है तो तेजी से आग लगाओ एंड पर आने वाले हैं सर ने रिकॉर्डेड दी है ओके रिकॉर्डेड क्लास रात में देख लेना अभी यहां डटे रहो थोड़ा सा ठीक है रिकॉर्डेड लेक्चर बाद में देख लेना ठीक है पहले लाइव पूरा कर लो

हाइपोथैलेमस पूरा मैंने करा दिया अब आ जाओ मिड ब्रेन मिड ब्रेन में करा चुका हूं कॉरपुरा क्वाड्री जेमना मैंने करा दिया ठीक है और सेब एक्यूडक्ट ये दो बातें मैंने उस मेन डायग्राम में ही लिखा दी हैं कंप्लीट है उसके अंदर हाइंड ब्रेन हाइंड ब्रेन में आता है पोन्स सेरिबेलम और मेडुला ऑबलोंग गेटा आ जाओ पहले मैं सेरिबेलम की बात करूं सेरिबेलम इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ अवर ब्रेन बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर होता है जैसे वहां सेरिब्रम में दो हेमीस्फेयर थे तो यहां पर भी हाफ हाफ सेरिब्रल हेमीस्फेयर होते हैं ठीक है ये ये भी एक सेबल दो बोथ आर सेरिब्रल हेमीस्फेर टू सेरिब्रल हेमीस्फियर होते हैं यहां पर वन एंड टू सेरिब्रल से आधा हेमीफियर और आधा हेमीस्फियर क्लियर बिल्कुल अब ध्यान से देखो तो इस हेमीफियर में एक ट्री लेग स्ट्रक्चर दिख दिख रहा रहा है है इस में एक ट्री स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं अर्बर वाइटे अर्बर वाइटे इट इज अ ट्री लाइक अर्बर वाइटे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है ठीक -like है।, है, -like, -like है, है आप समझ रहे हो अर्बर वाइटे एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है ठीक है जिसमें ग्रे और व्हाइट मैटर का कॉम्बिनेशन है ठीक है अंदर कौन सा मैटर दिख रहा है आपको अंदर मेडुला मेडुला अंदर होता है कॉटेक्स बाहर होता है मेडुला व्हाइट मैटर को रिप्रेजेंट करता है जबकि कॉटेक्स की बात करते हैं तो ये ग्रे मैटर को रिप्रेजेंट करता है हाईली फोल्डेड एरिया है और दोनों हेमीस्फेयर को जोड़ने के लिए यहां पर भी एक न्यूरोन का बंडल होता है जो दोनों हेमिसफेयर के बीच में क्या काम करता है कोऑर्डिनेशन वर्मिस बोलते हैं इसको ठीक है अरबर वाइटी मैंने बताई दिया वर्मी समझ में ही आ गया आपको फंक्शन क्या होता है सारी बैलम का सेकेंडरी लार्जेस्ट पार्ट ठीक है कंट्रोल बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन बिटवीन वॉलेंट्री मूवमेंट ठीक है बैलेंसिंग एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ वॉलेंट्री मूवमेंट ये मेन काम होता है सैरी बैलम का फिनिश मेडुला ऑब्लॉन्गेटा करा चुका हूं कंट्रोल क्या का काम करता है ऑल बॉडी सिस्टम पूरे जितने भी हमारे बॉडी सिस्टम्स हैं ये हर सिस्टम के अंदर मेडुला मेडोलॉबलोंगेटा बताया हर सिस्टम के अंदर मेडुला मेडोलॉब्लॉन्गेटा ठीक है यानी इनवॉलेंट्री एक्शन को इनवॉलेंट्री बॉडी सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए बॉडी रिफ्लेक्स को भी कंट्रोल करता है जैसे स्नेजिंग ठीक है समझ रहे हो ना मेरी बात जितने भी आपके बॉडी नेचुरल रिफ्लेक्स होते हैं ठीक है बॉडी रिफ्लेक्स, नेचुरल जितने भी होते हैं नेचुरल उन सबको कंट्रोल मेडुला ऑब्लॉन्गेटाई करता है ऑल बॉडी सिस्टम मेडुला ऑब्लॉन्गेटा कंट्रोल करता है ठीक है तो, मैं तो लोग आप लोग के समझ में आ गया पोन्स मैं आपको चुका हूं। सिस्टम में। पोंस, और में रोक देता है ठीक है जब हाइपर एक्टिव हो जाएगा तो रेट ऑफ ब्रीथिंग बढ़ जाता है क्योंकि ड्यूरेशन ऑफ इंस्पायरेशन घट जाता है रेस्पायरेशन में पोन्स का पूरा फंक्शन लिखा दिया था मैंने ठीक है अच्छा क्वेश्चन आता है किसे कहते हैं ब्रेन स्टैम ब्रेन का वो पार्ट समझो जो ब्रेन को स्पाइनल से जोड़ता है वो ब्रेन की स्टैम है पार्ट ऑफ ब्रेन कनेक्ट ब्रेन टू स्पाइनल उसको बोलते हैं ब्रेन तो कौन कौन सा पार्ट है मिड ब्रेन इसके अंदर आता है और हाइंड ब्रेन पर हाइंड ब्रेन पूरा नहीं आता हाइंड ब्रेन में पोन्स और मेडुला ऑबलोंग गेटा आते हैं ठीक है सैरी बेलम इसमें इंक्लूड नहीं है तो ब्रेन कि वो पार्ट जो ब्रेन को स्पाइनल कॉर्ड से कनेक्ट करती है उसको ब्रेन स्टैम्प बोलते हैं जिसमें मिड ब्रेन और हाइंड ब्रेन पर हाइंड ब्रेन में सैरी बेलम इंक्लूड नहीं है पोन्स और मेडोलोटा इनके मिलने से ब्रेन स्टैम्प का फॉर्मेशन होता है यहां आके फिनिश हो जाती है आपकी ब्रेन का पार्ट लास्ट बचा हुआ है रिफ्लेक्स सेक्शन यहां तक ब्रेन एकदम समझ में आया या नहीं आया ब्रेन ब्रेन में सेट हुआ या नहीं हुआ बहुत कॉम्प्लेक्स है ब्रेन पर कोशिश किया बहुत तरीके से ब्रेन में सेट करने की बिल्कुल दस मिनट बचे हुए हैं दस मिनट नहीं वैसे तो साढ़े छह तक का टाइम है पर मैं आपको छह पांच तक फिनिश कर दूंगा बिल्कुल लास्ट पर आ चुके हैं सिर्फ रिफ्लेक्स एक्शन बचा हुआ है एकदम बेहतरीन तरीके से ब्रेन में सेट कर लो चैप्टर फिनिश सेंसरी ऑर्गन का एक सिंगल शॉट दूंगा मैं अलग से ठीक है उसमें मिक्स नहीं करूंगा क्योंकि सेंसरी ऑर्गन से एक साल में तीन क्वेश्चन तक आए हुए हैं ठीक है उसमें कोई लापरवाही नहीं क्योंकि ब्रेन में बहुत ताकत लगानी थी मुझे तभी ब्रेन दिमाग में सेट हो सकता है ठीक है तो मैंने ब्रेन मतलब नर्वस सिस्टम वाला पार्ट अलग कर दिया सेंसरी ऑर्गन अलग कर दिया अगला जो सिंगल शॉट आएगा वो सेंसरी ऑर्गन का आएगा ठीक है प्लानर में नहीं है पर मैं पहले से ही बोल दे रहा हूं सेंसरी ऑर्गन आएगा नेक्स्ट वाला पार्ट ठीक है और ब्रह्मास्त्र अब टू पॉइंट ऊपर आएगा जिससे कंफ्यूज ना हो आप ठीक है मॉर्निंग के अंदर ठीक है और उसके बाद शायद प्लेनर में मुझे लग रहा है एंडोक्राइन दे रखा है या सर्कुलेटरी में चेक कर लूंगा क्या है प्लेनर में तो वो चैप्टर आ जाएगा और फिजियोलॉजी के बाद एनिमल किंगडम कराएंगे और किंगडम के जस्ट बाद हम ट्वेल्थ चालू कर देंगे इसमें ह्यूमन रिप्रोडक्शन हो चुका है तो ट्वेल्थ में अब क्या बचा हुआ है अब ट्वेल्थ में हम लेके चलने वाले हैं इवोल्यूशन बायोटेक्नोलॉजी ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज ये तीन बड़े चैप्टर्स हैं छोटे चैप्टर्स के अंदर फिर आ जाएगा ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ कॉकरोच वो इलेवेंथ का आ गया टिश्यू इलेवेंथ का आ गया इसका ब्रॉडकास्ट भी देने वाला हूं मैं ठीक है और स्ट्रेटी खत्म कोर्स सर एक बार वर्मिस प्लीज वर्मिस कुछ भी नहीं है जैसे वहां पर कॉर्पस कैलोसम था ना जो दोनों हैमिस्फेयर को जोड़ने का काम कर रहा था ऐसी यहां वर्मिस होती है जो दोनों सेरिबेलर सेरीबेलर को जोड़ने का काम करती है उनके बीच में कम्युनिकेशन कराती है कोऑर्डिनेशन करती है सेम थिक बंडल ऑफ न्यूरोन और कोई भी डिफरेंस नहीं है ओके सर प्लीज़ एक बायो बोलो ना बायो तरुण सर कह रहे हैं सर मैं कराऊंगा तो ठीक है तरुण सर करा देंगे कोई भी करा दें मैं कराऊंगा तरुण सर कराएं एक ही बात है ठीक है तो कोई नहीं तरुण सर करा देंगे ठीक है ठीक है तो मैंने रूटीन क्लास में यकीन में बायो मालिक्यूल करा ही दिया था अब यहाँ तरुण सर करा देंगे ठीक है हाँ पोडकास्ट बिल्कुल वीडियो मैं वीडियो की फॉर्म में करूंगा कैमरे के सामने खड़े होकर पोडकास्ट पूरा रिवाइज़ करा दूंगा आपको एन के डायग्राम के साथ ओनली एन डायग्राम और मेरी साउंड होगी ठीक है आप देख भी सकते हो सुन भी सकते हो दोनों चीज़ में इंक्लूड होंगी ठीक है डिफरेंट वे में कराऊंगा पॉडकास्ट बिल्कुल डिफरेंट वे में आप टेंशन मत करो एक गुड पानी पी लिया जाए अब बात आती है रिफ्लेक्स एक्शन की रिफ्लेक्स ऐसे एक्शन जो होते हैं ऐसे एक्शन जो ऑटोमेटिक होते हैं रैपिड होते हैं जैसे मानो किसी ने पिंच भाई झटके से आपने हाथ हटाया ठीक है जैसे मेरा हाथ था टकराया झटका लगा समझ में आया अचानक से झटका लगा यानी ऐसे एक्शन जो स्पॉन्टेनियस होते हैं रैपिड होते हैं टोटली इनवॉलेंट्री होते हैं आपके कंट्रोल में नहीं होते समझ रहे हो ऑल आर रिफ्लैक्स रेगुलेट बायट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल क्वेश्चन आएगा कौन रेगुलेट करता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल स्पॉन्टेनियस होते हैं ऑटोनॉमिक होते हैं रेपिड होते हैं इनवॉलेंट्री होते हैं विच रेगुलेट बाय सीएनएस क्वेश्चन आया है स्पाइनल स्पाइनल रेगुलेट होते हैं इनको रिफ्लैक्स एक्शन बोलते हैं क्या बोलते हैं रिफ्लैक्स एक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गन दीज आर टू टाइप एंड ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग अगेन दीज आर टू टाइप टोटल मैं एक साथ क्लासीफाई कर रहा हूं इनको ठीक है लर्निंग के बेस पर हा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्ट दीज आर टू टाइप कंट्रोलिंग ऑर्गन के बेस पर हम इसको टू टाइप में डिवाइड करेंगे और एक्सपीरियंस के बेस पर भी इसको टू टाइप में डिवाइड करेंगे समझना कंट्रोलिंग ऑर्गन के बेस का मतलब क्या है कंट्रोलिंग ऑर्गन के बेस का मतलब है जैसे मानो जैसे मानो कंट्रोलिंग ऑर्गन का मतलब है यार मैं कह रहा हूं तरुण सर एक है, है? अलग अलग है, एक है, है एक ही बात है ठीक है कोई अलग अलग नहीं है हम लोग एक ही है ठीक है एक ही बात है ठीक है कोई भी एक करा देगा अभी फिलहाल तरुण सर बोल रहे हैं तो वही करा देंगे ठीक है ठीक है अब आ जाओ टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गन कौन कंट्रोल कर रहा है रिफ्लेक्सेशन को अगर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है तो स्पाइनल रिफ्लेक्स फिर से बोल रहा हूं अगर ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड कंट्रोल कर रही है तो उसको स्पाइनल रिफ्लेक्स बोलेंगे ठीक है कौन कंट्रोल कर रहा है क्रैनियम या स्पाइनल ठीक है ब्रेन कंट्रोल कर रहा है तो क्रैनियल स्पाइनल कॉर्ड कर रही है स्पाइन रिफ्लेक्स जितने भी मेमोरी बेस्ड रिफ्लेक्स होते हैं वो क्रैनियल रिफ्लेक्स होते हैं जितने स्पॉन्टेनियस जिसमें मेमोरी का कन्वलमेंट नहीं होता वो क्रैनियल रिफ्लेक्स होते हैं समझना जैसे जैसे सलाइवेशन सलाइवेशन विद या सलाइवेशन विद थॉट साइट ऑफ फूड समझ रहे हो आपने खाने को देखा लार आना चालू हो गई आपने खाने के बारे में सोचा गुलाब जामुन खाने को मिल जाए या गोलगप्पे खाने को मिल जाए ठीक है गोलगप्पे भी ऐसे नहीं सूजी के गोलगप्पे बड़े बड़े ठीक है और उसके पास पानी एक नहीं चार पांच तरीके का पानी हो तीखा पानी हो ठीक है समझ रहे हो ले उसका हल्दी वाला वो कौन सा हींग वाला पानी हो हींग जीरे वाला पानी हो खट्टा मिठा पानी हो ठीक है फिर वो उस गोलगप्पे के अंदर घुमा करके पानी भरे उसमें दो समझ रहे हो ना चटपट चीजें उस पर डाले ठीक है फिर उस गोलगप्पे को उठा के अब खाओगे ना सलाइवा सलाइवा मैंने खाया नहीं गोलगप्पा देखा भी नहीं गोलगप्पा स्मेल भी गोलगप्पे की नहीं आई पर थॉट प्रोसेस सलायाना चालू हो गया थॉट प्रोसेस ठीक है Thought process चालू हो गया तो कैसा रिफ्लेक्स है Cranial reflex है, है जो cranium से control हो रहा है, वो क्रेनियल रिफ्लेक्स है ठीक है जैसे किसी ने मेरे पिन चुबोई अचानक से मेरा हाथ हटा क्या के मैंने हाथ हटाया नो इट इज विड्रॉल रिफ्लेक्स जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं ठीक है विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट ड्यू टू थर्मल स्टूमुलेशन मैकेनिकल केमिकल जो भी स्टूमुलेशन होते हैं उनसे जो विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट होते हैं ये सारे सारे के स्पाइनल रिफ्लेक्स होते हैं समझे या है नहीं समझे हा बेटा समझे या नहीं समझे तो फिर से बोल रहा हूं मैं अगर आपकी थॉट प्रोसेस के थ्रू सलाइवेशन पर क्वेश्चन आता क्वेश्चन जब भी बनाए सलाइवेशन पर बनाए ठीक है सलाइवेशन विथ थॉट समझ रहे हो या साइट समझ रहे हो यस समझो एक तरीके से यस yes, स्मेल अगर समझ रहे हो ऐसी स्मेल ऐसे स्मेल टर्म तो तब आएगा हाँ स्मेल की उसकी मेमोरी बनती है मतलब मेमोरी बेस्ड कोई भी सिस्टम हो मेमोरी बेस्ड अगर है तो क्रेनियल रिफ्लेक्स है ठीक है क्रेनियल किस पर मेमोरी पर बेस्ड है ठीक है मेमोरी एक ब्रेन अगर ब्रेन कंट्रोल स्पाइनल कॉर्ड और क्रेनियल ब्रेन ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है क्रेनियल जैसे क्वेश्चन आएगा एग्जाम्पल पर सलाइवेशन सलाइवेशन ड्यूरिंग थॉट एंड साइट ऑफ फूड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है स्पाइनल रिफ्लेक्स स्पाइनल रिफ्लेक्स Example Withdrawal of body part, withdrawal of body part during thermal mechanical. फिजिकल स्टिमुलस स्टिम्युलदड्रोल ऑफ बॉडी पार्ट ड्यूरिंग थर्मल मैकेनिकल फिजिकल स्टिमुलस स्पाइनल रिफ्लेक्स जैसे समझ में आया ना विदड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट जितने भी विड्रोल रिफ्लेक्स होते हैं स्पाइनल होते हैं ठीक है और जर्क रिफ्लेक्स भी इसी में काउंट कर सकते हैं ऑल जर्क रिफ्लेक्स ऑल जर्क रिफ्लेक्स समझ रहे हो जैसे झटका लगा करंट लगा स्पाइनल रिफ्लेक्स है रिफ्लैक्स आपने हाथ हटाया इन्वॉल्वमेंट होगा वहां रिफ्लेक्स है सर योर एनर्जी यार लगातार आप आप ही सोचो आप एक घंटे चीख के देखो जब आप एक घंटे चीखोगे ना तो आपको थकान आएगी और आजकल मैं मतलब हम लोग सोने का भी बस वही हो रहा है ना दो तीन घंटे सो रहे हैं अभी कोई टेंशन नहीं तीन तीन चार चार घंटे भी सो रहे हैं चार घंटे साढ़े चार घंटे पाँच घंटे काम ही डट के कर रहे हैं बिलीव नहीं करोगे आपके लिए हर चीज़ तैयार कर रहे हैं बहुत बेहतर वे में कंटेंट बहुत अच्छा हर चीज़ पूरी मतलब जितना जी जान लगा सकते हैं तैयार करने में तो थोड़ा बहुत हो सकता है एनर्जी लेवल कम हो पर होने नहीं देंगे टेंशन मत करो एनर्जी लेवल कम नहीं होने देंगे झोंक डालेंगे इतना झोंकना है ठीक है तो कंट्रोलिंग ऑर्गन के बेस पर क्रेनियल रिफ्लेक्स स्पाइन रिफ्लेक्स क्रेनियल रिफ्लेक्स वो होते हैं जो थॉट प्रोसेस के थ्रू या खाने को देखा सलाइवेशन चालू हो गया स्पाइनल वो होते हैं विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट ठीक है जैसे ड्यूरिंग थर्मल मैकेनिकल फिजिकल स्टूमुलस या ऑल जर्क रिफ्लेक्स ऑल्सो इंक्लूडेड स्पाइनल रिफ्लेक्स अच्छा अब आ जाओ एक्सपीरियंस के बेस पर अनकंडीशनल कंडीशनल अनकंडीशनल का मतलब है नेचुरल जिसमें कोई कंडीशन नहीं लगती जबकि कंडीशनल रिफ्लेक्स क्या होते हैं जो लर्निंग से आते हैं जैसे एक साइंटिस्ट है पैबलो वो बैल बजाते थे और अपने कुत्ते को खाना देते थे बैल बजाते थे खाना देते थे एक दिन क्या किया उन्होंने बैल बजाई खाना नहीं दिया पर कुत्ते के सलायना चालू हो गया ये लर्निंग थी ठीक थी? है उसने लर्न किया था ठीक है तो जितने भी लर्निंग वाले रिफ्लेक्स होते हैं ना वो सारे सारे अनकंडीशनल होते हैं सॉरी सारे सारे कंडीशनल होते हैं वो कंडीशन पर आपने बनाए हैं अनकंडीशनल नेचुरल जैसे नेचुरल जितने भी रिफ्लेक्स होते हैं स्नेजिंग कफिंग सब नेचुरल हैं जो आप टाइपिंग स्विमिंग लर्न करते हो वो कंडीशन में आ जाते हैं ठीक है तो अनकंडीशनल रिफ्लेक्स की अगर मैं बात करूं ठीक है नेचुरल रिफ्लेक्स नेचुरल नेचुरल इसमें भी सलाइवेशन आएगा सलाइवेशन विद टेस्ट अगर टेस्ट करके सलाइवा आ रहा है तो भी नेचुरल है सलाइवेशन विद टेस्ट अगर टेस्ट के साथ सलाए आ रहा है तो नेचुरल है ठीक है इसके अलावा स्नेजिंग, कपिंग ठीक है एटसेट्रा कर देते हैं कंडीशनल रिफ्लेक्स पेवलो एक्सपेरिमेंट ये मत भूलना कंडीशनल का एक्सपेरिमेंट है एक और कंडीशन में याद रखना जैसे टाइपिंग जैसे स्विमिंग एटसेट्रा नहीं जो आप लर्न कर रहे हो वो सारे कंडीशनल हैं जो नेचुरल हैं सलाइवेशन विथ तेज कपिंग नेचुरल जितने भी हैं ठीक है एटसेट्रा वो सारे सारे अनकंडीशनल हैं नेचुरल हैं ये लर्न करके एक्सपीरियंस से आ रहे हैं लर्न करके आ रहे हैं ठीक है लर्निंग से डेवलप कर रहे हो तो ये हो गए टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स जो आपको ध्यान रखने हैं ठीक है एक बात और ध्यान रख लेना रिफ्ल, रिफ्लेक्स आर्क आर्क क्या होती है इट इज अ पाथ ये एक रास्ता है जिससे रिफ्लेक्स एक्शन ट्रेवल करता है इट इज अ पाथ अच फॉलोड बाय रिफ्लेक्स एक्शन विच फॉलोड बाय इम्पर्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन उसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं ठीक है थीके? रिफ्लेक्स आर्क एक मिनट देखना रिफ्लेक्स आर्क इट इज अ पाथ विच फॉलोड बाय इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लैक्स एक्शन ड्यूरिंग रिफ्लैक्स एक्शन इट इज अ पाथ विच फॉलोड बाय इंपल्स ड्यूरिंग रिफ्लैक्स एक्शन इसको रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं जैसे मान लो ये स्किन है ये स्टूमुलेशन दिया आपने स्टूमुलस तो यहां पर क्या लगा होगा यहां पर रिसेप्टर लगा होगा तभी तो दोगे। यानी यहां पर क्या लगा होगा रिसेप्टर रिसेप्टर से सिग्नल कहां जाएगा रिसेप्टर से सिग्नल सीधा सी एन एस सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन लेके जाएगा सेंसरी फिर सेंसरी सीएनएस से सिग्नल कहां जाएगा इफेक्टर इफेक्टर एक भी हो सकता है इफेक्टर दो भी हो सकते हैं इफेक्टर इफेक्टर का मतलब है स्कैटल मसल्स मसल्स तो ये हो गया रास्ता पाथ पाथ क्या हो गया आप बोलोगे रिसेप्टर सेंसरी सीएनएस कौन सा न्यूरॉन लेके आएगा मोटर मोटर कहां पर आएगा इफेक्टर तो पाथ विथ फॉलोड बाय इंपल्स तो क्या पाथ बनेगा पाथ ये बनेगा पाथ बताता हूं रिसेप्टर सेंसरी सी एन एस मोटर इफेक्टर ये पाथ हो गया ये पाथ है जिससे इंपल्स फॉलो करती है इसी को रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं रास्ता ठीक है जैसे यहां ध्यान से देखो ध्यान से देखो ध्यान से देखना ये स्... रिसेप्टर है रिसेप्टर है सिग्नल यहां से चला ये सिग्नल चला ये चला कौन लेके आ रहा है एफरेंट पाथवे सूडो यूनिपोलर न्यूरॉन्स होते हैं डॉर्सल रूट गैंगले ऑफ स्पाइनल कॉर्ड डॉर्सल रूट गैंग्ले ऑफ स्पाइनल कॉर्ड सूडो यूनिपोलर सेंसरी न्यूरोन बताया था ना सूडो यूनिपोलर कैसे होते हैं सेंसरी है। सेंसरी तो सिग्नल को कहा लेके जा रहे हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम रोड डॉट्स ऑफ रूट ऑफ गैंग्लिया और स्पाइनल कॉर्ड ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास सेंसरी सिग्नल ला रहे हैं कहां पर ला रहे हैं सीएनएस सेंट्रल नर्वस सिस्टम मोटर सिग्नल लेकर के जाएंगे मोटर सिग्नल वापस लेकर के जाएंगे कहां लेके जाएंगे इफेक्टर मसल्स के पास सिग्नल लेकर के जाएंगे कहां जाएंगे इफेक्टर मसल्स के पास समझ एक बात कर रहे हो तो कितने फैक्टर है एक फैक्टर दो फैक्टर मैं आपसे पूछू नंबर ऑफ रिफ्लेक्स आर्क कितने होंगे इसके अंदर नंबर ऑफ़ रिफ्लेक्स आर्क बताओ कितने रिफ्लेक्स आर्क होंगे भाई एक सेंसरी और दो मोटर यानी यहां से इंपल्स चला ये रास्ता अलग हो गया ये रास्ता अलग हो गया अलग अलग मसल्स पे जा रहा है तो नंबर ऑफ रिफ्लेक्स कितने होंगे? तो ऐसे तो ऐसे जितनी जितनी मंजिल 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 उतने उतने रास्ते, उतने रास्ते। तो कितनी है यहाँ पर? दो तो रास्ते कितने दो होंगे यही डायग्राम आएगा अब रिफ्लेक्स आर्क भी टू टाइप के हो सकते हैं मोनोसाइनेप्टिक और पोलिसनेप्टिक ठीक है ये समझना मोनोसेनेप्टिक और पोलिसनेप्टिक मोनो और पॉली क्या अंतर है मोनो और पॉली के अंदर अगर सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में एक सेन बनता है तो मोनोसेनेप्टिक और सेंसरी और मोटर के बीच में दो सेनेप्स बनते हैं ज्यादा तो पॉली ठीक है सिंगल सेनेप्स प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरो भाई से एक सेनेप्स बन रहा है सिंगल सेनेस प्रेजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर न्यूरोन जैसे मानो ये सेंसरी न्यूरोन है ये सेंसरी न्यूरोन है ये मोटर न्यूरोन है एक ही सेनेप्स बनाना एक सिंगल साइनस बना सेंसरी और मोटर के बीच में सिग्नल आ रहा है सिग्नल जा रहा है ये सेंसरी है तो ये मोटर है यह सैनेप्स है तो ये मोनोसेनेप्टिक हुआ जबकि पॉलीसनेप्टिक में क्या होगा टू और मोर स्नैप्स प्रजेंट बिटवीन सेंसरी एंड मोटर नीरोन जैसे मान लो ये सेंसरी है इसकी ब्रांच आ गई या ऐसे समझ लो इनके बीच में एक इंटरन्यूरोन आ गया कौन आ गया इंटरन्यूरोन ये एक इंटरन्यूरोन आ गया ये सेंसरी था ये मोटर था दोनों के बीच में कौन आ गया इंटरन्यूरोन तो सेंसरी और मोटर के बीच में इंटरन्यूरोन आ जाता है तो नंबर ऑफ सेनेप्स कितने हो गए टू सेनेप्स तो उसको पोली बोलेंगे जब सेंसरी और मोटर के बीच में इंटरन्यूरोन आता है और एक से ज्यादा नहीं आता इंटर है, वहां है। ये भी पूछा जाएगा तो एग्जाम्पल बताओ मोनोसेनेप्टिक के भाई मोनोसेनेटिक जितने भी होते हैं ना ये, ये टेस्ट होते हैं fast टेस्ट ये फास्ट होते हैं मतलब बहुत बहुत खतरनाक तरीके से काम करते हैं ये भाई आप ट्रेवल कर रहे हो रेड लाइट कम आ रही है तो आपकी स्पीड ज्यादा होगी रेड लाइट आपके ट्रैक में ज्यादा आ रही है तो आपकी स्पीड कम होगी सिंपल सी बात है ठीक है एग्जांपल ऑल जर्क रिफ्लेक्स ऑल जर्क रिफ्लेक्स जितने भी जर्क रिफ्लेक्स होते हैं जैसे एल्बो जर्क हो गया नी जर्क हो गया जैसे आपने कौनी टकराई टकराती करंट लगता है आपको ये जर्क रिफ्लेक्स जितने भी होते हैं ऑल जर्क रिफ्लेक्स आर मोनोसेनेप्टिक जिसमें इंटरन्यूरोन पार्टिसिपेट नहीं करते समझ रहे हो ना और जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं उसमें इंटरन्यूरोन पार्टिसिपेट करते हैं ऑल विड्रॉल रिफ्लेक्स ऑल विड्रॉल रिफ्लेक्स जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं विड्रॉल ऑफ बॉडी पार्ट वो सारे सारे पॉलिसनेप्टिक होते हैं उनमें इंटरन्यूरोन होता है और जिनमें इंटरनल र्यूरोन नहीं होता वो सारे सारे मोनोसनेप्टिक हैं ऑल आर ऑल जर्ग रिफ्लेक्स एल्बो जर्क नी जर्क एंकिल जर्क कोई भी ज्वाइंट जर्ग रिफ्लैक्स इसमें करंट लगता है ऑल आर मोनोसनेप्टिक तो समझ में आ गया सबसे पहले समझाया कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है क्लियर हो गया होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन बताया मैंने ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलिंग ऑर्गन ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपीरियंस सलाइवेशन पे क्वेश्चन आता है ठीक है

तो जितने भी जर्क रिफ्लेक्स होते हैं मोनोसेनेप्टिक और जितने भी विड्रॉल रिफ्लेक्स होते हैं पॉलीसेनेप्टिक होते हैं यहां तक समझ में आया नहीं आया आया होगा नहीं आया तो इन दो क्वेश्चन से एकदम ब्रेन में सेट होगा ठीक है विच स्टेटमेंट इज नॉट रिलेटेड टू द फॉलोइंग डायग्राम नॉट रिलेटेड पूछा है डायग्राम से रिलेटेड नहीं है दिस फिगर इज शोइंग द नी जर्क यस हथौड़ा बजा रहे नी के अंदर नी जर्क रिफ्लेक्स यस दिस शो टू रिफ्लेक्स आर्क यस कितने रिफ्लेक्स आर्क होंगे जितनी मंजिल उतने आर्क रास्ते टू रिफ्लेक्स आर्क होंगे मोटर न्यूरोन दो है यहां पर मोटर न्यूरोन एब्सोल्युटली राइट अगर मोनोसेनेटिक रिफ्लेक्स आर्क है जैसे मानो रास्ता यहां से चला यहां से चला और यहां से इंटर इंटरन्यूरोन नहीं है ये 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 मोनोसेनेटिक हो गई यहां से चला तो इंटर इंटरन्यूरोन बीच में आया आ गया तो ये पॉलीसनेप्टिक हो गई ठीक है तो ये भी सही है गोस टू ठीक है ध्यान रखना है यहां पर एक ही न्यूरॉन दो मसल्स में नहीं जाएगा एक अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो हथौड़ा बजाओगे तो पैर ऊपर उठेगा यानी इसमें कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है तो इसमें रिलैक्सेशन हो रहा है एनसीआर की लाइन है तो ये रॉन्ग हो गया फोर्थ ऑप्शन रॉन्ग हो गया जो इससे रिलेटेड नहीं है इसमें एक कॉन्ट्रैक्ट कर रही, relax कर रही तो पैर उठ रहा है रिस्पॉन्स आ रहा है फॉलोइंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन ठीक है एबीसीडी आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन पार्ट वी कंटेन विच टाइप ऑफ न्यूरॉन जरा पार्ट वी में देखो कौन से न्यूरॉन होंगे अभी बताया था मैंने सूडो यूनिपोलर तो ए में आ गया सूडो यूनिपोलर इसमें भी सूडो यूनिपोलर आगे चलो अच्छा यूनिपोलर सूडो यूनिपोलर दो अलग अलग दे रखे हैं सूडो यूनि यहां दे रखा है सूडो यूनि यहां दे रखा है फिर यूनि दे रखा है आगे आ गया जाओ बिच नर्व पाथवे कैरी इम्पस फ्रॉम रिसेप्टर टू सीएनएस रिसेप्टर टू सीएनएस कौन लेकर के जा रहा है सी लेकर के जा रहा है सी सी इसमें भी है अच्छा यही क्लियर हो गया सेकेंड ही आ गया फिर तो फिर भी देख लेते हैं हेलो ठीक है आगे देख लेते हैं विच नर्व पाथवे कैरी मोटर इंपल्स मोटर इंपल्स कौन लेके जाएगा ए तो इसके बाद ए आ गया भाई मोटर इंपल्स ए लेके जाएगा ये भी ठीक है विच पार्ट इज नॉट एसोसिएटेड विद मोनोसेनेट्रिक रिफ्लेक्स ये इंटरन्यूरोन मोनोसेनेटिक में नहीं होंगे ये पॉलिसनेप्टिक में होंगे तो ऑप्शन ए ही आ रहा है टू क्लियर है बिल्कुल इस डायग्राम से रिफ्लेक्स एक्शन से रिलेटेड सारे पॉइंट एकदम क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो सेकंड ऑप्शन आएगा जिसमें सारे पॉइंट आ रहे हैं समझे तो यहां आकर के आपका चैप्टर एकदम फिनिश हो जाता है ब्रेन में सेट हो जाता है ठीक है बस कहूंगा यार लगे रहो ठीक है अपने लिए नहीं तो अपने मम्मा पापा के लिए लगे रहो बस ठीक है एक महीना लास्ट का बड़ा इंपॉर्टेंट क्रूसियल है बहुत प्यारा रोल प्ले करता है ठीक है फोकस्ड ऑन टारगेट और कुछ भी नहीं ठीक है और हम भी लगे रहेंगे नीट के एग्जाम तक थैंक यू बेटा ऑल द बेस्ट बाय कल आपका बॉटनी का सेशन होगा ठीक है और सेम परसों ऑफ जोलॉजी का होगा अल्टरनेटिव सेशन चलेंगे आपके प्लानर को फॉलो करेंगे और पूरे डेडिकेशन के साथ काम करेंगे 100 परसेंट अपना एफर्ट लगाएंगे और आपका भी 100 परसेंट एफर्ट लगना चाहिए ठीक है सेशन कैसा लगा एक कमेंट यार जरूर कर दिया करो लास्ट में थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है और कुछ नहीं ठीक है थैंक यू ऑल द बेस्ट बेटा बाय